पहले दिन से और 14 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वो कफ के प्रभाव में होता है। मतलब सीधा सा ये है कि बच्चे को बचपन में सबसे ज्यादा कफ के ही रोग होते हैं, सबसे बार बार सर्दी होगी, बार बार खांसी होगी, बार बार जुकाम होगा, बार बार गला दुखेगा, टॉन्सिलाइटिस होगा, कान में दर्द होगा, ये सब होगा। तो सबसे ज्यादा बचपन जो होता है कफ के प्रभाव में, फिर 14 वर्ष की उम्र से शुरू करके लगभग 60 वर्ष की उम्र तक, आज के जमाने में ये 60 वर्ष कम हो गया, 40 तक ही हो गया, पुराने जमाने में ये 60 तक होता था। 14 वर्ष की उम्र से 40 वर्ष की उम्र तक जो व्यक्ति है, स्त्री हो या पुरुष, वो पित्त के प्रभाव में होता है। माने 14 साल से लेके 40 साल तक जितने भी रोग होंगे 99% वो पित्त के। ये 40 साल मैंने किया, आयुर्वेद तो 60 साल की बात करता है, ये 40 साल मैंने इसलिए किया है कि मेरे पास सैकड़ों पेशेंट हैं जो बात के हैं 40वीं उम्र से। 40 की उम्र में ही उनको घुटने के दर्द, कमर के दर्द, कंधे के दर्द सब शुरू। मॉडर्न एज है, आधुनिक जमाना है, इसलिए इसमें बात सबसे बिगड़ा हुआ है। तो 40 की उम्र से हम शुरू करें और जीवन के आखिरी दिन तक सबसे ज्यादा बात का असर होगा। माने 40 के बाद के जो रोग शुरू होंगे आपके जीवन में, उम्र के आखिरी दिन तक, तो आपको सबसे ज्यादा तो बात के रोग होंगे 40+, पित्त के होंगे 14+, 14+, और कफ के होंगे 1+ या 0+, जो भी। इतनी मोटी बात के बाद अब हम पढ़ते हैं अष्टांग हृदय के सूत्र पर। यह भूमिका मुझे बनाना इसलिए जरूरी था कि मोटी जानकारी हमें रहे। अष्टांग हृदय में भागवत जी कहते हैं कि जिंदगी भर बात पित्त कफ को संतुलित रखना ही सबसे बड़ी कला है और कौशल है। सारी जिंदगी आपको एक ही काम करना है, प्रयास पूर्वक, कि हमारा वात, हमारा पित्त, हमारा कफ हमेशा सुरक्षित रहे, नियमित रहे, संतुलित रहे। जितना चाहिए उतना वात रहे, जितना चाहिए उतना पित्त रहे, जितना चाहिए उतना कफ। तो जितना चाहिए उतना वात, पित्त, कफ हमारा रहे, तो इसके लिए क्या करना है, वो 7000 सूत्र है। उसमें से पहला सूत्र बहुत छोटा सा सूत्र है, आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये सूत्र का मतलब क्या है और इसका असर कितना गहरा है। वात पित्त कफ को जीवन भर संतुलित रखना है तो उसका पहला सूत्र है, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। पहला सूत्र है, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। इतना सही सूत्र है, कभी भी जीवन में खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना। लिख लिया आपने, चलिए अब इसको समझते हैं। क्या कहा ये भागवत जी, खाने के बाद पानी नहीं पीना, तुरंत पानी नहीं पीना। अब आप इसको उल्टा करके देखिए कि हम तो रोज यही करते हैं। मैंने 100 में से 99 लोगों को देखा है कि वो पानी लिए बिना खाना नहीं खाते, पानी पहले होता है खाना बाद में होता है। बहुत सारे लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते, 2-4 रोटी के टुकड़े खाए फिर पानी पीते, खाए फिर। ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था में भागवत जी बिल्कुल ऐसी बात कह रहे हैं कि पानी ही नहीं पीना खाने की जरूरत है। कारण क्या है, बात क्या है, क्यों नहीं पीना है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम पानी क्यों ना पिए खाने के बाद, क्या कारण है? बात ऐसी है कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर का पूरा केंद्र है हमारा पेट। ये पूरा शरीर चलता है पेट की ताकत से, और पेट चलता है भोजन की ताकत से। जो कुछ भी हम खाते हैं वही हमारे पेट की ताकत है। हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, हमने रोटी खाई, हमने अचार खाया, दही खाया, लस्सी पिया, कुछ भी, दूध, दही, छाछ, लस्सी, फल आदि, ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये पेट को ऊर्जा देता है और पेट उस ऊर्जा को आगे के लिए ट्रांसफर करता है। आप कुछ भी खाते हैं, सब कुछ पेट आपके लिए ऊर्जा का आधार बनता है। अब हम खाते हैं तो पेट में सब कुछ जाता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं आमाशय। कभी आप
एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का कोई कैलेंडर आजकल आते हैं शरीर विज्ञान जिसमें शरीर के एक एक अंग को दिखाया जाता है। एक कैलेंडर खरीद लीजिए 10-15 रुपए का आएगा, घर में टांग कर रखिए। उस कैलेंडर में आपको बताया जाएगा आपका पेट में जो नाभि स्थान है उसके बिल्कुल लेफ्ट में एक स्थान है, उसको आमाशय कहते हैं। आमाशय उसी स्थान का एक दूसरा नाम है जठर, और उसी को अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। आमाशय, जठर, एपिगैस्ट्रियम, ये एक ही स्थान के तीन नाम, एक अंग्रेजी में है, एक संस्कृत में है, एक हिंदी में। पंजाबी में क्या कहते हैं मुझे नहीं, एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम। तो हमारे क्या कहते हैं पित्ता पंजाबी में, मैदा कहते हैं, जो भी आप कहते हैं। ये स्थान हमारे शरीर का सबसे महत्व का स्थान है, एपिगैस्ट्रियम या आमाशय या जठर, क्योंकि सारा खाना इसी में आता है। ये एक थैली की तरह से होता है, बहुत छोटा स्थान है, इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता बड़े व्यक्ति। तो हम कुछ भी खाते हैं सब कुछ ये आमाशय में आ जाता है। अब आमाशय में क्या होता है, खाना जैसे ही पहुंचता है, ये भगवान की व्यवस्था है जो शरीर में है, तुरंत इसमें आग जल जाती, अग्नि। आमाशय में अग्नि होती है, उसी को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के बोलते हैं जठराग्नि। ये जो जठराग्नि है ये आमाशय स्थान में प्रदीप्त होने वाली अग्नि है, आग है। ये आग ऐसी ही होती है जैसे रसोई गैस की आग, आपकी रसोई गैस है ना एलपीजी सिलेंडर से जो कनेक्टेड है स्टोव, आपने स्विच ऑन किया आग जल गई, ऐसे ही पेट में जैसे आपने खाना खाया तुरंत आग जल गई, ये ऑटोमेटिक है। रोटी का पहला टुकड़ा आपने मुंह में डाला, इधर आग जल गई, जठर अग्नि। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है, डाइजेस्ट। आप खाना खा रहे हैं, अग्नि जल गई, अब अग्नि खाने को पचाती है, डाइजेस्ट कराती है। वो ऐसे ही कराती है जैसे रसोई गैस, आपने रसोई गैस में जो स्टोव है उसका स्विच ऑन कर दिया, आग जल गई, अब इस पे आपने दूध रख दिया, थोड़ा चावल डाल दिया, तो जब तक अग्नि जलेगी तब तक खीर बने। इसी तरह से आपने पानी रख दिया, चावल डाल दिए, अब जब तक अग्नि जलेगी चावल पकेगा। आपने पानी रख दिया, दाल डाल दी, घटाघट पानी ले लिया और खूब ठंडा पानी ले लिया, और कई लोग तो बोतल पे बोतल उतार दिया। अब होने वाला एक ही काम है, जो आग जल रही थी वो बुझ गई। आग अगर बुझ गई तो खाने के पचने की जो क्रिया है वो रुक गई। अब हमारे पेट में दो ही क्रियाएं होती है खाने के पचने में, एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, दूसरी है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब है सड़ना और डाइजेशन का माने है पचना। अगर आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उसका रस बनेगा, आयुर्वेद के हिसाब से बोल रहा हूं। आपकी आग जलेगी खाना पचेगा, खाना पचेगा तो रस बनेगा, जो रस बनेगा तो उसी रस में से मांस बनेगा, मांस जिसको आप फ्लैश कहते हैं, उसी रस में से मज्जा बनेगी, फिर उसी रस में से रक्त बनेगा ब्लड, फिर उसी में से वीर्य बनेगा, फिर उसी में से हड्डियां बनेगी बोन्स, फिर उसी में से मल बनेगा एक्सक्रीटा स्टूल, फिर उसी में से मूत्र भी बनेगा। तो मांस मज्जा रक्त वीर्य मल मूत्र अस्थि और सबसे अंत में मेद बनेगा। ये कब होगा, जब खाना पचेगा तब। और आप जरा ध्यान से सुने इन शब्दों को, मांस की जरूरत है हमको, मज्जा की भी जरूरत है, रक्त की भी जरूरत है, वीर की भी जरूरत है, अस्थि भी चाहिए, मेद भी चाहिए, ये सब हमें चाहिए। क्या नहीं चाहिए, मल नहीं चाहिए और मूत्र नहीं चाहिए। तो मल और मूत्र तो बनेगा जरूर, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं, शरीर को चाहिए नहीं, तो शरीर हर दिन उसको छोड़ देगा, मल को भी छोड़ेगा मूत्र को भी छोड़ेगा, बाकी जो चाहिए शरीर उसको धारण करेगा।
खाना जब हजम होगा पचेगा तो रस बनेगा, रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र अस्थि भेद बनेगा। मल मूत्र की जरूरत नहीं है, शरीर उसको छोड़ देगा। बाकी सब चीजों की जरूरत है, शरीर उसको धारण कर लेगा। ये एक है। दूसरी तरफ क्या होगा, आग नहीं जलेगी, आपने घटाघट पानी पी लिया तो वही खाना सड़ेगा और सड़ने के बाद उसमें से जहर बनेंगे। तो सबसे पहला जहर जो बनता है खाना सड़ने के बाद उसका नाम है यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप कहते हैं मुझे ये तकलीफ मुझे वो तकलीफ, तो डॉक्टर तुरंत डायग्नोसिस करके कहता आपको यूरिक एसिड बन रहा है। तो वो आपको कहता है ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, ऐसे खाओ, वैसे खाओ, यूरिक एसिड कम करो। ये विष है यूरिक एसिड, और ये इतना खतरनाक विष है कि अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया या बंद नहीं किया तो ये आपके शरीर को उस स्थिति में ले जा सकता है कि आप एक कदम भी चल ना सके, टोटली बेड रिडन हो जाए, बिस्तर पे ही आपको पड़ा रहना पड़े, पेशाब भी बिस्तर पे निकले और आपको संडास भी बिस्तर पे ही करनी पड़े। यूरिक एसिड इतना खतरनाक है, वहां तक लेके जाता है। तो इसलिए खराब विषय है, अच्छा नहीं है, नहीं बनना चाहिए। और एक उदाहरण देता हूं, जब खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसा ही और एक विष बनता है शरीर में, उसी को कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, माने खराब कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर अक्सर आपको कहता है, आप जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक कराने, डॉक्टर कहता हाई बीपी है, फिर आप पूछोगे कारण बताओ तो कहेगा आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत है। तो कोलेस्ट्रॉल कौन सा बहुत है, आप और ज्यादा डीप पूछेंगे तो कहेगा LDL बहुत है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इससे भी ज्यादा खराब और एक विष है, वो है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी कोलेस्ट्रॉल जैसा ही विष है। अगर VLDL बहुत बढ़ गया तो भगवान भी नहीं बचा सकता, कितनी खराब स्थिति है शरीर। और एक उदाहरण देता, खाना जब सड़ता है पेट में तो इसी में से कुछ और भी जहर बनते हैं, उन जहर के कुछ नाम हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। डॉक्टर आपको डायग्नोस करके कहता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं, समझ लीजिए विष निर्माण हो रहा है शरीर में। तो कोई यूरिक एसिड के नाम से कहे, कोई कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहे, कोई LDL के नाम से, VLDL के नाम से कहे या ट्राइग्लिसराइड, समझ लीजिए ये सब विष हैं। और ऐसे विष 103 हैं, मैंने आपको 4-5 नाम लिए। ये सारे विष तब बनते हैं जब खाना नहीं पचता, खाना सड़ता है। मतलब समझ लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो एक ही मिनट में ध्यान आना चाहिए खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है मेरा ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं तो एक ही मिनट में डायग्नोस कर लीजिए आपके खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो एक ही मिनट आपको लगना चाहिए ये समझने में खाना पच नहीं रहा, क्योंकि खाने के पचने पर इनमें से कुछ नहीं बनता। खाने के पचने पर बनता है मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र अस्थि मेद, ये सब पचने पर बनता है। नहीं पचने पर क्या बनता है, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL, ये सब बनते हैं। और यही आपको रोगों का कारण बना देते हैं, माने आपके शरीर को रोगों का घर बना देते हैं। तो हमें ध्यान किस बात पर देना है, जिंदगी में सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि जो हम खा रहे हैं वो पूरा ठीक से पचना चाहिए, और खाना ठीक से पचना चाहिए इसके लिए पेट में आग जलनी ही चाहिए, क्योंकि बिना आग के खाना पकता नहीं है और पचता भी नहीं। रसोई में आग नहीं है आप कुछ नहीं बना सकते, पेट में आग नहीं है कुछ नहीं पचा सकते। तो महत्व की बात है खाना खाना नहीं, महत्व की बात है खाने को पचाना। आपने क्या खाया, कितना खाया, ये इमेटीरियल है। कोई कहता है मैंने 100 ग्राम खाया, कोई 200 ग्राम, कोई 500 ग्राम, ये इमेटीरियल है। पचाया कितना उसमें से, वो मटीरियल है, वो महत्व का है। आपने 100 ग्राम खाया और 100 ग्राम पचाया, बहुत अच्छा है, और 200 ग्राम खाया और सिर्फ 100 ग्राम पचाया, बहुत बेकार है, आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है। 500 ग्राम खाया और उसमें से 200 ग्राम भी पचा नहीं सके तो बहुत खराब है। अगर 100 ग्राम खाके 200 ग्राम खाके पूरा पचा लिया तो बहुत अच्छा आपका रिपोर्ट कार्ड है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि खाना खाना
महत्व का नहीं, खाने को पचाना। और खाने को पचाने के लिए महत्व की चीज है अग्नि। तो अग्नि जलेगी तो खाना पचेगा। इसका मतलब खाना खाते ही पानी नहीं पिएंगे, तभी अग्नि जलेगी, तभी खाना पचेगा, तभी उसमें से मांस मज्जा रक्त वीर मलमूत्र बनेगा। तो ये सूत्र दिया गया, खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पीना। कितनी देर तक? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। यही सवाल आना ही चाहिए आपके मन में कि ठीक है, बात तो अभी समझ में आ गई कि खाने के तुरंत बाद तो पानी नहीं पीना, लेकिन कितनी देर तक? अब ये जो देर वाला किस्सा है इसको समझ लें। हम जब खाना खाते हैं उसके पचने की तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था ये है कि जो कुछ आपने ठोस खाया और द्रव खाया, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होता है, सॉलिड और लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे में मिक्स होता है तो खिचड़ी बनता है, उसको पेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहें तो खिचड़ी। तो आपके शरीर में खाया हुआ सॉलिड और लिक्विड दोनों एक दूसरे में मिक्स होता, पेस्ट बनता है। ये पेस्ट बनने की अवस्था 1 घंटे 30 मिनट तक रहती है शरीर में, और 1 घंटे 30 मिनट तक ही अग्नि भी जलती है पेट में। अग्नि का सबसे बड़ा काम है खिचड़ी बनाना, सॉलिड और लिक्विड को मिला के उसको पेस्ट में बदल देना, यह अग्नि का मुख्य काम है। 1 घंटे 30 मिनट के बाद अग्नि अपने आप कम हो जाती है, बुझ तो नहीं जाती है लेकिन कम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके खाने का रस बनना शुरू होता है। अब आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज का रस बनेगा तभी उसमें पानी की जरूरत आएगी। आपको अगर मैं ये कहूं कि आम का रस बनाइए, तो आम का छिलका उतारेंगे, फिर उसका पल निकालेंगे, गूदा निकालेंगे, फिर पानी मिलाएंगे, तभी रस तैयार होगा। वो पानी चाहे दूध के रूप में मिलाए या सीधे पानी मिलाए। चीकू का मैं कहूंगा आपको रस निकालिए, तो आप वही करेंगे, पल्प निकालेंगे, फिर पानी मिलाएंगे। जब भी रस निर्माण होता है बिना पानी के नहीं होता, तो पेट में भी रस का निर्माण बिना पानी के नहीं होने वाला। तो जब 1.5 घंटे के बाद ही रस बनना है तो आप खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही रस बनने लगता है, कुछ ही लोग हैं, बाकी सबको नहीं बनता। जो लोगों को 1 घंटे में बनने लगता है वो लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, खेत में हल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सड़क पर रिक्शा खींच के ले जाते हैं, हाथ गाड़ी लेके जाते हैं। जो बहुत मेहनती लोग हैं उनको पेट में खाना खाने के 1 घंटे में ही रस बनने लगता है। तो वो लोग जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पी सकते हैं, लेकिन जो आपके जैसे मेरे जैसे लोग हैं, कम मेहनती हैं, हमको 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना अच्छा है। तो क्लियर हो गया, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 घंटे के बाद पानी पीना। और 1.5 घंटे के बाद कितना पानी पीना है? जितनी इच्छा करे उतना, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 5 गिलास, आपकी जितनी कैपेसिटी है पीने की, जितनी प्यास लगी है उतना आप पी सकते हैं। खाने से पहले कितनी देर? बहुत अच्छा। अब ये तीसरा सवाल आ गया, तीसरा सवाल ये आ गया कि खाने के पहले पी सकते हैं क्या? खाने के बाद का तो समझ में आ गया 1.5 घंटे में, खाने के पहले वाली बात समझनी है। खाने के पहले हम पानी पी सकते हैं, जितना चाहे उतना पी सकते हैं, लेकिन समय का उसमें ध्यान रखना है। खाना खाने से 48 मिनट पहले, 48 मिनट पहले। आप बोलेंगे ये 48 मिनट का क्या कैलकुलेशन है, 1 घंटा क्यों नहीं कहा मैंने, 48 मिनट क्यों कहा, 50 मिनट भी कह सकता था। बात ऐसी है कि जब आप पानी पीना शुरू करते हैं तो पानी मुंह में जाता है और बाद में सभी अंगों में जाता है, मांस में भी जाता है, मज्जा में भी, सब जगह जाता है, रक्त में भी जाता है, और अंत में पानी जो सरप्लस होता है, माने जरूरत से ज्यादा होता है शरीर को, वो मूत्र पिंड में आके इकट्ठा हो जाता है। बाद में आप यूं मूत्र के साथ उसको बाहर निकाल देते हैं। तो मुंह में पानी शुरू किया, मूत्र पिंड तक आने में उसको 48 मिनट ही लगता है। तो आयुर्वेद में ये कहा गया कि जब ये 48 मिनट पूरा हो जाए और वो मूत्र पिंड में स्थिर हो जाए तो पेट तो खाली हो गया ना, तभी खाना खाना। माना खाने के पहले 48 मिनट में आप पानी पी सकते हैं, जितना चाहे उतना पी सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, क्वांटिटी आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। तो खाने के पहले पानी पीना है तो 48 मिनट में, खाने के बाद पीना है तो 1.5 घंटे में। अब आखिरी प्रश्न आएगा खाने के बीच में,
बीच में पीने के लिए कहा गया है कि कोई मजबूरी है, कोई इमरजेंसी है तो पी सकते हैं एक या दो घूंट। वो इमरजेंसी मजबूरी क्या हो सकती है, मान लो खाना खाते खाते गले में फंस गया, अब मजबूरी आ गई, तो आप पानी पी सकते हैं एक सिप या दो सिप, ठीक है। और एक मजबूरी आ सकती है, खाना खाते खाते खांसी आ गई तो फिर समस्या आ गई, तो भी आप एक दो सिप पी सकते हैं। और एक तीसरी ऐसी ही एक मजबूरी है, वो मजबूरी आयुर्वेद में ये कही गई है कि जब आप दो अन्न का खाना खाएं तो बीच में जरूर पानी पीना है। दो अन्न का खाना मतलब रोटी खा रहे हैं गेहूं की, और चावल भी खाना है आपको, चावल एक अन्न है गेहूं दूसरा अन्न है, मक्के की रोटी खा रहे हैं और उसके साथ चावल खा रहे हैं, मक्की एक अन्न है चावल दूसरा अन्न, बाजरे की रोटी खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं, बाजरी एक अन्न है चावल दूसरा अन्न, ज्वार की रोटी खा रहे हैं तो ज्वार एक अन्न है चावल दूसरा है। तो जब भी दो अन्न का खाना आप खाते हैं तो एक अन्न खाने के बाद दूसरा खाने से पहले थोड़ा पानी जरूर पीना, अनिवार्य। हाँ अनिवार्य है, पानी पीना नहीं पिए तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन पिएंगे तो फायदा बहुत होगा। खाने के बाद पानी कैसे पीना, घटाघट पीना चाहिए? मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। हम जब पानी पिएंगे तो दो अन्न का खाना जब हम खा रहे हैं, गेहूं खा लिया रोटी, अब हमको चावल शुरू करना है, तो रोटी खाने के बाद चावल शुरू करने से पहले एक दो सिप पानी पी लीजिए। क्यों पी लें? आपके पेट में एंजाइम्स जो है ना पचाने के लिए वो अलग अलग है, गेहूं को पचाने के लिए अलग एंजाइम्स हैं, चावल वाले अलग हैं, मक्की के अलग हैं, बाजरी के अलग हैं, ज्वार के अलग हैं, सभी अन्न को पचाने के लिए एंजाइम्स अलग हैं। तो जब आप रोटी खा रहे थे गेहूं की, तो रोटी वाले एंजाइम सक्रिय हैं, वो एक्टिव हैं, रोटी को पचाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अब अचानक से चावल खाना शुरू किया तो चावल वाले एंजाइम्स को सक्रिय करना पड़ेगा और रोटी वाले को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, तो वो पानी से ही होता है। इसलिए एक दो घूंट पानी पी लीजिए तो फिर चावल वाले एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे चावल खाने के समय। ऐसे ही चावल के बाद और कोई तीसरा अन्न खा रहे हैं तो फिर बीच में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये पानी बीच में जो पीना है वो एक दो सिप से ज्यादा नहीं है। इस पर मैं उत्तर दूंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद, अभी हम जो बात कर रहे हैं वहां तक सीमित है कि हमको बीच में पानी पीना है क्या। तो बीच में पानी पीने के लिए तीन कंडीशन मैंने बताई, या तो गले में खाना फंस गया तो मजबूरी है, या तो खांसी आ गई मजबूरी है। लेकिन पॉजिटिवली जो बिना मजबूरी का काम है वो ये कि एक अन्न खाने के बाद दूसरा शुरू होने से पहले दो तीन सिप पानी पी लीजिए, उसके बाद दूसरा अन्न शुरू करें। अब आखिरी बात जो इस एक नियम से जुड़ी हुई है वो ये कि ठीक है हमको समझ में आ गया खाने के डेढ़ घंटे बाद पानी पिएंगे, लेकिन खाने के तुरंत बाद कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़कर? तो उसके लिए आयुर्वेद में कहा गया कि आप खाने के तुरंत बाद अगर पीना चाहें तो जूस पी सकते हैं, फल का रस, कोई भी फल का रस पी सकते हैं। दूसरा कहा गया कि खाने के तुरंत बाद आप चाहें तो लस्सी पी सकते हैं, और तीसरा कहा गया कि खाने के तुरंत बाद आप चाहें तो दूध पी सकते हैं तुरंत। हाँ उसका भी टाइम बताने जा रहा हूं। तुरंत खाने के बाद अगर पीना चाहते हैं तो एक तो जूस पी सकते हैं, दूसरी लस्सी पी सकते हैं, तीसरा दूध पी सकते हैं। अब बहुत अच्छा सवाल पीछे से आ गया, इसका भी कोई टाइम है? हाँ है, आयुर्वेद में बिना टाइम के कुछ नहीं, हर चीज के खाने का टाइम। मूंगफली का दाना कब खाना चाहिए, चना कब खाना चाहिए, गुड़ कब खाना, इसके भी टाइम फिक्स है। मूंग की दाल किन दिनों में खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए, उसके भी टाइम फिक्स है। अरहर की दाल, तुअर की दाल कब खानी चाहिए, माँ की दाल, हर एक चीज का टाइम फिक्स है। इसी के साथ हजार सूत्र है, लेकिन आप घबराइए मत, इतने ज्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको सीधे सीधे कुछ 20-25 या 50 सूत्र ही बताने वाला हूँ जी। आपको याद हो जाए इसलिए कि खाने के तुरंत बाद पानी पीना नहीं है, डेढ़ घंटे बाद पीना है। खाने के पहले पीना है तो 48 मिनट में पीना, खाने के बीच में पीना है तो तब पीना है जब दो अन्न का खाना खाए या कोई मजबूरी आ जाए।
खांसी आ गया या गले में खाना फंस गया, और खाने के तुरंत बाद दूसरी कोई चीज पीनी है पानी को छोड़कर, तो लस्सी पीनी है, दूध पीना है और जूस पीना है। इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि जब भी जूस पीना है खाने के तुरंत बाद, वो सवेरे ही पी सकते हैं, नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद जब भी जूस पीना हो तो सवेरे ही पी सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों, बात सीधी सी ये है कि फल को या जूस को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं हमारे पेट में, वो सवेरे ही सबसे ज्यादा होते हैं। तो सुबह के समय अगर आप जूस पी रहे हैं या फल खा रहे हैं, तो जूस का एक एक बूंद आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा, और वही जूस रात को पियेंगे तो वो सब फ्लश आउट होगा यूरिन के साथ, उसका कुछ भी उपयोग नहीं आएगा। तो सुबह सुबह जूस पीना सबसे अच्छा, हर एक बूंद उसकी पचे हमारे शरीर को। दोपहर के समय लस्सी पीना ही सबसे अच्छा, क्योंकि दोपहर के समय हमारे में जो एंजाइम्स होते हैं वो दही को और लस्सी को डाइजेस्ट कराने वाले हैं दोपहर को। तो दही या दही की कोई भी चीज खाना दोपहर को ही सबसे अच्छा। सुबह खाए तो नुकसान तो नहीं? नुकसान थोड़ा हो सकता है। कब होगा? जब आपकी उम्र 40-45 क्रॉस कर जाएगी। 40-45 तक तो क्या मैंने बताया, पित्त का प्रभाव है। पित्त का प्रभाव ऐसा प्रभाव होता है जो दूसरे सबको कंट्रोल कर लेता है। सर ऐसे सुबह यहाँ गांव में तो दो दो गिलास लस्सी पीते हैं। तो उस पर भी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। जो दो दो गिलास लस्सी पीते है ना, वो काम भी बहुत करते हैं। आपसे ज्यादा करते हैं, मुझसे ज्यादा करते हैं। उनको अभी बोलो कि 5 एकड़ का खेत जोतना है तो वो चले जाएंगे, मेरी तो हिम्मत नहीं, आधे एकड़ में ही बैठ जाऊंगा। तो जो गांव में अभी मेहनत कर लेते हैं, हिम्मत उनमें है, उनके लिए तो कुछ चीजें एक्सेप्शन में आ जाती है। मैं बात कर रहा हूं आपकी, आपसे मतलब जो शरीर श्रम ज्यादा नहीं करते हैं, शहर में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आयुर्वेद के नियम की बात कर रहा हूं। जो बहुत श्रम करते हैं उनके लिए नियम बिल्कुल अलग है। तो अभी हम इतनी इसी बात पे अपने को केंद्रित करें। दूध पियेंगे रात को, लस्सी पियेंगे दोपहर को, जूस पियेंगे सवेरे। दूध का सबसे अच्छा समय है सूर्यास्त के बाद। जब तक सूरज रहता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स पेट में नहीं आते। जैसे ही सूरज डूब जाता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स पेट में जबरदस्त होते हैं। तो अब माताओं को ये परिवर्तन लाना पड़ेगा और आपको अपने बच्चों को सवेरे जूस पिला के स्कूल भेजना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट अशोक भाई का सवाल है, मैं एक मिनट आ आपका सवाल है बहुत जेन्युइन है। हम जिस पटियाला में हूँ या जलंधर में, लुधियाना में हूँ या दिल्ली में, ज्यादातर घरों में मैंने भी देखा है माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं तो दूध पिला के भेजती हैं। ये जितनी माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं दूध पिलाकर, इन सबसे मेरी प्रार्थना है कि उनको जूस पिलाकर भेजें। बच्चे ठीक ही कहते हैं, दवा नहीं पीना चाहते। इसलिए नहीं कि उनके शरीर में इच्छा नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम्स नहीं है, आप जबरदस्ती पिलाते हैं। सुबह के समय किसी भी बच्चे की दूध पीने की इच्छा नहीं होती, आप मार के पीट के जबरदस्ती अपना फोर्स दिखाकर उसको पिला देते हैं। इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि पेट में एंजाइम्स ही नहीं है उसको पचाने वाले, इसलिए इच्छा भी नहीं होती। तो वो सही है, इच्छा नहीं होती उसकी, तो आप उसकी इच्छा का सम्मान करिए। बस उसको सवेरे जूस पिलाना शुरू कर दीजिए, जूस नहीं पी सकता है तो फल खिलाना शुरू कर दीजिए। सवेरे का समय फल और जूस के लिए आप फिक्स कर दीजिए। दोपहर को जब वो स्कूल से लौटते हैं तो दही का समय फिक्स कर दीजिए, आप उनको दही खिलाइए, लस्सी खिलाइए, मट्ठा पिलाइए, जो पीना, और शाम का समय फिक्स कर दीजिए दूध का। अच्छा, ये जो नाश्ते में हम चाय कॉफी लेते हैं, एक मिनट उस पर मैं आ जाऊंगा, एक ही मिनट लगेगा। पहले एक नियम जो क्लियर हो जाए हम सबको बोलिए। छोटे बच्चे दूध मांगते हैं। देखिए मैं एक खुद ही करने जा रहा हूँ, आप एक मिनट के लिए बस शांत रहे, धैर्य रखें। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लें। ये जो नियम है जो मैंने बता दिया, ये सामान्य लोगों के लिए ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, मैंने आपसे कहा ना हर नियम में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। इसमें पहला एक्सेप्शन ये है कि जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर है लगभग 2 से 2.5 साल की उम्र तक, कई बच्चे 3 साल की उम्र तक माँ के दूध पर निर्भर, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। बागवत जी ने
आगे इसी नियम को एक्सप्लेन किया, वो कहते हैं कि जो पूरी तरह से माँ के दूध पर निर्भर है उन बच्चों पर ये नियम लागू नहीं होता, माने उनको एक्सक्लूड करके आप बात करिए। माँ के दूध पर निर्भर बच्चों को तो जब भूख लगेगी उनको दूध पीना है, क्योंकि उनके शरीर में 3 साल तक तो दूध वाले ही एंजाइम्स हैं, दही वाले एंजाइम्स तो 3 साल के बाद बनना शुरू होते हैं उनके शरीर। दाल सब्जी आदि आदि को पचाने वाले एंजाइम्स 1.5-2 साल के बाद ही बच्चों के शरीर में आना शुरू होते हैं, उसके पहले तो सिर्फ दूध और दूध और दूध के ही एंजाइम्स हैं उनको पचाने के लिए। तो जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर हैं उनको छोड़कर सभी के ऊपर ये नियम लागू होगा। अब ये जो बेड बैठिंग है ये डिसीज है, बेड बैटिंग जो है रात को बिस्तर में पेशाब करना ये बीमारी है, इस बीमारी को ठीक करना ही पड़ेगा। दही जो है वो एसिडिक है, अम्लीय है, और दूध जो है वो क्षारीय है, एल्कलाइन है। तो जो क्षारीय चीजें हैं इसको और दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करें, जितनी क्षारीय चीजें हैं वो सब आप सूरज डूबने के बाद खाइए तो शरीर को बहुत काम करती है, और जितनी अम्लीय चीजें हैं एसिडिक वो सब सूरज निकलने के बाद खाइए तो शरीर को बहुत लाभ करती है। अम्लीय माने एसिडिक, थोड़ी खट्टी, दही थोड़ा खट्टा होता है ना, हल्का खट्टापन उसमें आता, कितना भी ताजा हो तो भी हल्का खट्टापन उसमें होता है, तो हल्की खट्टी, ज्यादा खट्टी, रस वाली, ये सब चीजें अम्लीय है। और जिनका स्वाद थोड़ा कसैला होता है या नॉर्मल होता है, जैसे पानी जैसे दूध, वो नॉर्मल स्वाद के हैं और बाकी सब कसैली चीजें हैं, तो ज्यादा कसैली चीजें सब क्षारीय हैं, एल्कलाइन है। तो क्षारीय चीजों को खाने के लिए आयुर्वेद कहता है रात का समय सबसे अच्छा सूरज डूबने के बाद, और अम्लीय चीजें खाने का सबसे अच्छा समय है सूरज उगने के बाद। तो दही का, फल का, सबका समय शुरू होता है सूरज उगने के बाद, दूध का शुरू समय शुरू होता है सूरज डूबने के बाद। आगे बढ़े, दूसरे सूत्र पर चलें। पानी का ही दूसरा सूत्र है, बहुत छोटा सूत्र है, लिख लें पहले, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन इसका मैं करूंगा। पानी हमेशा जी, चाय की बात हो रही, चलो चाय ही पढ़ लेते हैं पहले, चाय ही। चाय के बारे में एक जानकारी दे दूं मैं, चाय जो है ना आपके देश का उत्पादन नहीं है, पहली बात जानकारी के लिए खतरा। अंग्रेज आए थे जब इस देश में तो चाय का पौधा साथ में लाए थे, और उन्होंने भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जो अंग्रेजों के अनुकूल, जहां ठंड ज्यादा पड़ती है उन स्थानों पर, पहाड़ियों पर चाय के पौधे लगवा दिए तो उसमें से चाय होने लगी। अंग्रेज अपने साथ चाय लेके आए थे, भारत में चाय कभी हुई नहीं, 1750 के पहले इस देश में एक भी चाय का कहीं नामो निशान नहीं था। ब्रिटिशर्स आए ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, तो उन्होंने चाय के बगान लगाए, उन्होंने अपने लिए लगाए, क्यों लगाए, चाय एक मेडिसिन है, इस बात को ध्यान से सुनिए, चाय एक मेडिसिन है लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है चाय मेडिसिन है, और जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल और हाई रहता है चाय उनके लिए जहर है। बता रहा हूँ ना, आगे बढ़ते हैं, चाय उन सब के लिए जिनको ब्लड प्रेशर कम रहता है अमृत है, मेडिसिन है लो बीपी वालों के लिए, लेकिन चाय उन सब के लिए जहर है जिनको बीपी हाई रहता है या नॉर्मल रहता है। अब अंग्रेजों की एक समस्या है, आज भी है, वो हजारों साल से, सभी अंग्रेजों का बीपी लो है, सिर्फ अंग्रेजों का ही नहीं, अमरीकियों का भी, कैनेडियन लोगों का, फ्रेंच लोगों का, जर्मन लोगों का, स्वीडिश लोगों का, डेनिश लोगों का, सबका बीपी लो है। कारण क्या है, बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, बहुत ठंडे इलाके में, उनकी ठंड का तो हम सोच नहीं सकते। सर एक चीज, तनाव टेंशन डिप्रेशन में बहुत ज्यादा, मैं बताता हूँ अभी, एक बात पूरी हो जाए, अंग्रेज और अंग्रेजों के आसपास के सारे देश दुनिया के इस हिस्से में रहते हैं जहां ठंड बहुत है, साल में 6 महीने सूरज में इतनी ठंड है, और आप अगर उनके यहाँ टेम्परेचर रेंज देखेंगे तो -40 उनकी लोएस्ट रेंज है, -40 ऋणात्मक रूप से, शून्य से भी नीचे 40 डिग्री,
शून्य से भी नीचे 30 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री, 15 डिग्री, ये टेम्परेचर उनके यहाँ 6 महीने रहता है, सूरज निकलता नहीं, 6 महीने धुंध ही धुंध रहती है आसमान में। ये इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है अंग्रेजों की और अंग्रेजों के आसपास के देशों। ज्यादा ठंडे इलाके में कोई भी रहेगा उसका बीपी लो हो जाएगा। आप भी करके देख ले, मैंने किया एक बार मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया। बर्फ मंगाया मैंने, वो बर्फ की सिल्ली आती है ना, वो मंगाई और चारों तरफ सिल्ली लगा के अंदर में लेट गया। लेटने से पहले मैंने मेरा बीपी चेक कर लिया और लेट गया। 3 मिनट के बाद ही मेरा बीपी लो होना शुरू हो गया। 3 मिनट से 6 मिनट में इतना लो हो गया कि मेरी दम निकल जाए, ऐसी हालत हो गई। 8-10 मिनट में ही मुझे बर्फ से बाहर आना पड़ा, फिर बीपी चेक किया। मैं कल्पना नहीं कर सकता इतना लो था, इतना लो था। फिर मेरे समझ में आ गया कि मेरे से ज्यादा बेचारे तो अंग्रेज हैं जो बर्फ की सिल्लियों में 6 महीने रहते हैं। चारों तरफ बर्फ रहती है, छत पे बर्फ रहती है, सड़क पे बर्फ रहती है, इधर बर्फ रहती है, उधर बर्फ रहती है। इतनी बर्फ होती है कि गाड़ियां बर्फ में दब जाती हैं, फिर उनको स्पेशल अभियान चलाना पड़ता है बर्फ को तोड़ने का। सारी सरकारों का बड़ा बजट तो बर्फ तोड़ने में खर्च होता है, कनाडा अमेरिका वगैरह। तो वो लोग सच में बर्फ में ज्यादा रहते हैं, ठंड बहुत है, ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है। अब तुरंत ब्लड को स्टिमुलेंट चाहिए, अगर बीपी लो हो गया, इतनी ठंड पड़ गई, स्टिमुलेंट चाहिए तुरंत बीपी बढ़ाने के लिए, तो चाय उसमें सबसे अच्छी है। दूसरे नंबर पे कॉफी। तो चाय और कॉफी उन सबके लिए बहुत अच्छी है जो ठंड वाले इलाके में रहते हैं। और भारत के ऐसे कई इलाके हैं जहां बहुत ठंड पड़ती है। अगर मैं जम्मू कश्मीर में जाकर ये व्याख्यान दूंगा तो लोगों से कहूंगा चाय पियो, कॉफी भी पियो, क्योंकि उनके लिए वो मेडिसिन है। आपको अगर मैं लेक्चर करूंगा तो आपको बोलूंगा आप मत पियो, क्योंकि आप इतने बर्फ वाले इलाके में नहीं रहते। आपके यहाँ थोड़ी ठंडी है, वो भी साल में 10-15 दिन की है। वो 10-15 दिन तब होते हैं जब कोहरा बहुत पड़ता है, हाथ पैर आपके गलने लगते हैं, टेम्परेचर -0 या 0 के नीचे आ जाता, तब आपके यहाँ शायद 2-4 दिन 5 दिन ऐसे आते हैं कि आप चाय पी लो, कॉफी पी लो, क्योंकि उस समय बीपी बहुत लो है। लेकिन पूरे साल चाय पीना और एवरी टाइम इज टी टाइम, ये सबसे खतरनाक है। सुबह उठते ही चाय पीना, कई लोग तो कहते हैं चाय नहीं पिएंगे तब तो पॉटी भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत खराब। इसलिए उठते ही चाय पीने का अगर आपकी आदत है तो इसको बदलिए, नहीं तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अगर लो बीपी आपको नहीं है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, चाय पीना आप जारी रखते हैं, धीरे धीरे हाई होना शुरू होगा और वो हाई होते होते फिर आपको गोलियों तक लेके जाएगा। फिर डॉक्टर कहेगा बीपी लो करने के लिए गोलियां खाओ, और जिंदगी भर चाय भी पियो, जिंदगी भर गोलियां भी खाओ। वो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि चाय छोड़ दो, वो कहेगा गोलियां खाओ, क्योंकि गोलियां बिकेंगी तो उसको भी कमीशन मिलने वाला है। तो आप या तो डिसाइड कर लो कि जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की गोलियां खा के जिंदा रहना है तो चाय पीते रहिए, और अगर जो नहीं खानी है तो चाय पहले छोड़िए। दूसरी एक जानकारी और दूं कि आपका पेट बहुत अम्लीय होता है, आप जानते हैं, क्योंकि हम गर्म देश में रहने वाले लोगों का जो पेट है वो नॉर्मल एसिडिटी से थोड़ा ऊपर रहता है, ठंड वाले लोगों का नॉर्मल एसिडिटी से भी बहुत नीचे रहता है। माने उनका जो ब्लड है उसकी एसिडिटी अगर हम नापें यूरोप और अमेरिका के लोगों की और हमारे ब्लड की एसिडिटी नापें, दोनों में अंतर है। अगर हम पीएच स्केल को जानते हैं तो हमारा ब्लड जो है ना वो 7.5 के आसपास, 7.4, 7.3, कभी कभी 7.2, कभी 6.8 तक चला जाता है एसिडिटी में, लेकिन यूरोप और अमेरिका में तो +8 और 8 के आगे रहता है। तो उनका ब्लड जो है ना थोड़ा सा एल्कलाइन है यूरोपियन लोगों का, और चाय एसिडिक है, तो एल्कलाइन ब्लड को थोड़ा एसिडिक करने में चाय उनको मदद करती है, इसलिए उनके लिए वो मेडिसिन है। हमारा ब्लड पहले से ही थोड़ा एसिडिक है और पेट भी हमारा एसिडिक है, और हम चाय पी के और ज्यादा एसिडिक उसको बनाते हैं, और ज्यादा अम्लीय बनाते हैं, तो जीवन का सर्वनाश करते हैं। इसलिए चाय आपके लिए नहीं है। और मैं एक आखिरी जानकारी आपको दे दूं, भगवान ने जो चीजें आपके नजदीक में पैदा की हैं वही आपके खाने पीने के लिए अच्छी हैं। जो चीजें आपसे हजारों मील दूर पैदा होती हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको खाने पीने को जितना लगता है वो सब 20 किलोमीटर के दायरे में होता है। आप पटियाला को केंद्र बनाकर 20 किलोमीटर का एक सर्कमफेरेंस बना दीजिए, आपकी जरूरत की हर चीज वहां होती है, वो आपके लिए सबसे अच्छी है।
और हजारों मील दूर नीलगिरी की पहाड़ियों में जो चाय होती है या कर्नाटक के कुर्ग एरिया में जो कॉफी होती है वो आपके लिए मुफीद नहीं है, अनुकूल नहीं, क्योंकि हर वस्तु आबो हवा के हिसाब से होती है। जहां जिसकी जरूरत है वहीं वो चीज होती है। कुर्ग एरिया में कॉफी की बहुत जरूरत है क्योंकि लो बीपी है, तो वहां कॉफी होती है। पटियाला और आसपास में कॉफी का कितना भी प्लांटेशन करेंगे होगी नहीं, क्योंकि कॉफी की हमें जरूरत नहीं है। ये तो गड़बड़ी क्या हो गई कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन इतने हो गए तो दुनिया में जहां भी जो कुछ होता है हम उसे हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो शरीर के अनुकूल नहीं। अब एक और छोटी सी बात कि हमारे आसपास के जानवरों और पक्षियों को जरा ऑब्जर्व करें, वो चाय पीते हैं क्या? मैंने बहुत पिला के देखा है, नहीं पीते। कोई पक्षी चाय नहीं पीता, कोई पक्षी कॉफी नहीं पीता, मेरे घर का पालतू कुत्ता भी नहीं पीता, वो भी मुंह इधर उधर कर देता है। चाय रख दो इधर उधर करेगा, दूध रख दो फट से पी जाएगा, फट फट फट, एक मिनट नहीं लगता। बिल्ली को पिला के देखा, कुत्ते को पिला के देखा, वो भी नहीं पीते, उनको भी इतना सेंस है। हम तो इतने सेंसलेस हो गए। अपने को समझते तो बहुत होशियार हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट, प्रॉब्लम हमारी इंटेलिजेंसी की नहीं है, सेंसलेस हो गए। तो आप थोड़े सेंस में वापस आइए, चाय कॉफी छोड़िए। फिर आप बोलेंगे कैसे छूटेगा, स्वामी जी का एक सूत्र बताता हूँ चाय छोड़ने का। स्वामी जी कहते हैं चाय पीकर जो नुकसान आपने किया है उसकी भरपाई भी हो जाएगी और चाय भी छूट जाएगी। चाय पीकर आपने क्या किया, आपके ब्लड को एसिडिक बना लिया, अम्लीय बना लिया, अब इसको वापस आपको क्षारीय बनाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी चीज है अर्जुन छाल का पाउडर, उसका काढ़ा बना के पीजिए। चाय जिनको छोड़ दी, घर आए वाले को सत्कार कैसे करें, वो बोलेगा क्या छाल का पाउडर दे रहे हो? बहुत अच्छा। शुरुआत तो हम करते हैं चाय की हो गई। आप जो है जो चाय छोड़ना चाहते हैं और जिन्होंने चाय पीकर नुकसान कर लिया अपने शरीर का, वो नुकसान फिर ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी आयुर्वेदिक दवा है अर्जुन छाल। आप जानते हैं अर्जुन छाल कहीं भी मिलती है, 35-40 रुपए किलो की है, बहुत सस्ती है। चाय तो 150 रुपए किलो है, ये तो 35-40 रुपए किलो है। स्वामी जी का यहाँ अगर केंद्र होगा, सेवा केंद्र, वहां से ले लीजिए। अर्जुन छाल का पाउडर मिलता है, उसको काढ़ा बनाइए। काढ़ा बनाना आप सब जानते हैं, पानी में डाल के उबाल दीजिए, थोड़ा उसमें चाहे तो शक्कर मिला दीजिए, गुड़ मिला दीजिए, बहुत अच्छा तैयार होता है। टेस्ट उसका चाय का ही जैसा है और रंग भी चाय के जैसा है। उसमें दूध भी डाल सकते हैं, गुड़ या चीनी जो भी डाल के, और उसको पी लीजिए लगातार। 15-20 दिन आपने पी लिया तो मैं आपको 99% गारंटी देता हूँ चाय छूट जाएगी। और चाय पीकर जितना नुकसान आपने कर लिया वो सारा नुकसान उससे कवर हो जाएगा। आपके ब्लड में एसिडिटी कम कर देगा और आपके ब्लड को एल्किलाइन कर देगा। और मजे की बात यह है कि ब्लड की एसिडिटी बढ़ते ही कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़ने लगते हैं, और ब्लड की एसिडिटी घटते ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड सब घटने लगते हैं। माने हार्ट अटैक से बचना है तो भी अर्जुन की छाल ही चाहिए आपको। तो चाय का सबसे अच्छा विकल्प है। और एक अच्छा विकल्प है, अर्जुन की छाल बहुत क्षारीय है, एल्केलाइन है, ऐसी कोई भी चीज जो एल्केलाइन है वो आप पीना शुरू कर दीजिए चाय के विकल्प के रूप में। जैसे जीरा है ना, जीरा बहुत एल्केलाइन है, जीरे का काढ़ा बनाइए। जीरे का काढ़ा कैसे बनता है, जीरा पानी में डालिए, उबालिए, थोड़ा गुड़ मिला दीजिए और थोड़ा उसमें पुदीने का पत्ते का चटनी वटनी मिला दीजिए, ये बहुत एल्केलाइन हो जाता है, फिर इसको पी लीजिए चाय की तरह से। ऐसे ही आपके घर में अजवाइन है, अजवाइन बहुत एल्केलाइन है, बहुत क्षारीय है, एल्केलाइन का काढ़ा बना लीजिए, अजवाइन का काढ़ा बना लीजिए, गुड़ मिला के और जीरा भी डाल सकते हैं उसमें, धनिया पत्ता पुदीना पत्ता दोनों एल्केलाइन है, उनकी चटनी डाल दीजिए, बहुत अच्छा तैयार होगा। तो ऐसे बीसियों तरह के काढ़े हैं। एक हमारे भारत देश में गायत्री परिवार नाम की बड़ी संस्था है, उनका एक प्रज्ञा पेय आता है, वो भी बहुत एल्केलाइन है, वो चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। स्वामी जी ने भी एक विकल्प लाया है दिव्य पेय, वो सभी एल्केलाइन चीजें हैं उसमें, चुन चुन कर उन्होंने एल्केलाइन चीजें उसमें रखी है, वो दिव्य पेय चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। तो विकल्प है, अच्छा विकल्प है, तो फिर जहर क्यों खाना? और अगर रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो उनको आप कहते हैं अतिथि तो देवता है, तो देवताओं को जहर तो नहीं पिला सकते, देवताओं को तो अमृत ही पिला सकते हैं ना, राक्षसों को जहर पिला सकते हैं।
तो आप देख लीजिए आपके अतिथि राक्षस हैं कि देवता हैं। अगर आप मानते हैं कि वो राक्षस हैं, खूब चाय पिलाइए, खूब कॉफी पिलाइए, जल्दी मार डालिए उनको। और अगर आप मानते हैं कि नहीं वो देवता हैं, तो बिल्कुल चाय मत दीजिए, बिल्कुल कॉफी मत दीजिए, दिव्य पेय दीजिए और झुनकी छाल का पाउडर दीजिए, जिंदा रखिए उनको। ये आप तय करिए, आप छोड़ता हूँ। हम दूसरे सूत्र की तरफ जा रहे थे फिर से जी। हाँ बहुत अच्छा सवाल। जिनको सुबह जूस पीने से कोल्ड होता है, बस इतना सा छोटा काम करें कि जूस में काला नमक डाल दें। काला नमक आप सबके घर में, तो कभी कोल्ड नहीं होगा। दूसरा, जूस में थोड़ा सा अदरक का रस डाल दें, कभी भी कोल्ड नहीं होगा। और तीसरा और आखिरी, जूस में थोड़ा चूना डाल के पिए, जिंदगी में कभी भी कोल्ड नहीं होगा। मात्रा बहुत थोड़ी सी, काला नमक होगा तो कनक के दाने के बराबर काला नमक, एक गिलास जूस में। चूने की मात्रा भी कनक के दाने के बराबर एक गिलास जूस में। और अदरक, अदरक का रस अगर एक गिलास दूध है, सॉरी जूस है, तो चौथाई चम्मच अदरक का रस। तो या तो अदरक का रस मिला लें, नहीं तो काला नमक मिला लें, नहीं तो चूना मिला लें। जिनको जूस पीने से कोल्ड होता, सर्दी होती, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए। हम थोड़ा आगे बढ़े, दूसरे सूत्र पे बात करें। पानी को हमेशा, ये दूसरा सूत्र है, आप लिख लिया, शायद नहीं लिखा तो फिर रिपीट कराओ। पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना, पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना, सिप सिप करके पीना, ये है दूसरा सूत्र। कभी भी पानी घटाघट नहीं पीना, एक साथ मुंह में लोटा लगा के घटाघट घटाघट, ये बहुत खराब तरीका है पानी पीने का। पानी पीने का तरीका है वैसे ही जैसे गर्म दूध पीते हैं, एक सिप लेते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर दूसरा सिप, फिर रुकना, फिर तीसरा सिप, ऐसे पानी पीना है। आप पूछेंगे क्यों पीना है, समझ लीजिए इस बात को, क्यों पीना है। बात ऐसी है, थोड़ी देर पहले से चर्चा चल रही है, हमारा जो मुंह है ना, ये बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है। किसका? लार का। लार जिसको अंग्रेजी में आप स्लाइवा कहते हैं, और एक अंग्रेजी में सैलीवा भी कहते हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, सैलीवा, स्लाइवा, लार। ये लार का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है मुंह, और ये 24 घंटे काम करता है। इसकी कोई छुट्टी नहीं है, ना संडे है, ना हॉलीडे है, दिवाली, दशहरा, हमेशा ये प्रोडक्शन यूनिट हमारी चलती रहती है। रात को आप सो जाते हैं तो भी ये फैक्ट्री चलती रहती है, और ये फैक्ट्री इतनी लार बनाती है कि आप सोच नहीं सकते। लीटर में नापेंगे तो एक दो नहीं, दसियों लीटर एक दिन में 24 घंटे। तो ये लार बनाने का काम मुंह में चलता रहता है, जीभ उसमें सबसे ज्यादा मदद करती है। जीभ के साथ कुछ लार ग्रंथियां हैं, वो भी काम करती हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, फिजियोलॉजी एनाटॉमी का एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि मुंह में 100,000 लार ग्रंथियां हैं, 100,000 लार ग्रंथियां हैं मुंह में, और ये रात दिन काम कर रही हैं तो लार बन रही है। अब ये जो लार बनती है हमारे मुंह में, ये पूरी तरह से क्षारीय है, एल्कलाइन है, पूरी तरह से एल्कलाइन। कभी भी आप इसको मुंह से निकाल के टेस्ट कर सकते हैं, लिटमस पेपर से, ये एल्कलाइन है। और पेट में हमेशा अम्ल बनता है, और पेट की फैक्ट्री भी चालू रहती है हमेशा अम्ल बनाने की, एपिगैस्ट्रियम में अम्ल बनता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं हम सब। तो पेट में बनता है अम्ल, एसिड, मुंह में बनती है लार, एल्कलाइन। ये लार है एल्कलाइन और अम्ल है एसिड, कि ये दोनों मिक्स हो तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो भगवान ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि पेट के अम्ल में मुंह की लार जाकर मिलती रहे, ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज करे, नॉर्मल रखे, एसिड बढ़ने ना पाए। इसलिए व्यवस्था ऐसी है कि जो भी लार बनेगी वो अंदर जाएगी, लार बनेगी अंदर जाएगी, बनेगी अंदर जाएगी, बनेगी अंदर जाएगी, ये हमारे शरीर में चलता रहता है। इसलिए कहा यह गया है कि पानी को अगर आप घूट घूट कर पी रहे हैं, सिप सिप करके पी रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में लार अंदर जाएगी, और एक साथ घटाघट पानी पी रहे हैं तो बहुत थोड़ी सी लार अंदर जाएगी। एक गिलास पानी आपने 2 सेकंड में खत्म कर दिया, थोड़ी सी ही लार जाएगी, लेकिन उसी एक गिलास पानी को 3-4 मिनट धीरे धीरे पिएंगे तो ज्यादा लार जाएगी। पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका बताया गया आयुर्वेद में कि एक सिप पानी मुंह में भरना, फिर उसको घुमाना चारों तरफ, और घुमा के फिर पूरी लार उसमें मिक्स हो जाए, फिर पीना, फिर 1-2 मिनट वेट करना, 1-2 मिनट में फिर उतनी लार बन जाएगी, फिर पानी को मुंह में लेना, फिर घुमाना, फिर पीना। ये तरीका आदर्श है, आइडियल है, ऐसे पानी पीना।
आप बोलेंगे फायदा फायदा सबसे बड़ा ये है कि बार बार लार अंदर गई तो पेट का एसिड आपने न्यूट्रल कर लिया। जिनका एसिड न्यूट्रल होता है उनको लाइफ में वात पित्त कफ तीनों न्यूट्रल रहते हैं, बढ़ ही नहीं सकते घट भी नहीं सकते और जिंदगी भर आप निरोगी रह सकते हैं। इतना पावरफुल सूत्र है, सिर्फ पानी को घूट घूट करके पीना। मैंने इस सूत्र पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए और मेरे अलावा दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए। मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, वहां पर दो साइंटिस्ट है नेफ्रोलॉजिस्ट है, उनसे मेरा कंप्यूटर के माध्यम से दोस्ती हो गया ईमेल के थ्रू। मैंने उनकी एक बार वेबसाइट पे क्लिक किया, वो दोनों साइंटिस्ट 12 साल से एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोनों नेफ्रोलॉजिस्ट हैं माने किडनी रोग के विशेषज्ञ। उनका ये एक्सपेरिमेंट है कि पानी घटाघट पियो तो क्या होता है और पानी घूट घूट पियो तो क्या होता है। 12 साल से वो एक ही काम में लगे, 12 साल के बाद उन्होंने रिजल्ट दिया है और उसकी पूरी थीसिस तैयार की है। वो ये कहते हैं कि पानी जो घटाघट पिए तो रोग ही रोग शरीर में, वो बोलते हैं सबसे ज्यादा संभावना है एपेंडिसाइटिस की, दूसरी संभावना है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। वो कहते हैं कि ये प्रोस्टेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एपेंडिसाइटिस के जितने भी प्रॉब्लम हैं, ये सब मैक्सिमम उन लोगों को है जो घटाघट पानी पीते रहते हैं। और वो कहते हैं कि जो घूट घूट पानी पी रहे हैं वो कहते हैं दिस इज आइडियल। और वो कहते हैं कि भारत तो बहुत लकी है कि इस नियम का भारत को 3500 साल से ज्ञान है, हमको तो अभी पता चला 12 साल पहले कि पानी घूट घूट पीना। उन्होंने अपने 100 से ज्यादा पेशेंट पर 12 साल ये काम किया जिनकी किडनियां खराब हो गई और जिनको डायलिसिस करना पड़ता था, ऐसे 100 पेशेंट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उनका कहना है कि जितने पेशेंट को घूट घूट पानी पीने को उन्होंने बोला, सभी को डायलिसिस देर में होना देर में हुआ, माने जैसे हर दिन डायलिसिस लगता है ना, घूट घूट पानी पीने लगे तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, वो समय बढ़ता ही गया और अंत में 3-3 महीने में एक बार डायलिसिस उनको करना पड़ा और 6 महीने में करना पड़ा। और जो घटाघट पानी पीते हैं उनको हर दिन या हर दूसरे दिन डायलिसिस फिर लग जाता। तब उन्होंने थीसिस तैयार किया, वो थीसिस को उन्होंने एक बहुत बड़ी मैगजीन आती है लैंसेट उसका नाम है, लंदन से छपती है, उसमें दिया वो थीसिस। मैंने पढ़कर फिर उनको कांटेक्ट किया कि आपको ये पता कैसे चला घूट घूट पानी पीने का, तो उन्होंने कहा कि हमको किसी इंडियन ने बताया था जो अमेरिका में रहता है और हमने उसको सीरियसली ऑब्जर्व करने के लिए ये किया था। तो मैंने कहा हमारे भारत में तो 3500 साल पहले ये पता। उन्होंने कहा हाँ हमें मालूम है लेकिन भारतवासी इसका पालन नहीं करते, इसका बहुत अफसोस है। अब वो दोनों इसका प्रचार करने में लग गए हैं, वो कहते हैं पानी को घूट घूट पियो तो किडनी भी अच्छी रहेगी, लीवर भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि पानी को घूट घूट पीना ही सबसे उत्तम है। और दूसरी जानकारी ये कि जब आप खूब ज्यादा पानी को मुंह में घुमा घुमा के पीते हैं और खूब सारा सलाइवा या सलीवा या लार आपके पेट में जाता है और पेट के एसिड को बैलेंस रखता है तो रक्त का एसिडिटी बढ़ नहीं सकता, तो फिर जिंदगी में रोग आने का चांस होता नहीं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे ऐसे लोगों पे किए जिनको मोटापा है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जिनको मोटापा बहुत है, वजन उनका 150 किलो है, 160 किलो है, 170 किलो है। उनमें से कई की नौकरियां चली गई हैं सिर्फ इसलिए कि वजन ज्यादा है। उनको पिंक स्लिप दिए गए और उसमें लिख दिया गया कि माफ करिए आदमी को तो हम काम पर रख सकते हैं, हाथी के बच्चों को नहीं रख सकते। 150 किलो, 160 किलो, ऐसे वजन के मेरे दोस्त हैं। फिर जब वो परेशान हो गए, नौकरी चली गई, घबरा गए, तब उन्होंने कहा बताओ क्या करें। तो मैंने कहा स्वामी जी का शिविर करो, तो उन्होंने कहा वो तो 7 दिन का हो गया, बेंगलोर में ऐसे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने 7 दिन शिविर किया, फिर उसके बाद कहते हैं हमसे नहीं होता, जितने दिन गए शिविर में उतने दिन हुआ, बाद में बंद हो गया। फिर कहता कोई सरल उपाय बताओ, तो मैंने कहा इतना ही करो घूट घूट पानी पियो, इतना ही करो और खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। तो साल भर से ज्यादा है हुआ है वो सब इसको फॉलो कर रहे हैं। अब किसी का वजन 160 किलो से 80 किलो हो गया, किसी का वजन 140 किलो से 70 किलो हो गया, किसी का वजन 165 किलो से 85 से 90 किलो रह गया। वजन इतना तेजी से घटता है घूट घूट पानी पीने से। और मेरे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका पेट बहुत ज्यादा बाहर आ गया था,
उनका सभी पेट अंदर चला गया घूट घूट पानी पीने से। सर जी ने पहले पेट हाँ बहुत अच्छा सवाल है कि जो पहले से पतले हैं वो और पतले हो जाएंगे। बिल्कुल मत घबराइए, आप जहाँ हैं वहीं स्थिर हो जाएंगे, उससे ज्यादा पतले नहीं होंगे। लेकिन जो हैवी हैं, मोटे हैं, उनके लिए तो ये इतनी रामबाण औषधि है कि आप घूट घूट पानी पीना शुरू कर दीजिए, साल भर में आपके रिजल्ट आपकी आंखों के सामने। जी थायराइड करके वेट, हाँ उनके लिए तो बात दूसरी, उनको कुछ मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मल लोगों को जिनको थायराइडिज्म नहीं भी है, हाइपर थायराइडिज्म नहीं भी है, फिर भी वेट उनका बढ़ गया है, उन सबके लिए ये रिजल्ट देता है। और मैं आपको एक दूसरी और ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं जिसको आप भी ऑब्जर्व करें। मनुष्य को छोड़कर जितने भी पक्षी और पशु हैं सब घूट घूट कर पानी पीते हैं। किसी चिड़िया को देखो पानी पीते हैं। चिड़िया पानी जब पीती है ना, एक ही बूंद उठाती है पानी, उसकी चोंच को धीरे धीरे चलाती है, फिर पीती है, फिर दूसरा बूंद उठाती है, फिर चोंच चलाती है, फिर तीसरा बूंद उठाती है, फिर चोंच चलाती है। इतना धीरज है उसमें पानी पीने के लिए कि वो आराम से 15-20 मिनट बैठकर एक एक ड्रॉप पानी पीते हैं। कुत्ते को देखो चाट चाट के पानी पीता है, शेर को देखो, चीते को देखो, भालू को देखो, मैक्सिमम जानवर चाट कर पानी पीते हैं, या चिड़िया एक एक ड्रॉप पानी पीती है। इसलिए कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी ओवरवेट नहीं, किसी को डायबिटीज नहीं, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई कैंसर से नहीं मरता कभी, किसी को अनिद्रा की समस्या नहीं है, इंसोम्निया, रात को नींद सबको आती है, सब 6 बजे सोने चले जाते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। सारे डिसीज और सारी तकलीफें आदमी को ही है, क्योंकि छोटी छोटी बातें वो नहीं समझता। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि चिड़िया को किसने बताया पानी घूट घूट पीना, हमको तो बाघभट्ट जी बता के चले गए, चिड़िया को किसने बताया? इसका माने ये है कि बाई बर्थ उनको ये नॉलेज है। इसका माने ये है कि नेचर ने कोई ऐसी व्यवस्था की है, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि चिड़िया जन्म से ही इस बात को जानती है, या कुत्ता जन्म से ही इस बात को जानता है। उनका कोई गुरु नहीं होता, उनका कोई कॉलेज नहीं होता, उनका कोई स्कूल नहीं होता, फिर भी उनको ये नॉलेज है। इसका माने ये नेचर का नॉलेज है, और नेचर के नॉलेज को वो अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं जिनको हम जानवर कह रहे हैं। और जो इंसान है वो नेचर के नॉलेज को कभी भी मानता नहीं है और पहचानता भी नहीं, और उसको हम होशियार कह रहे हैं, इंटेलिजेंट कह रहे हैं। बार बार हम कहते हैं कि आदमी बहुत होशियार है, क्या मूर्ख आदमी, इतनी सी बात नहीं जानता पानी घूम घूम पीने से। तो आप कहेंगे हमको किसी ने नहीं बताया, चिड़िया को किसने बताया? तो हम थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश करें, जानवर और पक्षियों की तुलना में हमारा नॉलेज बेस काफी कम है, उनका नॉलेज बेस हमसे थोड़ा ज्यादा है, और वो बराबर उसको पक्के तरीके से फॉलो करते हैं। तो आप इस नियम को कोशिश करें कि आज से फॉलो करें, क्योंकि इसमें नुकसान कुछ भी नहीं, फायदे ही फायदे हैं। और इस नियम को पालन करने में सिर्फ आपकी हैबिट बदलनी है आपको, और कुछ नहीं करना। पानी को जो जैसे घटाघट पी रहे, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे कम कम मात्रा में पीना। फिर आप कहेंगे बहुत समय लगेगा, मैंने वो भी करके देख लिया, पंजाब का जो गिलास होता है ना वो भारत का सबसे बड़ा गिलास है, उतना गिलास पानी, पंजाब का एक गिलास तो आप जानते हैं आधे लीटर से भी ज्यादा का होता, उतना पानी मैंने एक एक चम्मच पी के देखा है, 3 मिनट ही लगता है बस एक एक चम्मच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक दिन में 10 गिलास से ज्यादा तो कोई भी नहीं पी सकता। तो 30 मिनट एक दिन में आपको चाहिए पानी पीने के लिए, 24 घंटे का आपके पास दिन है, 30 मिनट आप नहीं निकाल सकते घूट घूट पानी पीने के लिए? कर सकते हैं, बस ध्यान देने और ध्यान देकर आप इसको शुरू करें। हाँ अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ उस सूत्र पर कि कोसा पीना के कैसा पीना। यस, जूस भी घूट घूट पीना है, दूध भी घूट घूट पीना है, काढ़ा भी घूट घूट पीना है, जो भी लिक्विड चीज आप पिएंगे घूट घूट पीना, जिस चीज में पानी है सबको घूट घूट पीना। जूस की जगह फ्रूट क्यों नहीं खाया जाता? जी जूस की जगह फ्रूट क्यों से खाया जाता? हाँ हाँ बहुत अच्छा। देखिए आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है, आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि फल खाना जूस पीने से 100 गुना अच्छा है, फल खाना, क्योंकि फल जब आप खाते हैं तो फल के साथ जो फाइबर्स हैं वो सब पेट में जाते हैं, लेकिन जब आप जूस पीते हैं तो जूस में सारे फाइबर्स निकाल के बाहर डाल दिए जाते हैं। जूस से डकार जाती है, फ्रूट खाते खाते डकार जाती है।
ये तो थोड़ी डिसीज की बात है, लेकिन आयुर्वेद की भाषा में आप अगर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो आयुर्वेद में सभी वैद्यों ने, सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने कहा है फल खाना जूस पीने से कई गुना अच्छा। तो आप कोशिश करिए फल खाएं, नहीं खा सकते कोई कारण से, कोई प्रॉब्लम है तो आप जूस पी लीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि जूस निकालने के बाद जो फाइबर्स बच गए हैं उनको भी खा लें। जैसे हम अनार का रस निकालते हैं तो अनार का जो दाना है ना पीस लेंगे तो वो कुछ तो निकलेगा ना वेस्ट के रूप में, उसको दाल में डाल के खा जाइए, चावल में डाल के खा जाइए, नहीं तो खुद ऐसे ही खा लीजिए। संतरे का रस निकाला तो उसके जो फाइबर्स निकल गए उनको भी किसी तरह से खा लीजिए। जूस निकालने के बाद कोई भी फाइबर वेस्ट मत करिए, क्योंकि वही फाइबर है जो आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, ट्राइग्लिसराइड आपका कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा, आपके पेट को साफ करेगा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा, क्योंकि वो झाड़ू और पोछे के जैसा है फाइबर। जैसे घर में झाड़ू पोछा होता है ना जो सफाई करने में, सारा फाइबर आपके शरीर को साफ करता है, इसलिए फाइबर जाना ही चाहिए पेट में। अब जूस के साथ नहीं ले पाते तो पीछे से खा लीजिए, या पहले खा लीजिए बाद में जूस पी लीजिए, फाइबर होना ही चाहिए। दो सूत्र हो गए, केला सबसे अच्छा होता है सुबह, हर फल सुबह सबसे अच्छा है, दोपहर को थोड़ा कम अच्छा है, रात को बिल्कुल अच्छा नहीं। थोड़ा आगे बढ़े, तीसरे सूत्र की चर्चा कर ले। तीसरा सूत्र, समय अभी जा रहा है, फिर आपके क्वेश्चन आंसर का समय आया। तीसरा सूत्र, कभी भी सवेरे सोकर उठे तो सबसे पहले पानी पिए, कभी भी सवेरे सोकर उठे तो सबसे पहले पानी पिए, माने दिन की शुरुआत पानी से करें। पानी गर्म के ठंडा, मैं बता रहा हूँ, दिन की शुरुआत पानी से करें, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पिए। स्वामी रामदेव जी इसी सूत्र को दूसरी भाषा में कहते हैं उषा पान करें। उषा पान का मतलब ये है कि सुबह 4 बजे के आसपास उठना और उठते ही पानी पीना, दांत नहीं साफ करना, मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, पहले पानी पीना। दांत ही साफ करने हैं तो रात को साफ करके सोए, कुल्ला करना है तो रात को कुल्ला करके सोए, सुबह उठते ही पानी पीना। क्यों पीना है? दो कारण। पहला कारण है, रात भर आप सो गए तो मुंह में लार बन गई, वो इकट्ठी हो गई दोनों तरफ, भरपूर मात्रा में इकट्ठी हो गई। अब आप उठते ही पानी पी लेंगे तो सब अंदर जाएगी, और दांत साफ करने लगेंगे तो ये सब बाहर निकल जाएगी, थूकना पड़ेगा आपको। इसलिए उठते ही दांत साफ नहीं करना, मुंह नहीं धोना, पहले पानी पी लेना ताकि सब लार अंदर चली जाए। सुबह की लार जो है ना बहुत एल्कलाइन, बहुत ज्यादा। सुबह की लार का मैंने पीएच निकाला तो 8.4 के आसपास, इतना एल्कलाइन। और ये इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली है सुबह की लार कि कहीं भी आप इसको अप्लाई करिए, इसके मेडिसिनल रिजल्ट है। बहुत लोगों को आज के जमाने में खास खास बीमारियां हैं, जैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना। अगर किसी को भी ये बीमारी है तो उनको आप बोलिए सुबह सुबह की लार हाथ में लगा के ऐसे मालिश करना हल्के हल्के, 3-4 महीने करा दीजिए, डार्क सर्कल निकल जाते हैं। किसी को आंखों में चश्मा है और वो हटाना चाहते हैं तो सुबह की लार को आंखों में लगाइए काजल की तरह से, आपका चश्मा उतर जाएगा। क्योंकि चश्मा आंख में लगता ही तब है जब आंख के लिक्विड की एसिडिटी बढ़ी हुई है, और ये लार एल्केलाइन है, ये एसिडिटी को ऐसे ही कंट्रोल कर लेता, चश्मा उतार देता। सुबह की लार का और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, शरीर में कहीं चोट लग गई है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है, आप सुबह की लार उस पर अप्लाई कर दो, ठीक कर देता। और कई तरह से इसका उपयोग होता है, जैसे किसी को कील मुहासे हो जाए, पिंपल्स हो जाए और बहुत खराब चेहरा हो जाए, उनको कहिए सुबह की लार लगा के मालिश करो, कील मुहासे का दाग भी मिटा देती है। मैंने जले हुए का दाग मिटाया है, समय लगता है 3 साल। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको हाथ जल गया था, दूध, गर्म दूध से हाथ जल गया था, तो ठीक हो गया लेकिन निशान नहीं मिट रहा था। और उस पेशेंट, वो पेशेंट को जरूरी था कि वो निशान मिटना ही चाहिए। वो पेशेंट एक लड़की थी, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके घर वाले सब परेशान थे कि ससुराल वालों ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप बता दो उनको। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें बताना नहीं। तो मैंने कहा सुबह की लार लगा लो।
ठीक कर देगा। हाँ ठीक कर देगा। मैंने कहा कर देगा, इसमें मुफ्त का है, कुछ भी खर्चा नहीं, टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, आप कर लो इसको। तो उसने किया, नियमित रूप से किया, 7 से 8 महीने में जले हुए का सारा निशान मिट गया, स्किन एकदम नॉर्मल हो गई। आपको कभी देखने में आया है कि जानवरों को जब भी चोट लगती है वो चाटने लगते हैं अपनी चोट को और चाट के ठीक कर लेते हैं? तो जानवरों का भी यही कहानी है जो मनुष्य का। जानवरों की लार भी एल्किलाइन है, क्षारीय है, और चोट को चाट कर वो ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। गाय अपने बच्चे को चाट चाट कर उसकी सारी बीमारी मिटा देती है, मनुष्य भी कर सकता है, बस इसमें थोड़ा सेंसिबल होने की जरूरत है। मैंने बहुत पेशेंट पे इसके एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक पेशेंट मेरे पास है, कैंसर का है, उसको कीमोथेरेपी हुआ, तो कीमोथेरेपी में आप जानते हैं बाल बाल सब उड़ गए, लेकिन अभी वो ठीक स्थिति में है। अब उसको बाल वापस लाने हैं, तो मैंने कहा भाई लार लगाओ, तो वो लगा रहा है और धीरे धीरे नए बाल आ रहे हैं। तो सुबह की लार के बारे में मैंने बचपन में सुना था, मेरी दादी बोलती थी कि इसको थूकना नहीं तो पाप पड़ेगा, ऐसा बोलती थी मेरी दादी। अब वो उसको समझ में नहीं है भाई पाप पड़ेगा पुण्य होगा, मेरे अब समझ में आया वो क्यों बोलती थी पाप पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे लिए कीमती है। तो इसलिए आप सुबह की लार के बारे में थोड़े कॉशस हो जाइए, इसको ब्रश करके पेस्ट करके थूकिए मत वॉश बेसिन में, कितना वेस्ट कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं गुटखा खाके तंबाकू खाके, जगह जगह थूक 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 थूक, तो शहर गंदा कर रहे हैं, शरीर का नुकसान। आपके शरीर में भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है, आप भगवान का धन्यवाद करिए। मेरे पास 2 पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर की लास्ट स्टेज में है और उनके बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि उनकी लार ग्रंथियां पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। अब उनको चाय भी पिलाओ दूध भी पिलाओ तो सब बाहर आ जाता, कुछ भी अंदर नहीं जाता, क्योंकि लार ही नहीं है मुंह में। है दोनों करोड़पति, तो मुझसे कहते हैं कुछ बता दो कुछ बता दो। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, ज्यादा पैसा है आपके पास तो अमेरिका से इंपोर्ट करो, लार का सैशे आता है अमेरिका में, मिलता है अमेरिका में, कुछ कंपनियां हैं जो लार का बिजनेस करती है। वो मनुष्य की ही लार होती है, उसको जैसे शैम्पू का सैशे होता है ना, उसमें भर के बेचती है। 5 मिलीग्राम का एक सैशे 10,000 रुपए का है। तो वो दोनों कैंसर पेशेंट हर दिन 10 से 12 सैशे कंज्यूम कर लेते हैं, 60 से 70 हजार खर्च करते हैं, लेकिन स्थिति अगले दिन सुबह फिर वही हो जाती है, मुंह पूरे का पूरा सूखा रहता है। माने दूसरे की लार किसी दूसरे को काम नहीं आती, लेकिन वो अपने संतोष के लिए करते जरूर है ये काम। तो भगवान ने आपको ये व्यवस्था दी है, इसको खराब मत करना। अब ये व्यवस्था खराब कहां होती है और कैसे होती है वो जरूर, लार बनना सबसे ज्यादा कम होता है तब जब आप कोई ऐसी वस्तु का उपयोग करें अपने मुंह में जो एंटी एल्किलाइन है। एंटी एल्किलाइन माने क्षार के विरुद्ध कोई भी वस्तु आप उपयोग करेंगे मुंह में तो लार का बनना कम होगा, उसका उत्पन्न कम होगा। अब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं हमारे जीवन में, आप जितने भी टूथपेस्ट करते हैं ये सब एंटी एल्किलाइन, ये सब आपकी लार की उत्पन्न करने की क्षमता को घटाते हैं। कॉलगेट हो, क्लोजअप हो, पेप्सोडेंट हो, सिबाका हो, फॉरहंस हो, सारे के सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जो एल्केलिनिटी को घटाते हैं। इसलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि पेस्ट मत करिए, क्योंकि आपकी लार बनना कम हो जाएगी पेस्ट करने से। और पेस्ट में ऐसा क्या है जो लार को घटाता है? पेस्ट में एक केमिकल मिलाया जाता है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट को जहर माना जाता है दुनिया में, ये थोड़ी भी मात्रा में जीभ पर आप डाल दें तो लार ग्रंथियों को सुखा देता पूरी तरह से। इसलिए दुनिया में जो भी सेंसिबल डॉक्टर्स हैं, दांतों के डेंटिस्ट, वो सब ब्रश करते हैं, ब्रश को कभी पेस्ट नहीं लगाते। अमेरिका यूरोप के बहुत सारे डेंटिस्ट को मैं जानता हूं थ्रू ईमेल, और मैं उनसे बार बार पूछता हूं आप क्या करते हो, पेशेंट को क्या बताते हो, आप क्या करते हो? वो कहते हैं वी डू नॉट यूज एनी टूथपेस्ट, हम नहीं यूज करते, हम इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों? वो कहते हैं तुमको नहीं मालूम लार बनना कम हो जाता है। तो मैं पूछता आप करते क्या, तो उन्होंने कहा खाली ब्रश रगड़ते हैं, पेस्ट नहीं लगाते उस पर। और अमेरिका में तो आपको मालूम है कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट सभी टूथपेस्ट पर वार्निंग प्रिंट होती है, स्टैट्यूटरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी, उस पर लिखा होता है प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 इयर्स, 6 साल से कम उम्र के बच्चे को ये कॉलगेट नहीं देना,
सेकंड स्टेटमेंट होता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेशन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर, मैंने गलती से बच्चे ने ये पेस्ट कर लिया तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना उसको। थर्ड वार्निंग होती है इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश एट योर ओन रिस्क इन पी साइज, पी साइज माने चने या मटर के दाने से भी छोटा, इतनी सी मात्रा में ही ब्रश पर पेस्ट लेना, वो भी अपने रिस्क पर लेना। इतनी शार्प वार्निंग प्रिंट होती है टूथपेस्ट पर। हिंदुस्तान में क्या होता है इसका उल्टा होता है, टीवी में दिखाते हैं ब्रश भर भर के पेस्ट, अमेरिका में कहते बिल्कुल थोड़ा सा ले क्योंकि इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट है और वो आपकी लाल उत्पादन क्षमता को खत्म कर देगा, तो थोड़ा सा ही लेना। हमको टीवी बताता ब्रश भर भर के लेना और दिन में तीन तीन बार लेना, सुबह भी लेना, दोपहर को लेना, शाम को लेना। तो ये टीवी के जो एडवर्टीजमेंट है जिससे हम फंसे हैं, इसमें से बाहर निकलिए। जो सेंसिबिलिटी है और आपकी इंटेलिजेंसी है उसका यूज करिए। लार को बढ़ाने वाली चीजों से दांत साफ करिए, ना कि घटाने वाली चीजों से। तो आप बोलेंगे कौन सी चीजें हैं जो लार को बढ़ाती है? नीम का दातुन सबसे ज्यादा लार बढ़ाता है, करके देख लीजिए। नीम के दातुन को जैसे ही आप दांत के बीच में फंसाएंगे तुरंत लार बनना शुरू हो जाए। नॉर्मल जितनी बनती है उससे तीन गुना ज्यादा बनेगी, करके देखिए। और जैसे जैसे आप उसको चबाते जाएंगे लार का प्रोडक्शन बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। इसलिए बेस्ट क्वालिटी है नीम का दातुन। ऐसे ही बबूल का दातुन, बबूल का दातुन जितना चबाएंगे लार का उत्पादन उतना ही बढ़ेगा। फिर आप बोलेंगे नीम का दातुन चबाते समय लार को क्या करना, पीते रहिए उसको, थूकिए मत। आपको इतनी क्वालिटी है उसमें, एक तो नीम का रस आ गया, ऊपर से लार भी है, दोनों बेस्ट एल्कलाइन प्रोडक्ट है। नीम के दातुन को चबाते हुए जो लार को पी सकते हैं, मैं उनको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं जिंदगी में डायबिटीज कभी हो नहीं सकती। अर्थराइटिस होगा नहीं कभी आप, क्योंकि एसिडिटी बढ़ेगी नहीं ब्लड की, एल्कलाइन रहेगा ब्लड, और ब्लड एल्कलाइन रहेगा तो डायबिटीज, अर्थराइटिस, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नीम को भारत में दातुन के लिए सबसे अच्छा माना है। तो नीम का दातुन करिए, बेस्ट है। कोई भी नहीं पीना, कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, नहीं पीना। क्यों? आप उसको समझ लीजिए, बात ऐसी है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पीते हैं तो गर्म पेट में ठंडा पानी जाता है, पेट आपका गर्म है, पानी ठंडा, तो अंदर जाके झगड़ा होता है। या तो पेट पानी को गर्म करता है या पानी पेट को ठंडा बनाता है। थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए आपने बहुत ठंडा पानी पिया है और पानी ने पेट को ठंडा कर दिया, पेट के जैसे ही ठंडे होते ही हृदय ठंडा हो जाएगा आपका, क्योंकि पेट और हृदय का आपस में कनेक्शन है। हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा आपका, ब्रेन, और मस्तिष्क के ठंडे होते ही शरीर ठंडा हो जाएगा, और शरीर के ठंडा होते ही आपको घर के बाहर निकाल के फेंक देंगे वो सब लोग जो आपको लिपट कर प्रेम करते हैं, वो सब आपको छूना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि शरीर ठंडा हो गया। और वो एक ही बात बोलेंगे, जल्दी लेके जाओ इसको, हटाओ, क्यों रखा हुआ है, अंतिम संस्कार करना है इसका, क्योंकि शरीर ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है। तो आप क्यों ये शरीर को ठंडा बनाना चाहते हैं पानी पीते हुए? मत करिए ये गलती। अब इसका दूसरा पार्ट है जो मैं समझाना चाहता हूं आपको। जब बहुत ठंडा पानी हम पीते हैं तो होता क्या है कि पेट पानी को गर्म करता है, उसको जिंदा रखना है आपको, तो एक सिस्टम बना रखा है भगवान ने। आप बहुत ठंडा पानी पिएंगे पेट पानी को गर्म करेगा, लेकिन गर्म करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, कुछ ऊर्जा चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? ब्लड में से आएगी, रक्त में से आएगी। तो सारे शरीर का खून पेट की तरफ जाएगा पानी को गर्म करने के। अब थोड़ी देर आप इमेजिन करिए कि सारे ब्रेन का ब्लड हमारे पेट में चला गया, हार्ट का ब्लड पेट में चला गया, इंटेस्टाइन का ब्लड पेट में आ गया, तो हर एक ऑर्गन को ब्लड की कमी आएगी, ब्रेन को कमी आएगी, हार्ट को कमी आएगी, इंटेस्टाइन। ब्रेन को तीन मिनट अगर ब्लड सप्लाई रुक गया या कम हो गया तो ब्रेन डेड हो जाता है। हार्ट को एक से डेढ़ मिनट अगर सप्लाई रुक गई तो हार्ट डेड हो जाता है। बाकी सभी ऑर्गन्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ठंडा पानी पीना बहुत बड़ा रिस्क लेना है, कभी मत पीजिए।
और एक समस्या होती है, जब बहुत ठंडा पानी आप पीते हैं तो हमारे पेट का जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ा आंत जहां पर एक्सक्रीटा है, मल है, वो बंद हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा होता है पाइप के जैसा, खुले हुए पाइप के जैसा, जब ठंडा पानी पीते हैं तो ये बंद हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अब होगा क्या कि बहुत ठंडा पानी पी पी के लार्ज इंटेस्टाइन अगर आपका श्रिंक कर गया, बंद हो गया, तो सुबह जब आप टॉयलेट में जाएंगे तो एक एक घंटे बैठना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बंद है, स्टूल ही पास नहीं होगा, सारी ताकत लगानी पड़ जाएगी आपको, फिर भी स्टूल पास नहीं होगा, मैंने कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन को आयुर्वेद में मदर डिसीज कहते हैं, सभी बीमारियों की मां है कब्जियत। आपको एक बीमारी आ गई कब्जियत तो सारी बीमारियां आएंगी जिंदगी में, कोई नहीं रोक पाएगा उनको। तो ठंडा पानी पीने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है लार्ज इंटेस्टाइन के श्रिंक होने का, माने कब्जियत होने का, इसलिए आप ये गलती मत करिए कभी। मैंने मेरी आंखों से देखा है, अमेरिकन और यूरोपियन लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, इतना ठंडा पानी पीते हैं कि हम सोच नहीं सकते। अमेरिकन यूरोपियन लोग तो क्या करते हैं, पानी को फ्रिज में रख देते हैं, 5-6 दिन रखा रहता है, खूब ठंडा होता रहता है, फिर पानी को निकालते हैं, फिर आइस क्यूब डालते हैं उसमें, बर्फ के टुकड़े, फिर पीते हैं। दुष्परिणाम क्या होता है, जो भी अमेरिकन यूरोपियन लोग ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं तो एक एक घंटे बाहर नहीं आते, कुछ लोग तो 2-2 घंटे बैठे रहते हैं टॉयलेट। उनको पूछो कि भाई क्या करते हो एक घंटे टॉयलेट रूम में, तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और टॉयलेट रूम न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो नहीं बनाया, तो कहते क्या बताएं, स्टूल पास नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, तो न्यूज़पेपर पढ़ के टाइम पास करना पड़ता है। एक अमेरिकन को मैंने एक बार पूछा कि आपके टॉयलेट रूम में ये कमोड सीट क्यों लगाते हैं, इंडियन स्टाइल का क्यों नहीं लगाते, तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा कि इंडियन स्टाइल वाला जो टॉयलेट पॉट है उस पर 5 मिनट बैठ सकते हैं, क्योंकि बैठने की जो पोजीशन है वो 5 मिनट में ही थका देती है, हमको 2-2 घंटे बैठना है, इसलिए हम कुर्सी जैसा ही कमोड बना लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उस दिन मेरे समझ में आया कि अमेरिकन टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी क्यों होती है, सारे अमेरिकन टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी मिलेगी, न्यूज़पेपर मिलेंगे, मैगजीन्स मिलेगी, किताबें मिलेगी, ड्राइंग रूम में नहीं मिलेगी, डाइनिंग रूम में नहीं मिलेगी, बेडरूम में नहीं, टॉयलेट रूम में सारी किताबें, मैगजीन, क्योंकि उनको टाइम पास करना। मुझे कभी उनका मजाक करने का मन करता है, वो बेचारे कितने परेशान होते होंगे, सारी ताकत लगाते होंगे, सब करते होंगे, लेकिन स्टूल पास नहीं होता, फिर गाना गाते होंगे, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, फिर भी नहीं आती, फिर उससे भी ज्यादा जब परेशान हो जाते होंगे तो दूसरा गाना गाते होंगे, एक बार आजा आजा आजा, फिर भी नहीं आती, ये सारी समस्या है उनकी जिंदगी में। और इन समस्याओं का जो रूट कॉज है वो चिल्ड वाटर है, ठंडा पानी। आप मत गलती करना, ये वो गलती कर रहे हैं, उनको करने दो, उनका उनको मुबारक, हमें हमारे जीवन को थोड़ा ठीक रखना है। आप कभी भी ठंडा पानी मत पीना। फिर आप बोलेंगे घड़े का पानी पी सकते हैं, हाँ मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि वो ठंडा नहीं है। ठंडे पानी की परिभाषा मैंने बताई, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर का सभी पानी ठंडा है। मिट्टी के घड़े का पानी का जब भी आप टेम्परेचर नोट करेंगे वो 35 डिग्री 36 डिग्री 34 डिग्री 33 डिग्री ऐसे ही आता है, और आपके शरीर का तापमान है 37 डिग्री, इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी और आपका शरीर दोनों लगभग बराबर गर्म है, इसलिए आप कभी भी मिट्टी के घड़े का पानी पीना, फ्रिज का मत पीना, बर्फ डाला हुआ मत पीना। इमरजेंसी कितनी भी होने दो, आप टैप वाटर पी लेना, नल का पानी सीधे पी लेना, ठंडा पानी। ये चौथा नियम है और आज का आखिरी नियम है। तो मैंने आज आपको 4 नियम बताए हैं, इन नियमों के आधार पर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो जरूर पूछिए, मैं आधा घंटे का समय देता हूँ, और आपको लगेगा तो और आधा घंटे उसको एक्सटेंड करूंगा। 4 नियम अभी तक मैंने बताए हैं, जो समझ में नहीं आए तो पूछे, ज्यादा समझ में आए हैं तो दूसरों को बताएं। हाँ, एक प्रश्न आ गया, दूध पीने का समय कितनी देर बाद खाने है? रात को खाना खाते ही कभी भी दूध पी सकते हैं, तुरंत आप दूध पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सोने जा रहे हैं उस समय पिएंगे तो और अच्छा है,
लेकिन खाने के तुरंत बाद अगर आपको कुछ भी लिक्विड पीने की इच्छा है तो दूध पीकर उस इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, वो कल बताऊंगा, नमक का बहुत फर्क होता है, लेकिन कल बताऊंगा उसको। आज सिर्फ इतना जान लीजिए कि दूध तुरंत खाने के बाद रात को पिया जा सकता है। अब किसी ने सवाल पूछा है कि विदेशों में दातुन नहीं होती है तो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करना शुरू करिए, कुछ तो फायदा मिलेगा इस देश को। एक दातुन एक डॉलर में भी बिकेगी तो अपने किसानों को कितना लाभ मिलेगा, या आधे डॉलर में मिलेगी तो भी कितना लाभ मिलेगा। हाँ, दंत मंजन तो मिल ही जाएगा अमेरिका में, दिव्य दंत मंजन तो स्वामी जी ने शुरू करा दिया। तो इसलिए अगर आप विदेश जाते हैं या विदेश में रहते हैं या विदेश के बहुत सारे दोस्तों को बताना चाहते हैं तो उनको कहिए कि दंत मंजन मिलता है और दातुन चाहे तो यहाँ से एक्सपोर्ट की जा सकती है। दातुन सबसे अच्छा नीम का है, उसके अलावा दूसरा सबसे अच्छा मैंने बोला बबूल का, तीसरा सबसे अच्छा दातुन होता करंज का, चौथा सबसे अच्छा करंज, करंज एक पेड़ होता है, आप नहीं जानते क्योंकि आपके एरिया में नहीं होता, ये करंज का सारा पेड़ होता है बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, 5-6 राज्यों में। जो नहीं होता आप उसको छोड़ दीजिए, आप पहचान भी नहीं पाएंगे क्योंकि होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सबसे अच्छा दातुन नीम का, दूसरे नंबर पे बबूल का, बबूल का तीसरे नंबर पे करंज का, चौथे नंबर पर एक पेड़ होता पाखड़ का, पांचवें नंबर पर जो पेड़ है वो है आपके बहुत आसपास में होने वाला आम का, आम का पेड़ तो आप सभी जानते हैं, फिर छठे नंबर पे जो सबसे अच्छा दातुन है अमरूद का। अमरूद और आम के बारे में एक जानकारी दे दूं, आपके घर में आम का अगर पेड़ है या अमरूद का पेड़ है तो एक पत्ता तोड़ लीजिए एक या आधा और उसको चबाइए, खूब लार बन जाती है और चबाते चबाते उसका चटनी जैसा बन जाएगा, उसी चटनी से दांत घिस लीजिए, ठीक है, और फिर पानी सहित उसको पी जाइए। हाँ, गन्ने से तो बहुत दांत साफ होते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर घर में आम का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है, आधा पत्ता तोड़िए आम का या अमरूद का, मुंह में चबाइए, चटनी बन गया, दांत पे घिस लीजिए, पानी के साथ पी लीजिए, दो फायदे एक साथ, दांत तो एकदम साफ कर ही देगा, पेट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं आने देगा। तो आम के पत्ते से माने आम के डंडे से भी दातुन होता है, अमरूद के भी डंडी से दातुन होता है, और दातुन वाला एक पेड़ है बहुत अच्छा जिसको मीठा नीम कहते हैं, मीठा नीम, कड़ी पत्ता उसका भी बहुत अच्छा दातुन होता है, कड़ी पत्ते को चबा लीजिए फिर उसका लुक भी बनेगा चटनी, उससे दांत साफ कर लीजिए। और आखिरी पेड़ है जो दातुन के लिए यूज हो सकता है, पीपल का, पीपल और बरगद दोनों को एक ही कैटेगरी में, तो भारत देश में 10 से 12 पेड़ माने जाते हैं जिनके दातुन सबसे अच्छे हैं। और इन दातुनों के हर महीने का समय है, नीम का दातुन इस महीने में सबसे अच्छा है, बबूल का इस महीने में सबसे अच्छा है, फिर करंज का इस महीने में, वो बड़ा एक लंबा चैप्टर है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि नीम तो आपके पंजाब में होता है, बबूल आपके पंजाब में होता है, आम आपके पंजाब में होता है, अमरूद आपके पंजाब में होता है, पीपल भी आपके पास है, बरगद भी, कम से कम 6 पेड़ तो है ही दातुन करने वाले, और दंत मंजन आपके पास है। शीशम, शीशम है आपके यहाँ? अगर शीशम है तो उसका भी ले सकते हैं। मौलश्री का भी दातुन होता है, मौलश्री अगर होता ठीक है तो बबूल ही हो गया, मौलश्री और शीशम अगर दोनों पेड़ आपके आसपास हैं तो ये भी दातुन में यूज होते हैं। और कोई प्रश्न? मेरे पास जो प्रश्न आया उसका उत्तर दे दिया। अब देखिए, मेडिसिन डिसीज दोनों को आप आज मत पूछिए क्योंकि इसके लिए मैंने पूरा दिन ही रखा है, 30th और 29th को मैं यही बताऊं। आज तो आप उतने प्रश्न करिए जो 4 सूत्र मैंने बताए, 4 नियम मैंने बताए, उससे जुड़े हुए, उससे रिलेटेड है। आज के सूत्रों पर जो भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, जरूर पूछिए। एक चूना जो आपने बताया है ना, हाँ सर, बहुत अच्छा सर, चूना जो आपने बताया है वो घुटनों के लिए भी ठीक है? सबके लिए अच्छा, जॉइंट्स के हर पेन के लिए अच्छा है। आपने एक सवाल पूछा, बच्चे को पानी कब से पिलाना चाहिए? बच्चों को पानी पिलाने का उम्र है 3 महीने के बाद, 3 महीने तक कभी भी किसी भी बच्चे को बाहर का पानी मत पिलाइए। क्यों? 3 महीने तक उसके पानी की जरूरत माँ के दूध से ही होती है, 3 महीने के बाद फिर उसको पानी की जरूरत।
सब 2 मिनट के लिए मौन रहेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। आज हमारे देश में एक बहुत दुखद घटना हुई है, हम सभी जानते हैं, मुंबई शहर पर आतंकवादियों का हमला हुआ है और हमारे देश के पुलिस के 9 जवान शहीद हुए हैं, उसके अलावा रेलवे पुलिस का 1 जवान शहीद हुआ है। मुंबई की और महाराष्ट्र की एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, उसके जो चीफ हैं हेमंत करकरे, वो भी शहीद हो गए हैं। तो दुखद घटना है, हम सब हमारे देश के उन सब नागरिकों के जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना सर्वस्व निछावर किया है, उनकी याद में, उनकी आत्मा को शांति मिले, इस दृष्टि से 2 मिनट का मौन रखेंगे। आपसे निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट के लिए हम सब आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करें, वाहेगुरु से प्रार्थना करें कि जिनको शहादत मिली है उनकी आत्मा को शांति मिले। कल की बात को आगे बढ़ाता हूं और 1 घंटे में बात करूंगा, बाकी समय आपके प्रश्नोत्तरी के लिए आधा घंटा कम से कम, ज्यादा समय हुआ तो भी। कल 4 सूत्र पर बात हुई है, 1 मिनट में चारों को रिपीट कर देता हूं, याद आ जाए इसलिए। सबसे पहला सूत्र था खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, कम से कम 1.5 घंटे बाद पीना। खाना खाने के पहले पीना हो तो 48 मिनट पहले पीना, बीच में पीना हो तो तब जब इमरजेंसी हो कोई, और 2-3 से भी पीना है बीच में। खाने के तुरंत बाद अगर कुछ पीना है तो सुबह पीनी है जूस, दोपहर को लस्सी, रात को दूध। दूसरा सूत्र था पानी हमेशा घूट घूट करके पीना, थोड़ा थोड़ा पीना, सिप सिप करके पीना। तीसरा सूत्र था सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना, कम से कम 3 गिलास। और चौथा और आखिरी कल का सूत्र था ठंडा पानी कभी नहीं पीना। पांचवें सूत्र पे हम चलते हैं। पांचवा सूत्र है भागवत जी का, अष्टांग हृदयम का, वो ये है कि जब भी खाना खाएं तो खाने को इतना चबाएं जितने हमारे दांत। जब भी हम खाना खाएं तो खाने को इतना चबाएं जितने हमारे दांत। अब हमारे दांत हैं 32 तो 32 बार चबाना, अगर 28 हैं तो 28 बार चबाना, 26 हैं तो 26 बार सबा चबाना, जितने दांत हैं उतनी बार भोजन चबाना है, ये नियम है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करना है? सीधा सा लॉजिक है कि ज्यादा अगर चबाएंगे ठीक से खाने को तो वो लार जो आपके मुंह में है, स्लाइवा, वो खूब अच्छे से मिक्स होगा और फिर ये अंदर जाएगा तो पचने में, डाइजेस्ट होने में बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए खाने को जितना ज्यादा चबा के खाएंगे उतना अच्छा है। हमारे बुजुर्ग लोग घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं पानी को खाओ खाने को पियो। अब पानी को खाने का माने सिप सिप करके पीना और खाने को पियो माने खाने को इतना चबाना कि वो पानी जैसा हो जाए। ये नियम बहुत बहुत जरूरी है सबको पालन करना। इस एक नियम के पालन नहीं करने से बहुत तकलीफ है। आप सभी लोग जो परेशान हैं इस बात से कि हमारा मोटापा हो गया है, वजन बढ़ गया है, कोई परेशान है डायबिटीज हो गई है, कोई परेशान है कोलेस्ट्रॉल है, कोई परेशान है ट्राइग्लिसराइड्स है, कोई परेशान है हाइपरथायराइडिज्म है, ये जितने भी रोगों के मैं नाम ले रहा हूँ ये सब आपके रोग खत्म हो जाएंगे, बस आप खाने को चबा के खाना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा खाना चबाएंगे वजन उतना ही आपका कंट्रोल रहेगा। 1 साल कर दीजिए इस नियम को तो जितना सरप्लस वेट है वो सब का सब आपका साल भर में निकल जाएगा, चबा चबा के खाना शुरू कर दीजिए। इतना सिंपल है और लेकिन बहुत इफेक्टिव है। मैंने इस छोटे से नियम का हजारों हजारों लोगों पे परीक्षण किया है पिछले 12 वर्षों में और इतने अच्छे परिणाम है जो किसी दवा के नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट अंदर जाए, आप चाहते हैं वजन कम हो जाए, आप चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल आपका ना बढ़े, आप चाहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स ना बढ़े, आप चाहते हैं शुगर ना बढ़े आपकी, बस इतना सिंपल है कि चबा चबा के खाना शुरू कर दीजिए।
चबाने के लिए दो तीन दिन आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाला तो गिनकर उसे चबाइए, गिनते जाइए और 32 बार हो तब उसको अंदर लेके जाइए। दो दिन बस करना पड़ेगा आपको, तीसरे दिन से अपने आप गिनना शुरू हो जाएगा। आप भूल भी जाएंगे तो ये माइंड जो है ना ये सुपर कंप्यूटर है, एक बार इसमें फीड हो गया तो तीसरे दिन से फिर आपको गिनना नहीं पड़ेगा, वो अपने से ही उतना ही गिनेगा उतना ही चबाएगा। ये पांचवा नियम है, बहुत आवश्यक है, आप इसको फॉलो करें तो बहुत अच्छा होगा। छठवा नियम है वो बहुत आज के लोगों के लिए जरूरी है। भागवत जी कहते हैं कि जब भी खाना खाएं, सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, तो जमीन पे बैठ के खाएं, भूमि पे बैठ के खाएं। ये जो नियम है कि जब भी खाना खाएं भूमि पर बैठ के खाएं, जमीन पे बैठ के खाएं, आप तुरंत पूछेंगे इसका लॉजिक क्या। सिंपल सी बात इसमें है जो समझने की, वो ये कि हमारा जो शरीर बना है वो दो पाए वाला है, दो पाया माने हमारे दो पांव हैं, और जानवरों का जो शरीर है वो चार पांव वाला है। हम वर्टिकल हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, और जानवर जो है सब हॉरिजॉन्टल हैं, क्षैतिज हैं। दोनों पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अलग अलग है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, इसमें एक ताकत है, एक बल है, एक फोर्स है, जिसको हम सब कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये पूरी दुनिया में जहां तक पृथ्वी है वहां तक ये है। जब भी आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमेशा ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके ऊपर काम करता है, हर समय काम करता है। जब आप बैठे होते हैं तो एक आसन होता है जिसको योग और प्राणायाम में कहा जाता है सुख आसन, आलती पालती मार के बैठना, ध्यान करने का आसन। तो ये जो सुखासन है, इस स्थिति में जब आप बैठते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम आपके नाभि पे होता है, एग्जैक्टली नाभि पे होता है। और नाभि के बारे में अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करें तो ये आपके बॉडी का सेंटर पार्ट है, एकदम केंद्र बिंदु है। आप जानते हैं, एक मोटी सी बात कहता हूं कि जब भी सेंटर पार्ट पर या सेंट्रल कोई भी बिंदु है वहां पर जब फोर्स लगता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सब जगह। फिजिक्स की एक छोटी सी जानकारी है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं कि अगर केंद्र बिंदु पर कोई ताकत लगेगी तो वो हर तरफ बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हम जब बैठ जाते हैं सुखासन में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे नाभि पर केंद्रित हो जाता है तो पूरे शरीर में उसकी ताकत बढ़ी हुई रहती है। और दूसरी बात क्या है जो समझने की है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्योंकि नाभि पर है, हर एक फोर्स जो होता है, हर एक बल जो होता है, उसकी कुछ चार्जिंग कैपेसिटी होती है, वो चार्ज करता है, आवेशित करता है हर चीज को। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर नाभि पर है तो नाभि चार्ज होती है, आवेशित होती है। नाभि के बिल्कुल पड़ोस में जठर है, एपिगैस्ट्रियम, तो एपिगैस्ट्रियम उससे चार्ज होता है। एपिगैस्ट्रियम की चार्जिंग का मतलब है उसमें अग्नि ज्यादा होती है, और अग्नि ज्यादा होने का मतलब है डाइजेशन के लिए पेस्ट अच्छे से बनता है, और पेस्ट अच्छा बनेगा तो रस अच्छा बनेगा, रस अच्छा बनेगा तो मांस मज्जा रक्त वीर्य जो मैंने कल बताया वो अच्छे से बनेगा, और वो अच्छे से बनेगा तो लाइफ आपकी डिसीज फ्री। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, अष्टांग हृदय में कहा गया कि जब भी खाना खाएंगे तो जमीन पे बैठ के खाएंगे। अब आप बोलेंगे कि हमने डाइनिंग टेबल लाया हमारे घर में, क्या करें। डाइनिंग टेबल बड़ी विचित्र चीज है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। हम में से किसी ने भी अपने घर में अगर डाइनिंग टेबल लाया है तो कोई दिमाग लगा के नहीं लाया कि हम इसको क्यों ला रहे हैं। ज्यादातर घर वालों को मैंने पूछा है कि भाई आपने डाइनिंग टेबल लिया तो उसके पहले कुछ सोचा होगा कि इसको लाना है तो क्या करना है, क्यों लाना है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है। अगर 1000 लोगों को अगर मैंने पूछा तो 999 ने जवाब दिया कि हमने तो इसलिए लाया कि स्टेटस सिंबल है, घर में लगता है कि भाई स्टेटस बड़ा है अगर डाइनिंग टेबल है तो। हमने कभी नहीं सोचा कि ये डाइनिंग टेबल उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियों के जोड़, जिनको जॉइंट्स आप कहते हैं, वो स्टिफ होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन लोग, यूरोपियन लोग। अभी थोड़े दिन पहले स्वामी रामदेव जी अमेरिका गए,
जब वो लौट के आए तो मैंने स्वामी जी से पूछा क्या अनुभव रहा, तो उनके यार बड़े विचित्र लोग हैं। मैं पूछा क्या कि आसन लगा के भी नहीं बैठ सकते, सुखासन में भी नहीं बैठ सकते। वो मुझे बता रहे थे कि सुखासन में बैठने के लिए सिखाने को ही उनको सबसे ज्यादा समय चला गया। तो मैं कहा वज्रासन, उन्होंने कहा वज्रासन की तो कल्पना ही छोड़ दो तुम, कि वो बैठ पाएंगे कभी। और स्वामी जी कहते थे कि जब भी मैं कहता था भाई आसन लगा के बैठो सुखासन में, जैसे मैं बैठा हूं, तो कहा किसी के पांव ऐसे निकले हैं, किसी के ऐसे निकले, परफेक्ट कोई भी सुखासन में बैठ नहीं सकता, वज्रासन तो बिल्कुल नहीं बैठ पाते। कारण एक ही है कि उनके ज्वाइंट्स जो हैं वो बहुत स्टिफ हैं, कड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्नोवियल फ्लूइड बहुत कम है ज्वाइंट्स में। हर एक ज्वाइंट्स में आप जानते हैं लुब्रिकेशन के लिए स्नोवियल फ्लूइड होता है, ईश्वर का बनाया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ। हमारे भारत के लोगों का ये बहुत अच्छा सद्भाग्य है कि वो भारत की जलवायु में है, इसलिए उनके जॉइंट्स में स्नोवियल फ्लूइड बहुत है, बहुत फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं हमारे। हम जैसे चाहें अपने को मोड़ कर बैठ सकते हैं, बशर्ते कि वजन ज्यादा ना बढ़ा हुआ हो। लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन लोगों को ये बहुत तकलीफ है, ठंड में बहुत रहना पड़ता है। मैंने कल आपसे कहा 6-6 महीने सूरज के दर्शन नहीं होते उनको, 6-6 महीने बर्फ रहती है, -30-40 टेम्परेचर होता है। तो ज्यादा बर्फ में रहने से, ज्यादा ठंड में रहने से स्नोवियल फ्लूइड बहुत कम बनता है, तो जॉइंट्स बहुत कड़क हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कुर्सी बनाई या कुर्सी का इन्वेंशन किया या डिस्कवरी की, जो भी आप कहें। कुर्सी उन्होंने इसलिए लाई कि वो बैठ नहीं सकते जमीन पर, और मेज लाई फिर उसके साथ, और उनकी मजबूरी के लिए वो यूज करते हैं मेज कुर्सी, माने डाइनिंग टेबल पर डिनर और लंच वो करते हैं। हमने उनकी नकल करके हमारे घर में लाई और हमारे घर में आ गई। अब हमने उसको स्टेटस सिंबल की तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया है। और माफ कीजिएगा ये बात कहने के लिए कि जब से हमने डाइनिंग टेबल पर खाना शुरू किया है तभी से हमारे पेट बाहर निकलना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। हम जब जमीन पे बैठते हैं सुखासन लगा के तो उसमें बंद लगता है, बंद आप समझते हैं ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जंघाओं से नीचे ब्लड नहीं जाता जब जमीन पे सुखासन लगा के बैठ जाते हैं, तो सारा ब्लड मैक्सिमम स्टमक रीजन में रहता है। तो खाने के लिए सबसे ज्यादा ब्लड यही चाहिए पचाने में मदद करने को, तो मैक्सिमम ब्लड हमें यूज होता है। जब हम कुर्सी पे पांव लटका के बैठते हैं या खड़े खड़े खाना खाते हैं तो सारा ब्लड नीचे तक जाता है, वो स्टमक रीजन में रुक ही नहीं पाता, तो ब्लड का यूज कम होता है, तो पाचन बराबर नहीं होता, डाइजेशन परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम लोगों को तकलीफें बहुत होती। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, वो कोशिश करें जमीन पर बैठ के खाने की। एक आसन खरीद लें, आराम से बैठें जमीन पर आलती पालती लगा के और खाना शुरू करें। लगातार आप कर लीजिए, अपने आप देखेंगे 5-6 महीने में पेट अंदर जाना शुरू हो जाए अपने आप, बिना किसी एक्सरसाइज के। और दूसरा फायदा क्या होगा कि आपके बॉडी में स्नोवियल फ्लूइड और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दोनों ही बढ़ेगी, जॉइंट्स में पेन कम हो जाएगा। और आने वाले भविष्य में आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, हमारे भारत में कहा जाता है कि जमीन पे खाना, जमीन पे सोना, जमीन पे मरना, तीनों महत्वपूर्ण है। भारत में जब मृत्यु होती है ना तो जमीन पे ही लिया जाता है उसको, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिनकी धरती पर मृत्यु है उन्हीं की मृत्यु अच्छी है, बेड पे मृत्यु अच्छी नहीं मानी जाती। सारे बुजुर्ग लोगों को इस बात का ध्यान रहता है। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था मेरी आंखों के सामने, तो बार बार वो मुझे ये बोल रहे थे कि जैसे ही मेरे प्राण निकले मुझे जमीन पे ले लेना। मैं बोला क्यों, इतना अच्छा तो बेड है। उन्होंने कहा बेड पे मरते नहीं। तब से मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं मरते बेड पे, तो पता चला उसका पूरा विधान और शास्त्र है। और विधान और शास्त्र यही है कि आपका जो अस्तित्व है इस पृथ्वी पर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण, सॉरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण है आपका सारा अस्तित्व, आपका जीना, आपका मरना, सब कुछ उसके साथ है। तो जब आप मर रहे हैं तो उसके संपर्क में रहिए, खाने खाने के समय उसके संपर्क में रहिए, जमीन के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहना। इसी बात को दूसरे तरीके से हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, जमीन से जुड़े रहो, जमीन मत छोड़ो। कोशिश करिए
और दूसरा आप मुझे फिर प्रश्न करेंगे कि फिर डाइनिंग टेबल का क्या करेंगे, मेरी बात तो माने इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए अमेरिका और यूरोप के देशों में, जरूरत उन्हीं की है, वो उसको यूज करेंगे, कुछ आपको डॉलर्स भी मिल जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि नहीं कुछ तो करना है उसका। मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूं, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, पटियाला जैसा शहर खूब महंगा है, एक स्क्वायर फीट जमीन कम से कम यहाँ 3-4 हजार रुपए की तो होगी, क्या रेट है? यही है। इतना 3-4 हजार रुपए स्क्वायर फीट की जहां जमीन मिलती हो, वहां डाइनिंग टेबल से आपने कितना स्क्वायर फीट घर में कवर करके रखा है जरा कैलकुलेट करो। एक तो डाइनिंग टेबल में इन्वेस्ट कर दिया, फिर कम से कम आपने 5-6 फीट लंबा चौड़ा होगा और 2-3 फीट चौड़ा माने उसकी ब्रेथ होगी, कम से कम तो 18-20 स्क्वायर फीट जमीन आपने कवर करके रखी है, 4000 से उसका गुणा कर लो, कितने रुपए आप वेस्ट कर। और फिर उसकी सफाई के लिए भी, झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी तकलीफ होती है। और अल्टीमेटली जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि हमारे देश में वास्तुशास्त्र नाम का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वास्तुशास्त्र में ये कहा गया है कि घर में जितना स्पेस खुला रहता है, दिल और दिमाग भी उतना ही खुला रहता है। घर के स्पेस को जितना कवर करके आप रखेंगे, दिल और दिमाग भी आपका उतना ही छोटा हो जाएगा। हमने हमारे घरों में आजकल एक स्टेटस सिंबल के लिए काम शुरू किया है कि हम घर बनाते हैं स्पेस के लिए, फिर उस स्पेस को घेरने के लिए, कवर करने के लिए बहुत सारी चीजें उठा लाते हैं, सोफा ले आते हैं, कुर्सी ले आते हैं, डाइनिंग टेबल ले आते हैं, फिर उसको रख देते हैं, जगह कम हो जाती है, ओपन स्पेस बहुत कम हो जाता है, कई घरों में तो इतना कम हो जाता है कि ऐसे ऐसे बचकर निकलना पड़ता है, स्लीपर क्लास का जो कंपार्टमेंट होता है बहुत सारे घरों की ऐसी स्थिति हो जाती है। मैंने इसी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, गांव में बहुत प्रवास किया, तो गांव के जो घर देखता हूं इतने बड़े और खुले हुए, उनके पास क्या है, वो चारपाई यूज करते हैं, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं ये मैं सोच के हैरान हो जाता हूं, बिना पढ़े लिखे, स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, फिर भी इनकी इंटेलिजेंसी का लेवल देखिए, वो चारपाई इस्तेमाल करते हैं, जिसको जब चाहे बिछा लिया, जब चाहे उठा के रख दिया, उठा के रख देंगे तो स्पेस ओपन हो गया, बिछा दिया तो स्पेस कवर हो गया। सबसे सस्ती है और सबसे अच्छी है। तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय जमीन पे बैठने का हो, खाना खाते समय जमीन पे बैठना पड़े, आसन प्राणायाम करते हुए जमीन पे आपको बैठना पड़े, फिर वज्रासन करते हुए जमीन पे बैठना पड़े, सोने का भी अगर आप जमीन पे शुरू कर दें तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं। जितना ज्यादा शरीर आपका ग्रेविटी के नजदीक होगा, माने शरीर का सारा भार सौंप दीजिए धरती माता को, वो आपको संभाले। डाइनिंग टेबल तो यूज बहुत ही कम करिए आप, अगर ले आए हैं तो मान लीजिए कि ये एक तरह से एंटीक पीस है। हमारे घर में बहुत सारे एंटीक पीस आ जाते हैं, वो रखे रहते हैं, बस देखने के लिए होते हैं, यूज करने के लिए नहीं होते हैं, तो उसको भी एक एंटीक पीस मान के आपके घर में रखिए। ज्यादा समय जमीन पे बैठ के खाना शुरू कर दीजिए, और खाने के तुरंत बाद 5 मिनट तो कम से कम, 10 मिनट तो अधिक से अधिक, वज्रासन में बैठना शुरू कर दीजिए। वज्रासन आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये पतंजलि योग समिति के सब कार्यकर्ता, योग शिक्षक आपको सिखा देंगे वज्रासन कैसे लगाया जाता है। तो लंच के बाद जमीन पे बैठ के ही वज्रासन लगा लें, डिनर के बाद जमीन पे बैठ के ही वज्रासन लगा लें, तो सूत्र भी पालन होगा और आपके शरीर का वजन लगातार गिरते हुए एक जगह आके आपको स्टेग्नेट हो जाएगा। इसमें यह चिंता करने की जरूरत नहीं है जो कल आपकी चिंता थी कि वजन और कम तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जहां रहना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, जो आपका वेट होना चाहिए, वहीं पे जाके स्टैग्नेट हो जाता है, उसके नीचे कभी भी नहीं जाता, क्योंकि ये मेरा 12 साल का तजुर्बा है। और मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, फिर उसको रिपीट कर रहा हूं कि मैंने ऐसे बहुत पेशेंट को वेट लूज कराया है जिनका 160, 150, 140, 170। सिंपल से इस सूत्र का पालन करके, एक सूत्र मैंने बोला चबा चबा के खाना, पानी को घूट घूट पीना, 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना, खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाना, जमीन पे बैठ के खाना, इन्हीं सूत्रों का पालन करके साल भर में किसी ने 40 किलो लूज किया, किसी ने 50 किलो लूज किया, किसी ने 25 किलो लूज किया। कोई मेडिसिन नहीं, कोई डाइटिंग नहीं। मैं बहुत सख्त खिलाफ हूं कि डाइटिंग करके वजन कम किया जाए, क्योंकि जैसे ही आप डाइटिंग करके वजन कम करेंगे, थोड़े दिन के बाद वो और ज्यादा बढ़ जाएगा।
उपवास करके वजन कम करना दुनिया में सबसे खतरनाक तरीका है। उपवास कम करके कभी वजन कम ना करें, डाइटिंग करके कभी भी वजन ना कम करें। जब आपके पास अल्टरनेट है तो डाइटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइटिंग से क्या होता है, प्रोटीन बहुत कम हो जाते हैं शरीर में, वो फिर दूसरी तरह की कमजोरियां आपको दे जाते हैं। फिर क्या होगा कि एक तरफ आप वजन कम करते जाएंगे, दूसरी तरफ आपको ज्वाइंट पेन बढ़ता चला जाएगा, एक बीमारी से निकलेंगे दूसरी में फंस जाएंगे। तो डाइटिंग करके वजन कम कभी भी मत करिए, कभी भी उपवास रख के वजन कम मत करिए। आप भरपेट खाइए, जितना खाते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है, अगर आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम खाइए, बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी इस नियम को ध्यान रखिए, जमीन पर बैठ के खाने का, चबा चबा के खाने का, खाने के डेढ़ घंटे के बाद पानी पीने का, पानी घूट घूट करके पीने का, सुबह उठते ही पानी पीने का, ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हुए आप देखेंगे एक डेढ़ साल में आपकी बॉडी एकदम चुस्त और दुरुस्त और पहले से ज्यादा फ्रेश हो जाएगी। तो कोशिश करिए ये जो नियम मैंने बताया, जमीन पे बैठ के खाना, ये छठवां नियम है। सातवां नियम आयुर्वेद का, सातवां नियम है जो बहुत बहुत जरूरी है आप सबको जानना और समझना, वो ये है कि जब भी लंच करें, जब भी लंच के तुरंत बाद आराम करना बहुत आवश्यक है। जिनकी एज 40 प्लस है उनको तो कंपलसरी है लंच के बाद आराम करना तुरंत बाद। इसको नियम को ऐसे कहा गया है कि लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना, ये ऐसे कहा गया है, लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना, कितना भी जरूरी हो आराम करना। अब आप तुरंत बोलेंगे फिर तो वजन बढ़ेगा, वजन कब बढ़ता है ध्यान रखें, जब लंच के बाद आप 2 घंटे सो गए, 3 घंटे सो गए तो वजन बढ़ता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लंच के बाद सबको 48 मिनट सोना ही चाहिए, 48 मिनट से 50 मिनट का टाइम दिया गया, ब्रेक लेना ही चाहिए। क्यों लेना है, वो डाइजेशन के लिए। क्या बात है जो लंच के तुरंत बाद हमको लेटना चाहिए, आराम करना चाहिए। बात सीधी सी ये है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं पेट में अग्नि जल जाती है, अग्नि जो है वो सारी की सारी ब्लड की मदद से जलती है। हमारा जो ब्लड है ना बहुत गर्म है, खून बहुत गर्म है, इसी की गर्मी से रक्त में जो गर्मी है, खून में जो गर्मी है, वही गर्मी है जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो ब्लड का फ्लो जो होता है वो सभी स्टमक की तरफ आ जाता है, खाना खाते ब्रेन का ब्लड स्टमक में आ जाता है, हार्ट का ब्लड स्टमक में आ जाता है, ये नेचुरल है। अब ब्रेन का ब्लड जब स्टमक में आ जाएगा, पेट में आ जाएगा, यू एपिगेस्ट्रियम की तरफ आ जाएगा, तो ब्रेन को ब्लड कम होगा। तो ब्लड कम होगा तो कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसमें ब्रेन का यूज हो, क्योंकि ब्लड कम है उस समय, उसको आराम करने को छोड़ दीजिए ब्रेन को। हार्ट का भी ब्लड कम हो जाता है खाना खाते, तो हार्ट में ऐसी कोई काम ना हो जिससे हार्ट पर पंपिंग करने का प्रेशर आए, तो आराम करना अच्छा होता है। तो इसलिए बोला गया है कि दोपहर का खाना खाते ही आराम करें। और दूसरा एक कारण है, दोपहर को जब हम खाना खाते हैं तो सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, और सूर्य का प्रकाश शरीर को गर्म करता है, और शरीर जितना भी गर्म होगा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने ही वाला है। और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में किसी भी डॉक्टर से पूछना क्या करना चाहिए तो कहेगा आराम करना चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजी एनाटॉमी यही सिखाती है कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कुछ मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए या लेट जाइए। लेटने की एक विशेष अवस्था है दोपहर के लंच के बाद। लंच के बाद आप जब लेटें तो हमेशा लेफ्ट साइड में, ये जो आपकी लेफ्ट साइड है इस करवट लेट जाइए। लेफ्ट साइड में लेटने को आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं वाम कुक्षी। ये वाम कुक्षी की अवस्था में लेटना बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, कभी आपने विष्णु भगवान को लेटे हुए देखा हो तो वो वाम कुक्षी की ही अवस्था में लेटते हैं, हमेशा उसी पोजीशन में, उसी पोस्चर में आप लेट जाइए। इस पोस्चर में आपको अगर नींद आ गई है तो उसको छोड़ना मत, जरूर लेना, क्योंकि ये नींद बहुत कीमती है। इस नींद को पाने के लिए लोग पता नहीं कितने हजार कितने लाख लोग रुपए की गोलियां खा जाते हैं और उनको आती नहीं। अगर आपको नींद आ गई है तो बहुत सुखी आदमी है, ले लीजिए, लेकिन कंट्रोल नींद पर ये रखिए कि वो 48 मिनट से ज्यादा की ना हो।
48-50 मिनट, बहुत अधिक एक घंटा, एक घंटे के बाद उठ ही जाइए। क्यों? एक घंटे से ज्यादा सोने लगेंगे तो फिर आपको वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेद बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये है दोपहर को खाना खाते ही आराम करने का नियम। आठवां नियम है, इसका बिल्कुल उल्टा है। आठवां नियम यह है कि रात को जब भी खाना खाएं तो 2 घंटे तक आराम नहीं करना। दोपहर को खाना खाते ही आराम करना, रात को कभी भी खाना खाके 2 घंटे बाद ही आराम करना। अब आप बोलेंगे रात का क्या है? रात की बात ऐसी है कि सूर्य चला गया, चंद्रमा आ गया। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा शीतल है तो शरीर भी शीतल है, और शरीर शीतल है तो ब्लड प्रेशर लो है, और जब लो बीपी होता है तो काम ही करना चाहिए, आराम करेंगे तो फिर तकलीफ आएगी हर्ट। किसी भी डॉक्टर से आप अगर एक जनरल नॉलेज के लिए बात करेंगे, हाई बीपी में क्या करूं, तो वो बोलेगा आराम करो, लो बीपी में क्या करूं, तो तुरंत कहेगा काम करो। तो लो बीपी होता है रात को खाना खाने के बाद, तो हम थोड़ा आराम करें, सॉरी काम करें। सबसे अच्छा काम क्या है? आयुर्वेद में कहा गया है रात को खाने के बाद सबसे अच्छा काम है टहलना, वॉकिंग। कितना टहलना? कम से कम 500 कदम गिनकर, अधिक से अधिक 1000 कदम, 500 तो कम से कम। तो आप जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि इवनिंग वॉक शुरू कर दीजिए। मॉर्निंग वॉक की जगह इवनिंग वॉक शुरू कर लीजिए, खाने के बाद, भले गली में कर लीजिए, अंधेरा है लाइट नहीं है तो छत पर कर लीजिए, आपके पिछवाड़े में कर लीजिए, गिन के आपको 500 कदम चलना। जिंदगी आपकी इतने आराम से कटेगी, शाम को खाने के बाद जो इवनिंग वॉक कर लें 500 कदम 1000 कदम, इतने आराम से कटेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। मॉर्निंग वॉक के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूं? मॉर्निंग वॉक के लिए इसलिए मना कर रहा हूं कि भारत में सवेरे सवेरे हम जब सोकर उठते हैं तो शरीर में वात का प्रकोप होता है, वात वायु, और वॉक करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वायु और बढ़ता है। तो वायु का प्रकोप है, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, 80 रोगों का कारण होता है। इसलिए भारत के आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि सुबह के समय में आराम से बैठकर योग करें, प्राणायाम करें, जिसमें दौड़ भाग ज्यादा ना हो, और रात को खाने के बाद आप थोड़ा चाहें तो दौड़ भाग करें, वॉकिंग करें, फास्ट वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, मीडियम स्पेस पे करें, मीडियम स्पीड में करें, जैसे करें वॉकिंग रात को, कम से कम 1000 करें। दोपहर को खाने के बाद आराम, और रात को खाने के बाद थोड़ी देर वॉकिंग, और फिर थोड़ा कुछ इधर उधर का काम, कुछ रीडिंग, कुछ स्टडी, 2 घंटे बिता दीजिए। खाना आपने 7 बजे खा लिया तो 9 बजे तक समय निकाल दीजिए, फिर आप सोने के लिए चले जाइए, या 8 बजे खा लिया तो 10 बजे तक का समय बिता दीजिए, फिर आप सोने के लिए चले जाइए। तो ये आठवां नियम है। नवा नियम है 9th, ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है जानना, विशेष रूप से यहाँ जो माताएं आई हैं उनको तो ये बहुत जरूरी है, वैसे तो पुरुषों के लिए भी जरूरी है, भाइयों को भी जरूरी है, लेकिन माताओं से इसका कनेक्शन है सीधा सीधा। वो ये है कि जब भी आप भोजन बनाते हैं और खाते हैं, तो कभी भी भोजन में 2 चीज एक साथ ऐसी मत बनाइए जो एक दूसरे के विरोधी है, तासीर में एक दूसरे के उल्टे है। तासीर में एक दूसरे के उल्टे होने का माने कोई ठंडा है कोई गर्म है, ऐसी चीजें एक साथ मत बनाइए। कोई एसिडिक बहुत ज्यादा है कोई एल्कलाइन बहुत ज्यादा है, ऐसी चीजें एक साथ मत बनाइए। तो मैं सीधे बात पे आता हूं, ज्यादा उसको घुमाने की बजाय, कि आप जिन चीजों की एक दूसरे के विरुद्ध तासीर है उनको साथ में ना बनाए ना खाएं। जैसे दूध और दही, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। दही जो है ना एसिडिक है और दूध एल्कलाइन है, दूध क्षारीय है, दही अम्लीय है, ये दोनों साथ में नहीं खा सकते आप, खाएंगे तो जहर और आपके 20 रोगों का ये कारण बनेगा, दूध और दही साथ में खाएंगे। इसी तरह से हमारे रसोई घर में प्याज है, प्याज है।
प्याज कभी भी खाएं तो दूध के साथ नहीं खा सकते, क्योंकि समस्या फिर वही है, प्याज बहुत एसिडिक है, दूध बहुत क्षारीय है, दोनों साथ में खाएंगे तो जहर है। तो जब भी प्याज खाना है, कच्चा खाना हो या सब्जी में खाना हो, दूध की कोई चीज उसके साथ ना हो। खीर खानी है तो प्याज की कोई चीज साथ नहीं होनी चाहिए, और प्याज खानी है तो दूध की कोई सी चीज साथ में मत खाइए। प्याज के साथ जो दोस्ती है वो दही की है। दही के साथ भरपूर प्याज खाइए, दही में प्याज डाल के खाइए, प्याज में दही डाल के खाइए। हम कई बार सलाद बनाते हैं ना, दही का उपयोग करते हैं, तो प्याज दही बेस्ट कॉम्बिनेशन है सलाद का। तो दही प्याज का कॉम्बिनेशन बनाइए, प्याज दही का कॉम्बिनेशन बनाइए, दूध उसके साथ नहीं। तो दूध के साथ दही नहीं, प्याज के साथ दूध नहीं। इसी तरह से एक तीसरी चीज हमेशा याद रखिए लाइफ में, शहद के साथ घी कभी मत खाइए। घी और शहद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं अगर एक साथ खाएंगे तो। वैसे दोनों अमृत हैं, घी भी अमृत है, शहद भी अमृत है, लेकिन साथ में खाएंगे तो यही दोनों जहर है। तो घी और शहद नहीं खाइए। इसी तरह से उड़द की दाल, काली वाली उड़द की दाल दही के साथ कभी मत खाइए। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनने में गलती मत करना आप इसको। काली वाली उड़द की दाल दही के साथ कभी मत खाइए। हाँ, माँ की दाल, पंजाब में आप सब लोग उसे माँ की दाल कहते हैं। माँ की दाल अकेले खानी है, दही उसके साथ नहीं। क्यों नहीं? माँ की दाल के साथ कभी भी दही मैंने खा के देखा, आयुर्वेद में तो मैंने ये 12 साल पहले पढ़ा था, बहुत दिन मैंने खा के देखा, 5-6 महीने, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन जब भी माँ की दाल के साथ दही खाया बीपी हाई हो गया, जब भी खाया। तो मेरा आप सभी माताओं को विशेष निवेदन है कि दही बड़ा अगर उड़द की दाल का बड़ा है तो दही के साथ मत खाइए उसको। मूंग की दाल का बड़ा दही के साथ खाइए। मूंग की दाल दही के साथ खा सकते हैं, अरहर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, तुअर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, मसूर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, चने की दाल की दही से बहुत अच्छी दोस्ती है, खेसारी की दाल दही के साथ खा सकते हैं, सोयाबीन की दाल दही के साथ खा सकते हैं। एक ही दाल है भारत में और दुनिया में, उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, माँ की दाल, जिसको दही के साथ नहीं खाया जाता। कारण एक और है उसका, ये माँ की दाल जो है ना सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली है दुनिया में। अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर आप निकालेंगे तो माँ की दाल में ही है। और हाई प्रोटीन डाइट का नियम ये है कि उनको किसी भी एसिडिक चीज के साथ नहीं खाया जाए, क्योंकि हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा समय लगता है, और कोई भी एसिडिक चीज है वो हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में रुकावट पैदा करती है। तो माँ की दाल के साथ दही नहीं खाना, बाकी किसी भी दाल के साथ दही खाई। फिर आप पूछेंगे कि कोई इमरजेंसी हो जाए, दही भी खाना है माँ की दाल भी खानी है, तो दोनों के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस कर दीजिए। माँ की दाल खा के 1 घंटे बाद दही खा सकते हैं, या दही खाने के 1 घंटे के बाद माँ की दाल खा सकते हैं। इसके आगे का एक नियम है जो बहुत जरूरी है आप सबको फॉलो करना, वो ये कि कभी भी दही को नमक के साथ मत खाइए। माँ की दाल के साथ लस्सी 1 घंटे बाद, दही को कभी भी नमक के साथ मत खाइए। दही को हमेशा मीठी चीजों के साथ खाइए, दही को शक्कर के साथ खाइए, दही को गुड़ के साथ खाइए, दही को बूरे के साथ खाइए, दही को खांड के साथ खाइए, दही कभी भी नमक के साथ। क्यों? मैं आपको एक छोटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता हूं। आप बाजार में जाइए, कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान से एक लेंस खरीद लाइए, छोटी चीजों को बड़ा दिखाने वाला जो लेंस होता है, मिल जाता है 10-12 रुपए का आएगा, एक दिन लाके अपने दही पे लगा के देखिए, तो इतने बैक्टीरिया दिखाई देंगे आपको जो करोड़ों की संख्या में। दही के ऊपर लगा के देख लीजिए, वो इधर जाते हुए उधर जाते हुए घूमते हुए टहलते हुए दिखेंगे, ये सब जीवित हैं। और शरीर को ये चाहिए सब जीवित अवस्था में चले, क्योंकि ये बैक्टीरिया दही के साथ जब हम खाते हैं तो अंदर जाके हमारे जो एंजाइम सीक्रेशन है उसको ये बैक्टीरिया बहुत मदद करते हैं। तो दही हम खाते हैं बैक्टीरिया के लिए, जीवाणुओं के लिए दही खाते हैं। दही को आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है जीवाणुओं का घर, और एक दो नहीं करोड़ों,
एक कप दही में अगर कैलकुलेट करेंगे 1 करोड़ से ज्यादा जीवाणु। अब होता क्या है कि ये 1 कप दही में जो 1 करोड़ जीवाणु है ये जीवित आपने खा लिए तो बहुत अच्छा है, शरीर को बहुत काम आने वाले, लेकिन उसी 1 कप दही में 1 चुटकी नमक आपने डाला 1 मिनट में सारे जीवाणु मर जाएंगे, 1 ही मिनट लगता है उनको मरने। अब वो मर गए तो आपने दही नहीं खाई है, जीवाणुओं की लाश खाई है, वो दही नहीं रह गया, वो जीवाणुओं की लाश हो गया। अब वो अंदर गया तो दही के नाम पे आपने खा तो लिया लेकिन उसके जो फंक्शन है बॉडी के लिए वो काम नहीं आने वाले। बहुत अच्छा सवाल है कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। थोड़ी देर में मैं बात करूंगा जीवाणुओं पे, तब इसमें से क्लेरिफाई हो जाएगा। अभी जो बात चल रही है वो ये कि 1 चुटकी नमक डालते ही 100 किलो दही के सारे जीवाणु मर जाते हैं 1 चुटकी। हाँ ये बात सही है, दुनिया में कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है। हम थोड़ी देर में इस पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। दही में 1 चुटकी नमक डालते ही सब मर जाते हैं क्योंकि नमक के जो केमिकल्स हैं वो जीवाणुओं के दुश्मन है सारे के सारे। नमक के सारे केमिकल्स जीवाणुओं के दुश्मन है, इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि दही में कोई ऐसी चीज मिलाई हो जो जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाए, मारे नहीं, खत्म ना करे। इसलिए कहा गया है दही को गुड़ के साथ खाइए, गुड़ डालते ही जीवाणुओं की संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई 1 करोड़ से 2 करोड़ पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर गुड़ मिला के रख दीजिए, इतनी तेज उनकी ग्रोथ है। दही में बूरा डाल दीजिए, बूरा समझते हैं, तो दही में बूरा डाल दीजिए, मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होता है कि कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता। एक दिन आप ये कर लीजिए मेरे कहने पर, 15 रुपए का लेंस आएगा, लाइए, खर्चा करिए, सवेरे से शाम तक ये एक्सपेरिमेंट करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवाणु कितनी तेज मल्टीप्लाई करते हैं मीठी चीज डालिए। चीनी भी डालें तो भी मल्टीप्लिकेशन होता है, गुड़ डालें तो और ज्यादा होता है, बूरा डालने पर सबसे ज्यादा होता है। और एक मिश्री आती है, मिश्री वो पीस के दही में डाल दीजिए तब तो अद्भुत होता है, सोने में सुहागा। भगवान कृष्ण दही को मिश्री के साथ ही खाते थे। तो आप जो है दही को खाने का नियम तरीका थोड़ा बदलिए। मैंने पंजाब में बहुत लोगों को देखा दही में नमक डाल के खाते हैं या लस्सी में नमक डाल के। ये लस्सी नमक के साथ नहीं खाई जाती, गुड़ के साथ खाई जाती है, खांड के साथ खाई जाती है, चीनी के साथ खाई जाती है। मुझे पुराने समय का याद आता है कि हम लोग हमारे मामा के घर जाते थे दही बूरा खाने के लिए, दही नमक खाने के लिए कभी कोई कहीं नहीं जाता, दही बूरा खाने जाते थे। और दावतें होती थी गांव में तो दही के साथ बूरा ही डाला जाता था, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे वो सब। अब शुगर जो है वो आपकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो तो पूरे देश की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने के तरीके मैं बता दूंगा, वो आप करते हुए दही को इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दही के लिए विशेष मैं आपसे कह रहा हूं कि दही में नमक नहीं। और इसी तरह का और एक नियम है वो ये कि दूध खाते हुए या दूध पीते हुए कोई भी नमक की चीज ना हो। दूध और नमक की भी दोस्ती नहीं है, दही और नमक की भी दोस्ती नहीं। अगर कोई चीज दूध की खा रहे हैं तो नमक की चीज ना हो, नमक की चीज खा रहे हैं तो दूध की चीज ना हो। अब आप कहेंगे इट इज हाईली इम्पॉसिबल, ऐसे इम्पॉसिबल है कि खीर खानी है और सब्जी ना हो, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मेरा तो आपको रिक्वेस्ट है कि खीर खानी है तो रोटी खीर खाइए या पूड़ी खीर खाइए, खीर को पूड़ी के साथ खाइए, खीर को रोटी के साथ खाइए, सब्जी ड्रॉप कर दीजिए उस दिन, बहुत अच्छा होगा। नहीं कर सकते हैं तो आयुर्वेद ने उसका एक रास्ता निकाला, वो रास्ता ये दिया उन्होंने कि अगर आप दूध को नमक के साथ खाना चाहते हैं या दूध की चीज के साथ नमक की चीज भी खाना चाहते हैं तो नमक बदल दीजिए अपने घर का। नमक लाइए सेंधा, जिसको हम पाकिस्तानी नमक कहते हैं, लाहौरी नमक कहते हैं, वो नमक खाइए। अब आप बोलेंगे इसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। एक तो नमक बनता है समुद्र के पानी से, जिसको आदमी बनाता है, जो आजकल आपके घर में आता है, ये बाजार से जो आप नमक लाते हैं ना आयोडीन युक्त, ये सब समुद्र के पानी का नमक है। और एक नमक है जो भगवान बनाता है, ईश्वर बनाता है, वो वही नमक है जिसको लाहौरी नमक कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं, कुछ लोग उसको
उपवास का नमक भी कहते हैं, फरारी नमक कहते हैं, वो उपवास में इस्तेमाल करने वाला नमक है। दोनों नमक को लेबोरेटरी में जब टेस्ट किया हम लोगों ने, बहुत काम किया इस नमक पे हम लोगों ने, रिसर्च करके टेस्टिंग कर करके, तो पता चला कि जो समुद्र का नमक है, समुद्र पानी का नमक है, इसमें शरीर के काम आने वाले 3 या 4 ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। 3 से 4, कभी कभी 3 रहते कभी 4 रहते। और ये जो समुद्र के नमक को छोड़कर हम सेंधा नमक खाना शुरू करें, पाकिस्तान वाला, लाहौर वाला या उपवास वाला, उसमें 94 तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 94। अब आप देख लीजिए फायदे का सौदा क्या है। ये नमक है जिसमें 3 से 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नमक है जिसमें 90 से 94 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप सीधे कहेंगे हमको तो वही चाहिए, वही नमक सबसे अच्छा। और मैंने इस पे थोड़ा काम किया तो पता ये चला कि जब हम समुद्री पानी का नमक खाते हैं तो शरीर के सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते, क्योंकि वो शरीर को अनुकूल नहीं पड़ता, क्योंकि समुद्र का पानी ही अनुकूल नहीं है किसी को। समुद्र के पानी को शुद्ध करने की ताकत तो भगवान और ईश्वर और वाहेगुरु के ही पास है, और किसी के पास नहीं, आदमी तो नहीं कर सकता। ये समुद्र का पानी जब धूप पड़ती है वेपराइज्ड होता है, बादल में बदलता है, बादल फिर बरसता है, पानी आता है, वो जो साइकिल है वो ईश्वर की, प्रकृति की साइकिल है, हमारी नहीं, वो ही कर सकता, हम नहीं कर पाते। लेबोरेटरी में कितना भी हम शुद्ध करें वो नहीं आ पाता। और दूसरी जानकारी कि सारे नमक समुद्र वाले ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले हैं। समुद्र के पानी का जितना नमक खाएंगे ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ेगा आपको। और आजकल ब्लड प्रेशर एक कॉमन डिसीज हो गई है, जो किलर है, किसी को भी मार डाले। हर दूसरे तीसरे आदमी को पूछ लो तो कहता बीपी हाई है। उसका सबसे बड़ा कारण है नमक जो हमारे घर में है। मैं आपको और एक ऐतिहासिक जानकारी देना चाहता हूं, सुन के आपको खराब जरूर लगेगा लेकिन वो सच है। वो ये है कि ये समुद्र के पानी का नमक हम भारतवासियों ने मात्र 70 साल पहले से खाना शुरू किया है। 70 साल पहले कोई भारतवासी समुद्र के पानी का नमक नहीं खाता था, हम सब सेंधा नमक आयोडीन के नाम पर। अब समस्या इसमें एक आती है, वो ये कि हमको आयोडीन की डिफिशियंसी है नहीं, क्योंकि हम आधा कटोरी दाल रोज खाते हैं, फिर हम एक्स्ट्रा आयोडीन वाला नमक खाएंगे तो आयोडीन जरूरत से ज्यादा शरीर में हुआ तो समस्या आती है। और वो समस्या क्या आती है, सबसे बड़ी समस्या आती है नपुंसकता की। सरप्लस आयोडीन जितना भी शरीर में आएगा आपको लगातार नपुंसक बनाता जाएगा, इम्पोटेंसी आप में आएगी। और हमारे देश में ये केसेस अब आने लगे हैं। मैं तो डॉक्टर की तरह से भी काम करता हूँ पिछले 12 साल से, और ट्रीटमेंट देता हूँ, निशुल्क देता हूँ, फोकट में चिकित्सा करता हूँ, इसलिए बहुत पेशेंट होते हैं मेरे पास। ऐसे हजारों पेशेंट हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा। मैं दोनों की रिपोर्ट निकलवाता हूँ, पति की पत्नी की, कहीं कोई मुझे कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आता। लास्ट में फिर मैं डायग्नोसिस करते हुए आयोडीन का चेक करवाता हूँ तो उनके ब्लड में जरूरत से ज्यादा आयोडीन मिलती है। जरूरत से ज्यादा आयोडीन ब्लड में अगर है तो ये क्या करेगी, आपके स्पर्म काउंट कम कर देगी अगर आप पुरुष हैं तो, और अगर स्त्री है तो आपका ओव्यूलेशन का काम खत्म कर देगी, और फिर आप मां या पिता नहीं बन पाएंगे। ऐसे हजारों केस आते हैं। फिर मैं क्या करता हूं, जब मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लगता, आयोडीन सरप्लस दिखता, मैं उनको कह देता हूं नमक बदल दो, आप ये सेंधा नमक खाना शुरू करो, काला नमक खाना शुरू। 1 साल के बाद वो आते हैं कहते हैं बच्चा तो हो गया, 1.5 साल में आके कहते हैं बच्चा तो हो गया। फिर वो मुझे कहते हैं आप तो बड़े चमत्कारी आदमी हैं। मैं कहता हूँ मेरा कोई चमत्कार नहीं है, आप में बड़ी सिद्धि है, ऐसी बातें करना शुरू कर देते। मैं कहता हूँ ये मेरा चमत्कार नहीं, नमक का चमत्कार है। इतनी सिंपल सी बात है। किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी लेवल कम हो रही है, सेक्स पावर कम हो रही है, आप सिंपल इतना ही करो, नमक चेंज कर दो। आप नमक चेंज करते ही आप देखना आप में चेंजेस आएंगे, मिरेकुलस। तो नमक का हमारे देश में आज के जमाने में टीवी का हैमरिंग कर करके, विज्ञापन कर करके हमारा ऐसा दिमाग खराब किया है कि हर व्यक्ति को लगने लगा आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो मेरा बेटा ऐसा पैदा होगा जैसा उसका टीवी में दिखाते हैं।
या आयोडीन नमक नहीं खाएंगे तो मेरा गला ऐसा हो जाएगा जैसा टीवी में दिखाते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने कभी नहीं खाया, मुझे ना दिमाग खराब है, ना कोई गहंगा रोग है, ना कोई तकलीफ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप ये विज्ञापनबाजी में मत जाइए, ये तो सरकार के विज्ञापन है और सरकार के विज्ञापन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ है। स्वार्थ क्या है इसमें? नमक बनता है समुद्र का 15 पैसे किलो, आप जानते हैं, क्योंकि उसको बनाने में खर्चा कुछ नहीं है। समुद्र का पानी है, मुफ्त का है, सूरज की रोशनी है वो भी मुफ्त की है, मशीन कोई लगती नहीं। 15 पैसे किलो का नमक बिकता बनता है। अब उसको बेचना है 10 रुपए किलो, तो कैसे बिकेगा? तो कुछ उसमें शिगुफा लगाना पड़ेगा। तो वो बताना शुरू करते हैं, आयोडाइज्ड है, आयोडीन युक्त है, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो है, ये सब आपको बोल बोल के उल्लू बनाते हैं। नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो है, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो माने वो दाना दाना गिरता है। मैं आपको जो किस्सा समझाना चाहता हूं वो ये, दाना दाना नमक गिरना ही नहीं चाहिए, नमक कभी भी एक्स्ट्रा फ्री फ्लो होना नहीं चाहिए, नहीं तो वो नमक नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा फ्री फ्लो करने के लिए पता है क्या किया जाता है? नमक की जो नमी है उसको निकाला जाता है, और नमक की क्वालिटी है कि वो नमी को एब्जॉर्ब करता है। खुला हुआ नमक यहां रख दो, सूखा हुआ, 10 मिनट के बाद आप देखेंगे वो गीला गीला हो जाएगा। वातावरण में जितनी भी ह्यूमिडिटी है उसको वो खींचता है, इसी की क्वालिटी है नमक की। अब वो नमी को निकालने के लिए केमिकल डालते हैं, उसका नाम है एल्यूमिनियम सिलिकेट, और ये केमिकल और भी खतरनाक। एक तो डाल दिया पोटेशियम आयोडेट जो इनऑर्गेनिक है, ऊपर से डाल दिया एल्यूमिनियम सिलिकेट उसको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाने के लिए। ये दोनों समस्याएं हमारे शरीर को बहुत कॉम्प्लिकेशन दे रही है। अब मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं जो आपको होनी ही चाहिए। यूरोप और अमेरिका में एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक की जरूरत है, उनको जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनके यहां सब्जी बनाना किसी को नहीं आता, वो बनी बनाई सब्जी लाते हैं जो पैकेट में आती है, डब्बा बंद आती है, और बनी बनाई सब्जी में नमक मिला के पैकेट नहीं बना सकते कि नहीं तो खराब हो जाती है। तो वो बिना नमक की सब्जी बना के पैकेट में बंद करके अमेरिका में बेचा जाता, कनाडा में बेचा जाता, यूरोप में बेचा जाता। अब उस सब्जी को खाने के लिए जब प्लेट पे डालेंगे तो ऊपर से नमक डालना पड़ता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल उल्टा है, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर नहीं है जिसको सब्जी बनाना ना आता हो, अमेरिका में ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसको सब्जी बनाना आता हो। वो प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन सब्जी बनाना किसी को नहीं आता। रोटी बनाना नहीं आता, पराठा बनाना नहीं आता, पूड़ी बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता उनको। तो इस टेक्नोलॉजी में हम ही मास्टर हैं और कोई नहीं। हाँ, कुछ आते ही नहीं है, वो तो बाजार से पाव रोटी खरीद लाते हैं, डबल रोटी खरीद लाते हैं, उसको ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, बीच से काट लो, उसमें कुछ भर लो, खा लो। हालांकि वो बनती गेहूं के आटे से ही है, हम भी गेहूं के आटे से पूड़ी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, ये बनाते हैं, हम 100 आइटम बनाते हैं गेहूं के आटे से, उनको एक ही आइटम बनाना आता है, वो पाव रोटी डबल रोटी, वो भी सड़ाकर, फर्मेंटेशन कराकर, 6-6 दिन सड़ाना पड़ता है आटे को मैदा बना के, तब वो बनती है। तो उनकी प्रॉब्लम है सब्जी बना नहीं सकते, दाल बना नहीं सकते, आती है नहीं, टेक्नोलॉजी उनको किसी ने बताई नहीं, उन्होंने कभी ली भी नहीं दोनों की दुनिया के किसी देश से, तो उनको ऊपर से नमक डाल के खाना पड़ता है। सलाद में डालेंगे, सब्जी में डालेंगे, तो उनको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो चाहिए। हमारे यहाँ तो उल्टा है, हम तो सब्जी बनाते समय नमक डालते। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? हम सब्जी बनाते समय नमक डालते, हमको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ दाल बनाते हुए नमक डाला जाता है, सब्जी पकाते हुए नमक डाला जाता है, हम सब्जी बनने के बाद नमक डाल के नहीं खाते कभी। हम सब्जी बनाते हुए नमक डालते हैं, उसमें बॉइलिंग आता है, उबाल आता है, फिर जाके हम वो सब्जी खाते हैं। तो हमको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार हमको भी जबरदस्ती वो नमक खिला रही है एक्स्ट्रा फ्री फ्लो के नाम पर। तो हमारे शरीर में एल्यूमिनियम सिलिकेट पड़ता जा रहा है, और उसके कारण लंग्स इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि एल्यूमिनियम सिलिकेट बहुत खराब केमिकल है। एल्यूमिनियम का ही नाम आप जानते हैं, वो बहुत खराब है, हैवी मेटल है, वो सब डिपॉजिट होता है, फ्लश आउट नहीं हो सकता बॉडी से। इसलिए मेरी आप सबको हाथ जोड़कर विनती है कि जो जिंदगी भर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो नमक तो आज से ही बदल दीजिए। आपके फीका खाइए तो बहुत ही अच्छा, मीठा दही है,
ताजा दही है, खट्टापन नहीं आया है तो फीका खा लीजिए, थोड़ा खट्टापन आया है तो गुड़ डाल के खाइए, चीनी डाल के, शक्कर डाल के। तो जी हाँ, मैं अभी आगे आ रहा हूँ। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में आगे आ रहा हूँ इसी नियम पे। तो अभी तक मैंने 9 नियम बताए हैं, नवा नियम रिपीट कर रहा हूँ कि दो वस्तुएं एक दूसरे के विरोधी हैं तो साथ में नहीं खाना, दूध दही साथ में नहीं खाना है, दही नमक साथ में नहीं खाना है, दूध और प्याज साथ में नहीं खाना है, दही के साथ अगर मीठा खाएंगे तो सबसे अच्छा है, दूध के साथ अगर नमक खाएंगे तो सेंधा नमक ही खाना है, काला नमक ही खाना है, नहीं तो आप हमेशा के लिए भूल ही जाइए ना, नमक ही बदल दीजिए तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, मुझे समझाने ही नहीं पड़ेगा। इसके आगे दो तीन चीजें छूट गई हैं, खट्टे फलों के साथ कभी भी दूध नहीं खाना है। खट्टे फल संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, ये सब खट्टे फल है, सिट्रिक, इन फलों के साथ कभी भी दूध नहीं, इनके साथ हमेशा दही लस्सी आदि आदि ले सकते हैं, खट्टे फलों के साथ दूध नहीं खाना है। आम एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आम जो है ना एल्कलाइन है, आम एसिडिक है नहीं, आम जब तक खट्टा है माने कच्चा है तो एसिडिक है, पकने के बाद वो एल्कलाइन हो जाता है, इसलिए आम और दूध तो खा सकते हैं, बाकी खट्टे फल को याद रखिए, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, ये दूध के साथ नहीं खा सकते। और एक चीज जी, सेब खा सकते हैं दूध के साथ, क्योंकि सेब सिट्रिक नहीं है, सेब एक्चुअली एल्केलाइन है तो वो दूध के साथ खा सकते हैं, गाजर है, सेब है, दोनों एल्केलाइन है, मूली एसिडिक है, मूली दूध के साथ नहीं खा सकते, गाजर दूध के साथ खा सकते हैं, सेब दूध के साथ खा सकते हैं, चीकू दूध के साथ खा सकते हैं, केला दूध के साथ खा सकते हैं, जो एसिडिक चीजें हैं वो दूध से अवॉइड करिए, दूध के साथ मत लीजिए। और एक छोटी सी बात इसी में जोड़नी है, कटहल की सब्जी कभी भी खाएं तो उसके साथ दूध मत खाइए, ये एक ही एक्सेप्शन है, कटहल एसिडिक नहीं है, कटहल एल्केलाइन है, फिर भी वो दूध के साथ वर्जित है, ये एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन का कारण ये है कि कटहल का वही किस्सा है, हाई प्रोटीन है बहुत ज्यादा, उसको डाइजेस्ट होने के लिए डिस्टर्बेंस होता है दूध से, इसलिए आयुर्वेद में कह दिया गया हटाइए इसको, अलग अलग खाइए, दूध खाइए अलग, कटहल अलग खाइए। और एक दो चीजें हैं इसी क्रम में कि किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या नहीं खाएं। घर में कभी भी आप कोई ऐसी चीज बनाएं जो तासीर में गर्म है, उसके साथ ठंडी चीज कोई ना हो। जैसे आजकल मैंने देखा है हम गरम गरम खाना खा के आइसक्रीम जरूर खाते, अपना सत्यानाश करते, और ये सत्यानाश कैसे होता है, कोई आपको शादी में बुलाता है इनविटेशन देके कि आइए और हमारे यहाँ गरम डिनर खा के आइसक्रीम खा के मर के जाइए, और एक नहीं खाइए डबल खाइए। और मैंने तो पंजाब में ऐसे भी महान महान लोग देखे हैं कि आइसक्रीम में गरम रसगुल्ला डाल के खाते, महामूर्ख लोग पता नहीं कहां से आए, गरम गरम रसगुल्ला एकदम ठंडे आइसक्रीम में डाल के खाते, फिर पूछो भाई क्या कर रहे हो तो कहते टेस्ट है जी, शरीर का देखना है कि टेस्ट का देखना है। तो आप कहीं भी डिनर में जाइए, मैं ये नहीं कहता डिनर में मजा जरूर जाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर डिनर गरम गरम आपने खा लिया है तो ठंडी आइसक्रीम मत खाइए। और कई लोग पंजाब में ऐसे हैं याद ही नहीं रखते, अभी चाय पी अभी आइसक्रीम खा ले, हाँ उनको बिल्कुल एक मिनट नहीं लगता, चाय पी के निकले कहीं आइसक्रीम खा के आ गए, आइसक्रीम खा के आ गए इधर चाय पी ली या इधर कॉफी पी ली। तो चाय और कॉफी दोनों गर्म है और आइसक्रीम बहुत ठंडी है, इनका कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत तकलीफ होती है शरीर को। एक घंटा कम से कम गर्म चीज खाने के एक घंटे के बाद ठंडी चीज, या ठंडी चीज खाने के एक घंटे के बाद गर्म चीज। और वैसे मैंने कल आपको सूत्र बताया था, ठंडा कुछ खाना ही नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम तो 10 डिग्री से कम की है, वो शरीर को तकलीफ ही देने वाली है। तो आप बोलेंगे फिर आइसक्रीम को कैसे खाएं, गर्म करके खाइए, अगर आइसक्रीम खानी है तो उसको गर्म करिए फिर खाइए। मैं एक अमृतसर गया था एक बार, तो अमृतसर में एक बहुत अच्छी चीज शायद यहाँ भी होगी, कुल्फी, ये जो कुल्फी है इसको थोड़ा गर्म करके खा लीजिए, आइसक्रीम से बेटर है, 1000 times बेटर है। क्यों? हाँ रबड़ी खाइए ना,
तो कुल्फी वो शायद रबड़ी की ही बना, खूब दूध गर्म करके रबड़ी जैसा हो जाता फिर कुल्फी जमाते, तो कुल्फी को थोड़ा गर्म करेंगे तो रबड़ी जैसा ही हो जाता, वो खाने लायक है। गरम माइक्रोवेव में कर सकते हैं? माइक्रोवेव से अच्छा है गैस का चूल्हा। तो आप जो है रबड़ी खाइए, आइसक्रीम छोड़ दीजिए, कुल्फी पे आ जाइए और कुल्फी को हल्का गर्म करके खाइए, वो आपके लिए बहुत मुफीद है। कारण एक ही है कि आइसक्रीम में जितने केमिकल्स हैं कुल्फी में एक भी नहीं, कुल्फी में दूध ही दूध है, वो भी अच्छे से गर्म किया हुआ है, बस उसको ज्यादा ठंडा कर दिया तो वो जम गया है, आप उसका ठंडापन निकाल के खा लीजिए, थाव करके खा सकते हैं। और नहीं तो एक आखिरी ऑप्शन बताता हूं, खाना ही है आपको तो मेरा ये कहना है कि उसको सलीके से खाइए। जैसे आप कुल्फी खा रहे हैं ना, तो उसका तरीका ये है कि पहले उसको मुंह में रखिए थोड़ी देर, कुल्फी का टुकड़ा काट के मुंह में रखिए और उसको घुमाइए, तो जो लार है वो उसको अपने आप गर्म कर देगी, जब हल्की गर्म हो जाए फिर अंदर ले जाए। ये लास्ट ऑप्शन है, जब खानी ही है तो मेरी बात तो मानिए, उसको गर्म करके खाइए, खानी ही है तो थोड़ी देर मुंह में रखिए, उसको घुमाइए, थोड़ी लार से वो गर्म हो जाएगी, फिर आ जाए। अभी लास्ट आज का आखिरी नियम, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर। आखिरी नियम है जो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देगा, और ये नियम भी हमारी माताओं को जानकारी होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में बड़ा जोर देकर बार बार रिपीटिशन करके ये नियम बताया गया, जो शायद बहुत महत्व का है इसलिए रिपीटिशन बहुत हुआ है। भोजन को बनाते समय जो भी पात्र का इस्तेमाल आप करते हैं वो खुला रहना चाहिए। भोजन को बनाते समय जो भी पात्र का हम इस्तेमाल करते हैं वो पात्र खुला होना चाहिए, भगोना होना चाहिए, कढ़ाई होनी चाहिए, खुला रहना चाहिए। क्यों? तो उसके आगे का नियम है कि भोजन को बनाते समय पकाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श होना बहुत जरूरी है, बनते हुए भोजन को, पकते हुए भोजन को, सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श। अब सूर्य का प्रकाश, आजकल हमारे घरों में चूल्हे खत्म हो गए, पहले गांव में चूल्हे होते थे, आज भी हैं, तो खुले में होता है ना चूल्हा, तो सूर्य के प्रकाश की संभावना पूरी है। और वो अलग से बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम तंदूर कहते हैं, तंदूर भी खुले में बनाते हैं तो वहां भी सूर्य का प्रकाश आना संभव है। तो खुले में अगर खाना बन रहा है तो सूर्य का प्रकाश आएगा, वो पक्की बात है। नहीं तो कवर्ड एरिया में बना रहे हैं तो खुला रखिए ताकि पवन जा सके, उसमें हवा जा सके, प्राणवायु जा सके। प्राणवायु माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माने आग, सीधी सी बात, आग है ऑक्सीजन। तो बनते हुए खाने को आग की ही जरूरत है, वो ऑक्सीजन से ही मिलती है उसको, इसलिए जितना खुला रहेगा भगोना या कढ़ाई उतनी ज्यादा ऑक्सीजन, उतनी ज्यादा प्राणवायु जाएगी और भोजन जो पकेगा वो बहुत अच्छे से पकेगा। नीचे से आग लग रही है वो अग्नि की है, ऊपर से आग है वो ऑक्सीजन की है, वो कंप्लीट डाइजेस्ट होगा क्योंकि कंप्लीट उसका कुकिंग होगा। इसका सीधा सा मतलब एक ही है, प्रेशर कुकर में खाना मत बनाइए क्योंकि वो खुला हुआ नहीं है। प्रेशर कुकर चारों तरफ से बंद है, ना उसमें पवन जा सकता है ना प्रकाश जा सकता है, उसमें से पवन बाहर तो आ सकता है, बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कुकर का खाना क्वालिटी में सबसे खराब होता है। हम लोगों ने इस पर कुछ काम किया, कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ये समझने के लिए कुकर में दाल बनाई और भगोने में दाल बनाई, दोनों को टेस्ट किया तो पता चला कि कुकर की दाल के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है ही नहीं ज्यादा, और खुले हुए भगोने की बनाई हुई दाल के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुकर से ज्यादा। कढ़ाई में दाल बनाई, कढ़ाई में सब्जी बनाई, और कुकर में दाल बनाई, कुकर में सब्जी बनाई, दोनों की क्वालिटी में अंतर आ जाता है। दो कारण से, एक तो कुकर में पवन नहीं गया, प्रकाश नहीं गया, दूसरा कुकर जो है वो एल्यूमिनियम का है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है खाना बनाने के लिए और खाने के लिए। एल्यूमिनियम का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ हवाई जहाज बनाने के लिए, मिसाइल्स बनाने के लिए, चंद्रयान बनाने के लिए, रॉकेट्स बनाने के लिए, क्योंकि इसको प्रेशर बर्दाश्त करने की ताकत बहुत है एल्यूमिनियम को। और हवाई जहाज 35,000 फीट पे उड़ता है तो एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, अगर स्टील का हवाई जहाज बनाएंगे तो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। एल्यूमिनियम हवाई जहाज बनाने के लिए बहुत अच्छा मेटल है, मिसाइल बनाने के लिए अच्छा है, यान बनाने के लिए अच्छा है,
ये खाना बनाने के लिए अच्छा मेटल नहीं है क्योंकि हैवी मेटल है, बॉडी में जाएगा तकलीफ करे। सोलर कुकर में अगर आपके ये जो यूटेंसिल्स हैं पात्र अगर वो एल्यूमिनियम के नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि सोलर कुकर में भी एल्यूमिनियम के ही पात्र आजकल रखने में। मैंने एक सर्वे किया था मेरे जीवन में, जिस दिन से मुझे ये बहुत तकलीफ हो गई, इसलिए मैं सबको बोल के कहता हूँ, ये 1000 गरीब मरीज मेरे पास ऐसे हैं जो दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, 1000 से ज्यादा है, और कई साल से ट्रीटमेंट उनका चलता है, धीरे धीरे ठीक होता है, आप जानते हैं टीबी जल्दी ठीक नहीं होती। उनके घरों में जा के मैंने देखा क्या होता है भाई, क्यों इनको टीबी है, क्यों अस्थमा है, क्यों दमा है, ना सिगरेट पीते ना बीड़ी पीते ना तंबाकू खाते, तो घरों में जाके देखा तो रोज एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना बनाते और खाते। क्यों? तो कहते जी सस्ता है। बात तो सही है, सस्ता है, उनको बाकी मेटल्स बहुत महंगे पड़ते हैं, तो चूंकि सस्ता है इसलिए एल्यूमिनियम का वो बर्तन लाके खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, और उसका अंतिम दुष्परिणाम है टीबी से मर रहे हैं। इधर पैसे बचाए, उधर अपना जीवन गवाए। और मैं आपको थोड़ा एक हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करना चाहता हूं कि एल्यूमिनियम के बर्तन भारत में खाने पीने के काम में कब से आए। अंग्रेजों की जब यहां सरकार चलती थी इस देश में, तो अंग्रेजों के देश में एल्यूमिनियम का आविष्कार हुआ 18th century। उसके बाद उन्होंने हवाई जहाज वगैरह बनाया 1905 में। उस समय अंग्रेजों को किसी वैज्ञानिक ने बताया उनके देश के कि ये खाने पीने के लिए बहुत खराब है, बाकी के लिए अच्छा है। तो अंग्रेजों ने भारत के लिए कानून बना दिया कि भारत की जेलों में जितने क्रांतिकारी बंद हैं सबको एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना दो ताकि जल्दी मरे। हमारे जो क्रांतिवीर थे अंग्रेजों के लिए वो सब आतंकवादी थे, भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला, तात्या टोपे, ये सब हमारे लिए क्रांतिकारी थे, देश की आजादी लाने वाले। अंग्रेजों के लिए वो सब खतरनाक लोग थे, तो अंग्रेज चाहते थे कि जेल में बंद करके इनको मारा जाए और स्लो पॉइजन लेके मारा जाए, पता भी ना चले और मर भी जाए। तो उनके लिए उन्होंने एल्यूमिनियम के बर्तन लाए, और तब से भारत की जेलों में कानून आ गया कि जो जेल का कैदी है उसको एल्यूमिनियम के पात्र में ही चाय मिलेगी, एल्यूमिनियम के पात्र में ही पानी मिलेगा, उसी में रोटी खानी पड़ेगी, उसी में सब। और आज तक वो कानून हमारी जेलों में चला आ रहा है। अंग्रेज तो चले गए 1947 में, लेकिन वो कानून अभी भी है। अभी भी जेल में आप जाएंगे तो हमारे भाई बंदे जो कैदी बन के वहां हैं उनको एल्यूमिनियम में ही खाना है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, जेलर हैं, मैं रोज बहुत उनको बोलता हूँ कि इसको बदल दो, अंग्रेजों के जमाने का नियम था, अब तुम बदल दो। तो वो कहते हैं कि ये हम नहीं बदल सकते, ये संसद बदलेगी। तो संसद में बैठे हुए लोगों को बताओ, समझाओ, तो कहते हैं आप समझाओ, मैं क्यों समझाऊं, सुपरिंटेंडेंट कहता है, जेलर कहता है, मैं क्यों बताऊं, आप बताओ ना। और फिर वो अंत में कहता है आप ही संसद में जाओ ना और जाके इस कानून को बदलो। माने मैं आपको जो इनसेंसिटिविटी बताना चाहता हूँ हमारी सरकार की, कि आजादी के 60 साल के बाद भी ये नियम कायदा कानून बदला नहीं गया इस देश में। एल्यूमिनियम के बर्तनों में आज भी वहां खाना बट रहा है और वो आज भी टीबी और अस्थमा और दमा से मर रहे। अंग्रेजों के जमाने में तो क्रांतिकारियों को होता ही था ये दुर्व्यवहार। तो मेरी आपको विनती है कि आपके घर में कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन तो कभी मत लाए। कुकर तो जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। फिर आप कहेंगे कि उसमें समय कम लगता है, मैंने उसका भी कैलकुलेशन किया, कुकर में दाल बनाने में 10 मिनट लगता है और भगोने में दाल बनाएंगे तो उसमें 25 मिनट लगता है, बस इतना ही अंतर है। 15 मिनट आप बचाते हैं एक दिन में, तो महीने का, फिर साल का, फिर 100 साल का कैलकुलेशन मैंने किया, तो जितना समय आप बचाते हैं उतना आपका हॉस्पिटल में चला जाता है जब आप दमा के मरीज हो जाते हैं या अस्थमा के मरीज हो जाते हैं या टीबी के मरीज हो जाते हैं, और वो समय बचाया हुआ वहां जाता है पैसे के साथ। समय तो जाता ही है, पैसा भी जाता है। तो अल्टीमेटली ये कोई बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए कि आपने 15 मिनट बचा लिया। आप अपने घर के टाइम को थोड़ा मैनेज कर दीजिए, जैसे दाल पकने को रख दिया, 25 मिनट लगना है खुले बर्तन में, ये पक्का है, तब तक आप दूसरे काम निपटा लीजिए। कोशिश कुछ इस तरह से करें। तो आप बोलेंगे सबसे अच्छे बर्तन कौन से हैं, एल्यूमिनियम तो सबसे खराब है ये जान लीजिए। फिर सबसे अच्छे जो बर्तन भारत में माने जाते हैं उनमें है पीतल,
सबसे अच्छा भोजन बनाने के लिए, भोजन खाने के लिए। पीतल के बाद जो दूसरा सबसे अच्छा एलॉय है वो कांसा। कांसे के बर्तन अभी भी बनते हैं पंजाब में, हरियाणा में, छोटे छोटे गांव में बहुत सारे बर्तन बनाने वाले लोगों की जातियां हैं जिनको शायद ठटेरे कहते हैं, वो लोग बनाते हैं ठोक कर पीट कर। तो कांसे के बर्तन ले आइए, बहुत अच्छे हैं। पीतल के बर्तन ले आइए, बहुत अच्छे हैं। और आपने थोड़ी देर पहले कहा दही, दही हमेशा कांसे के बर्तन में खाएं तो अमृत है, लोहे के बर्तन में खाएंगे तो वो लोहे ही जैसा है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। हरा कब होता है? जब दही खट्टा होता है। खट्टा दही कांसे के बर्तन में डालने से पहले नमक सॉरी गुड़ मिला के फिर आप खाइए, कभी भी हरा नहीं होगा। दही जैसे ही खट्टा हुआ तुरंत गुड़ डाल दीजिए उसमें। हाँ, इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए थोड़ी व्यवस्था ये करनी है कि कांसे के बर्तन में सब्जी डालनी है तो जितना जल्दी खा लेंगे उतना अच्छा है, जितना जल्दी खा लेंगे। उसको स्टोर करके नहीं रखना। स्टोर करने के लिए जो बर्तन है वो पीतल वाले, और स्टोर करने के लिए इन दोनों से भी अच्छे कुछ बर्तन है, पीतल और कांसे से भी अच्छे कुछ बर्तन है चांदी के, सिल्वर के। लेकिन चांदी इतनी महंगी है, 20,000 रुपए किलो है, तो मैं डर लगता है किसी को बताऊं। और चांदी से भी अच्छे बर्तन होते हैं सोने के, स्टोर करने के लिए, लेकिन सोना तो और भी महंगा है। अब आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि इन सबको नहीं कर सकते तो मिट्टी के बर्तन ले लीजिए, चीप एंड बेस्ट। मिट्टी की हांडी आती है, मिट्टी का तवा आता है, हांडी में दाल पकती है, हांडी में सब्जी भी पकती है, हांडी में चावल भी पकता है, हांडी में खिचड़ी भी पकती है, और तवे पे रोटी भी बनती है। मिट्टी की हांडी 15 से 20 रुपए में मिलती है, 3-4 महीने चलती है, यूज एंड थ्रो है, टूट गई तो फिर ले लीजिए, फिर ले लीजिए, फिर ले लीजिए। उससे हमारी इकोनॉमी भी चलती है। हाँ, गैस पे चलेगी, बराबर चलेगी। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि मिट्टी की हांडी में दाल पकाई या चावल पका, कुछ भी पकाया, तो गैस धीमी रखिए। मिट्टी की विशेषता है कि उसको आग धीमे 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 चलती है, तो धीमी आग में पकाएंगे तो गैस की बचत होगी, और जो दाल पकेगी उसका स्वाद इतना जबरदस्त होगा कि आप उंगली चाट जाएंगे। आज हिंदुस्तान में मिट्टी की हांडी की बनी हुई दाल खाने के लिए 5-star होटल में 400 रुपए लगते हैं, दिल्ली मुंबई में हांडी की दाल। कभी जयपुर जाइए तो जयपुर शहर से पहले एक चौकी ढाणी करके रेस्टोरेंट बना है, तो वहां लोग सिर्फ खाना खाने इसलिए जाते हैं कि मिट्टी की हांडी की दाल मिलती है, और वो 250 रुपए की थाली देता है, और दाल तो थोड़ी ही देता है, दूसरी बार ले लो तो 400 रुपए ले लेता है। अब मैंने एक दिन हिसाब लगाया, 400 रुपए में तो 10 हांडी घर में आती है, लेकिन लोग ऐसे हैं कि 400 रुपए की दाल खाने वहां जाते हैं लाइन लगा के, घर में 4 हांडी ले आए और उसमें दाल पकाए, वो उनको तकलीफ लगता है। तो मेरा तो आपसे कहना मिट्टी की हांडियां शुरू करिए लाना। मैं तो, मुझे बचपन का याद है, मेरा जन्म गांव में हुआ, मेरी दादी माँ दूध बनाती थी मिट्टी की हांडी में, दूध पकाती थी, और बहुत धीमी धीमी आंच पर वो दूध पकता था, पकते पकते एकदम लाल हो जाता था, और उस दूध का जो स्वाद है वो किसी दूध में नहीं आता, और उस दूध का जब दही जमाते थे एकदम लाल सुरख दही होता था, उसका जब मक्खन निकालते थे तो मक्खन भी उसका ऐसा ही होता था, और उसकी छाछ पीते थे माने लस्सी, और भी अद्भुत होती थी। वो स्वाद हमने सब भुला दिया, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, अमेरिका की और यूरोप की नकल करने के चक्कर में हम मिट्टी को भूल गए। कुकर ले आए, यूटेंसिल्स आ गए, फ्यूचुरा आ गया, फिर ये आ गया, महंगे महंगे चीजें, सस्ती चीज क्वालिटी की। अब मैं आपको जो और गहरी बात कहने जा रहा हूं वो ये कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं और उसका उपयोग करें, उसमें स्टोरेज करना सबसे अच्छा है। दाल पकाई, अब आपको स्टोर करके रखनी है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए, भूल जाइए, कोई तकलीफ नहीं। सब्जी पकाई, स्टोर करके रखनी ही है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए, भूल जाइए। दही बनाया, स्टोर करके रखना है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए। दूध रखना है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए। ये स्टोरेज के लिए मिट्टी सबसे अच्छी है, पकाने के लिए भी सबसे अच्छी। कांच भी मिट्टी का ही एक स्वरूप है, कांच जो बनता है ना मिट्टी से ही बनता है, सिलिका, सिलिका माने मिट्टी,
तो कांच का बर्तन भी मिट्टी के अल्टरनेट के रूप में चल सकता है, लेकिन थोड़ा महंगा है, उससे भी सस्ती मिट्टी है। और एक बात जान लीजिए, मिट्टी जो है सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की माँ है। दुनिया के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ही मिलते हैं। कैल्शियम आपको चाहिए मिट्टी से मिलता है, फॉस्फोरस चाहिए मिट्टी से मिलता है, सल्फर चाहिए मिट्टी से मिलता है, जिंक चाहिए मिट्टी से मिलता है, मैग्नीशियम चाहिए मिट्टी से मिलता है, मैग्नीज चाहिए मिट्टी से मिलता है, आयरन चाहिए मिट्टी से मिलता है। सारी दुनिया जहान के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ही मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी सूरज की धूप में लाखों साल तपती है, लाखों करोड़ों साल तपती है। कई बार मुझे लगता है कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी ने जितनी तपस्या नहीं की है उससे ज्यादा मिट्टी ने तपस्या की। लाखों करोड़ों साल से धूप सूरज की ले रही है, रिसीव कर रही है, तप रही है, उसके तपने से उसमें जो क्वालिटी डेवलप हो रही है उसको हम भूल रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे घरों में आजकल मिट्टी के घड़े आना बंद हो गए, फ्रिज आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, मिट्टी के दिए आना बंद हो गए, चाइना से बने हुए बल्ब की झालर आ गई दिवाली पे। हम कहते तो अपने आप को मॉडर्न है, लेकिन मूर्खों की श्रेणी में हम शामिल होते जा रहे हैं। हाँ, अभी कर रहा हूं तो आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, पंजाब में अभी भी मिट्टी बहुत अच्छी है और पंजाब में कुम्हार भी है। मैं थोड़े दिन पहले जलंधर गया था, जलंधर शहर में सड़क के किनारे बैठे हुए 10-12 कुम्हारों से मैं मिला था और उनसे पूछता था, भाई आपकी रोजी रोटी कैसे चलती? कहते तकलीफ में चलती है। क्यों? कहते घड़े बनाते हैं पूरे बिक नहीं पाते, दिए बनाते हैं पूरे बिक नहीं पाते, हांडियां बनाते हैं बिक नहीं पाते, तो जिंदगी चलती तो है घिसट घिसट के चलती है। फिर मैं बोला अगर आपका बिकने लगे तो, उन्होंने कहा हमें बहुत खुशी होगी। तो उनका कहना था कि हमारा बेचेगा कौन, हमारे पास तो जाहिरात करने का, एडवर्टाइजमेंट करने का पैसा नहीं है। मैंने कहा मैं करूंगा आपका एडवर्टाइजमेंट, फोकट में आपका ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। तो मैं सारे देश में घूम घूम के लोगों से कहता हूं कि आज ही ऑर्डर दे दो अपने किसी कुम्हार को कि 2-4 हांडिया ले आ, 1-2 घड़े ले आ, तवा मिट्टी का मंगा लीजिए, जो 2-4 चीजें आ जाए आपके घर में तो बहुत सुधार आ जाएगा खाने में, क्योंकि कैल्शियम आयरन की डिफिशियंसी हमारे भोजन में खूब हो रही है। और आजकल उस डिफिशियंसी का दुष्परिणाम जानते हैं क्या है? हम सभी की माताएं और बहनें जब गर्भावस्था में जाती हैं तो बिना सीजर बच्चे आते ही नहीं इस दुनिया में, वो कैल्शियम की डिफिशियंसी का कारण है, आयरन की डिफिशियंसी का कारण है। आयरन और कैल्शियम दोनों ही कम होगा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी नहीं, बच्चा तो सीजर करना ही पड़ेगा आपको। और जिनके बच्चे सीजर हो गए, याद रखिएगा जिंदगी भर उनको कोई भी दर्द से छुटकारा दिला नहीं सकता, पीठ का दर्द, पांव का दर्द, घुटने का दर्द होने ही वाला है। सीजर होने के बाद तो कोई भगवान भी आपका दर्द नहीं मिटा सकता। जिंदगी भर डॉक्टर कहेगा दवा खाते रहो, दर्द बटाते रहो या कम करते रहो, फिर दवा बंद करो, फिर दर्द आएगा, तो इतना बड़ा जुल्म क्यों करना अपने शरीर पर। माताओं को अक्सर मैंने देखा गर्भावस्था के समय में हीमोग्लोबिन 8, 9, और 7 के आसपास है, आयरन की इतनी कमी है खाने में, आयरन मिल नहीं रहा है, कैल्शियम कम हो गया है, क्योंकि यूरिया डीएपी इतना डाल दिया है खेत में कि उससे हमारे शरीर के भोजन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तो इसको कुछ बैलेंस करना है तो मिट्टी ही कर सकती है, क्योंकि मिट्टी में भरपूर कैल्शियम है, भरपूर आयरन है, भरपूर फॉस्फोरस है। मिट्टी में दाल पकाते ही आप देखते हैं कैल्शियम बढ़ जाएगा, टेस्ट उसका बता देगा आपको, फास्फोरस बढ़ जाएगा, टेस्ट बता देगा। तो मेरा आपको फोर्सफुली ये रिक्वेस्ट है, जोर देकर मैं आपसे कह रहा हूं कि 2-4 बर्तन खरीद लीजिए, वो कुम्हार की जिंदगी सुधर जाएगी और आपका घर का बजट कम हो जाएगा और आपके भोजन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, भारत में 1,50,00,000 कुम्हार है और 20 करोड़ परिवार हैं इस देश में। अगर हर परिवार 2-2, 4-4 हांडियां खरीद ले, 1-1 तवा खरीद ले, 1-1 घड़ा खरीद ले, तो 1,50,00,000 की जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल हो जाए। और वो 1,50,00,000 जब अपनी जिंदगी आपकी मदद से चलाएंगे तो आपको ही भगवान मानेंगे। है बनता आप जो है, मैं जलंधर में देखा बहुत अच्छा तवा, काली मिट्टी का तवा है, लाल मिट्टी का तवा है, पीली मिट्टी का, 3 तरह के तवे हैं जलंधर में। जहां आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी के बिल्कुल बगल में बैठता कुमार, उसके पास एक तवा, मैं पूछा काली मिट्टी वाला, वो क्या, ये मक्की की रोटी के लिए अच्छा है,
फिर लाल वाला उसने कहा ये गेहूं की रोटी के लिए अच्छा, फिर पीला वाला उसने कहा ये बाजरी की रोटी के लिए अच्छा। इतना माइक्रो कैलकुलेशन है उसका कि ये मक्की की रोटी के लिए ये बाजरी। मुझे तो लगा कि कुम्हारों से बड़ा साइंटिस्ट कौन है इस देश में जो ये माइक्रो कैलकुलेशन करके बैठे हैं कि ये मक्की की रोटी के लिए अच्छा है, ये बाजरी की रोटी के लिए अच्छा है, ये गेहूं की रोटी के लिए अच्छा। ये जरूर है कि उनके पास डिग्री नहीं है, सो व्हाट, डिग्री तो बहुत लोगों के पास नहीं है, लेकिन नॉलेज तो है। तो वो नॉलेज जो उनके पास है परंपरा से आया हुआ, उस नॉलेज का समाज के लिए सदुपयोग हो मेरी ये इच्छा है, और करोड़ों लोगों को रोजगार मिले और आपका किचन का थोड़ा रंग रूप बदले। मैं आपको एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले मैं मद्रास गया था। मद्रास में एक बहुत बड़ा ग्रुप है टीवीएस, आपका नाम टीवीएस जो मोटरसाइकिल, बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे हीरो होंडा हमारे उत्तर भारत का, वैसे दक्षिण भारत का टीवीएस ग्रुप है। शायद उनका टर्नओवर 2-2.5 लाख करोड़ का है। तो उनके घर के किसी सदस्य ने मेरी कोई सीडी सुनी, सीडी सुन के वो लेक्चर में आए। लेक्चर के बाद उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि आप हमारे घर डिनर को आएंगे। मैं गाऊंगा अगर फुर्सत हुई तो, उनका आइए हमको बहुत खुशी होगी। तो मैं उनके घर गया डिनर के लिए, तो इतना हैरान हो गया कि उनके रसोई में सारे बर्तन मिट्टी के, गड़ा मिट्टी का है, तवा मिट्टी का है, हांडी मिट्टी की है, वो आटा गूंदने के लिए जो थाली होती है ना वो भी मिट्टी की है, परात उसको क्या, सब कुछ मिट्टी का। अब मैंने उनके घर की मालकिन से पूछा कि 2.5 लाख करोड़ का एम्पायर आप संभालती है, पति पत्नी दोनों मिलके काम करते हैं, इतना बड़ा एम्पायर संभालती है, मिट्टी की हांडी में दाल पकाने का समय कब मिलता है आपको? तो उनका जो उत्तर था वो देख के मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि मिस्टर दीक्षित, दुनिया में हेल्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। अगर हमारी हेल्थ हम मेंटेन नहीं कर सकते तो ये 2.5 लाख करोड़ कुछ काम का नहीं। अगर हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, इधर 1000 करोड़ कमाते हैं, उधर कमाते हैं, तो ये किसी काम का नहीं है। और अगर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करके हमारी हेल्थ सुरक्षित है और हमको सालों साल डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, दवा खानी नहीं पड़ती, तो इससे अच्छा क्या सौदा है? तो मैंने कहा समय ज्यादा लगता है, तो उन्होंने कहा मैं मैनेज करती हूँ उस समय को, इधर दाल चढ़ा दिया, उधर ये चढ़ा दिया, मुझे दूसरे काम है, फाइल साइन करनी है, वो कर लिया, ऑर्डर किसी को प्लेस कर, वो सब मैनेज करती हूँ। तो मैनेजमेंट का ही सारा किस्सा है। तब मुझे समझ में आया कि ये बहानेबाजी हम छोड़े कि इसमें समय ज्यादा लगता है, कि इसमें ऐसा होता है, ये धुलने में तकलीफ है, या इसमें कोई तकलीफ दुनिया में बड़ी नहीं है, आपके हेल्थ से ज्यादा। तो आपकी हेल्थ को ध्यान में रखिए अगर आप मिट्टी के बर्तन लाएंगे तो बहुत ही अच्छा, स्टोरेज के लिए भी, पकाने के लिए। दूध आप जरूर पकाइए मिट्टी की हांडी में, फिर पी के देखिए। दही जमाइए मिट्टी की हांडी में, फिर खा के देखिए। आप कभी बंगाल जाते हैं, कलकत्ता, कलकत्ता में वो मिष्टी दही, मीठा दही मिलता है, सारा देश और दुनिया उसकी गुणगान करता है। उस दही की सारी क्वालिटी वो मिट्टी के कुल्हड़ की है, मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में दही जमा के रखते हैं, उसका टेस्ट। और रसगुल्ला बनाते हैं, वो रसगुल्ले का दूध मिट्टी की हांडी में उबालते हैं, तब जाके वो रसगुल्ला इतना सॉफ्टी बनता है। वो कहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे बर्तन में दूध उबाल कर उसको फाड़ें तो रसगुल्ले में सॉफ्टनेस नहीं आती, मिट्टी की हांडी में बनाते हैं तो सॉफ्टनेस आती है। तो पूरे बंगाल में, उड़ीसा में, और अब तो मैं एक और बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि भारत के सारे बड़े मंदिर, देवालय, भगवान के स्थान मिट्टी के बर्तनों में ही प्रसाद बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। कभी आप पुरी जाइए, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहां जो प्रसादम बनता है, भोग लगता है, वो मिट्टी की हांडी में लगता है। पहली बार जब मैं गया तो वहां के पुजारी को मैंने पूछा कि आपका मंदिर बहुत गरीब है क्या जो मिट्टी की हांडी में खाना बनाता है? तो पुजारी ने कहा कि हमारे मंदिर के पास 5600 किलोग्राम सोना है मंदिर के पास। आप क्या कहते हैं, गरीब है? मैंने कहा हाँ, ये तो नहीं कह सकता गरीब है। उन्होंने कहा हम तो मिट्टी की हांडी में इसलिए भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं कि मिट्टी पवित्र होती है, उससे ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई चीज नहीं। तब मुझे स्ट्राइक किया कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो ये मंदिर का पुजारी है जो ये मानकर काम कर रहा है कि मिट्टी पवित्र होती है। मुझे ये बात समझने में लेबोरेटरी लगती है, रिसर्च लगता, उसको ये बात समझने में 1 ही मिनट लगती है मिट्टी पवित्र होती है। तो
मिट्टी की पवित्रता, मिट्टी के गुणगान जितने आप करना चाहें करिए, लेकिन जिंदगी में रखिए। और फिर मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्गों की कहावत हम सिद्ध कर पाएंगे, मिट्टी से जुड़े रहो, तो वो तभी संभव है जब मिट्टी की हांडियां हैं, मिट्टी की कढ़ाई है, मिट्टी के बर्तन हैं आपके घर में। कोशिश करिए घड़ा तो आ ही जाए मिट्टी का पानी के लिए। दूसरी कोशिश करिए पीने के लिए गिलास जो चाहिए वो मिट्टी के आ जाए आपके घर में। तीसरी कोशिश करिए दो चार हांडियां आ जाए, तवा आ जाए, यहीं पटियाला के आसपास के किसी कुमार को ऑर्डर दे दीजिए, वो इतना खुश हो जाएगा, वो कहेगा कि ये कहां से भगवान लोग चले आ रहे हैं मेरी मदद करने के लिए। और आपकी जीवन और आपकी जिंदगी दोनों बदलेगी। और मैं आपको एक छोटी सी अपनी ऑब्जर्वेशन कहना चाहता हूँ, जिनको भी अर्थराइटिस है, जिनको भी ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको भी ब्लड प्रेशर लो है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिनको भी ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम है, ये सब लोग कल से ही मिट्टी की दाल खाना शुरू करें, हांडी की चावल खाना शुरू करें, खिचड़ी, और 3 महीने के बाद आप ऑब्जर्व कर लीजिए, बिना मेडिसिन खाए आपका ट्राइग्लिसराइड कम हो रहा है, बिना मेडिसिन खाए आपका डायबिटीज माने शुगर कंट्रोल हो रहा है, बिना मेडिसिन के आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है, बिना मेडिसिन की बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि बॉडी को जो खुराक चाहिए वो आपको भरपूर मिल रहा है। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर करें। लोहे के बर्तन के बारे में ये कहा जाता है कि लोहा जो रॉट आयरन है, रॉट आयरन एक तो स्टेनलेस स्टील है, ये अच्छा नहीं होता, रॉट आयरन बहुत अच्छा, जो प्योर आयरन फॉर्म में मिलता है ना थोड़ा काला काला, वो लोहे के बर्तन, तो उस लोहे के बर्तन में आप सब्जियां बना सकते हैं, दाल भी चाहे तो पका सकते हैं। लोहे की कढ़ाई आप बाजार में मिलती है आसानी से, वो कई गुने अच्छी है प्रेशर कुकर से। हाँ, काली हो जाती है तो उसका तरीका बताता हूँ साफ करने का। लोहे की कढ़ाई को साफ करने के पहले उसमें नींबू निचोड़ दीजिए या नींबू के छिलके से उसको अच्छे से घुमा दीजिए, और आपके घर में जो भी साफ करने के लिए है उसको रब करके कर दीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। नींबू इस्तेमाल करके सब क्लियर कर देता हूँ। लोहे की कढ़ाई जिवें मर्जी साहब का, तो मैं खुद यूज करता जी बर्तन, बहुत अच्छा। आयरन उसमें आने ही वाला है, वो तो आयरन ब्लैक है तो आयरन आएगा, तो वो तो थोड़ी ब्लैकिशनेस आएगी, उससे घबराइए मत, क्योंकि आयरन की गोलियां खाते हैं आप हजारों रुपए खर्च करते हैं, उससे अच्छा आयरन की कढ़ाई है आपके पास। इतना जरूर ध्यान रखिए कि ये जो आयरन है कढ़ाई में, रॉट आयरन, ये स्टेनलेस स्टील से अच्छा है और कई गुना ये एल्यूमिनियम से भी ज्यादा अच्छा है। स्टील अच्छा है लेकिन 50-50 स्टील से अच्छा आयरन है। स्टील को क्या करते हैं, स्टेनलेस बनाने के लिए उसमें निकिल और क्रोमियम दो केमिकल मिक्स करने पड़ते हैं, दोनों ही हैवी हैं, तो स्टेनलेस स्टील से अच्छा हमेशा आयरन होता है, आयरन से अच्छा हमेशा कांसा है, कांसे से अच्छा पीतल है, और इन सब से अच्छा मिट्टी। हाँ, कुछ लोग कलई कर लेते हैं, और वो कलई इसलिए की जाती है कि थोड़ा सफाई में मदद करे और उसमें ज्यादा घी भी नहीं चिपके, क्योंकि वो कलई करते ही थोड़ा स्टिकनेस उसकी कम हो जाती है, तो वो घी ज्यादा नहीं चिपकता, तेल ज्यादा नहीं चिपकता, लेकिन कलई ना करें तो अच्छा ही है, कलई कर भी लेंगे तो इतना खराब नहीं, इतना खराब नहीं है। आजकल जो ज्यादा बीमारी है लगभग इंसान को तेजाब की और गैस की। बहुत अच्छा, मैं अभी बीमारियों पे बात शुरू करूं उसके पहले आज के सूत्रों पे आप प्रश्न कर लीजिए। मिट्टी के रिलेटेड है, पुराने बुजुर्ग खाने के बाद मिट्टी से हाथ धोते थे। मिट्टी से नहाते भी थे, मिट्टी से बाल भी धोते थे, मुल्तानी मिट्टी से नहाना, मुल्तानी मिट्टी से बाल धोना, बाल किसी के टूटते नहीं थे, सभी काले रहते थे, मजबूत रहते। जब से शैम्पू आया तब सोसाइटी में सस्ती है आंवला, आंवला खाइए। हाँ, आंवले को दूध से थोड़ा आगे पीछे खाइए ना, आंवला खट्टा है, दूध जो है जी चवनप्राश खा सकते हैं, क्योंकि उसमें आंवले को एसिडिटी जितनी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरे केमिकल भी है, तो चवनप्राश तो खा सकते हैं, लेकिन आंवला खाइए जी। हाँ खाइए ना, देसी घी मिश्री खाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चवनप्राश के साथ तो दूध खा लीजिए, आंवले के और दूध के आगे पीछे एक दूसरे को रखिए। दही के साथ, दही में मिर्ची डाल, दही में मिर्ची डालिए, काली काली मिर्च जिसको हम कहते हैं, लाल वाली अच्छी नहीं, लाल वाली मिर्च किसी चीज में अच्छी नहीं,
लाल वाली मिर्च से अच्छी है हरी मिर्च, हरी मिर्च से अच्छी है काली मिर्च। आंवले के कई तरीके हैं खाने के, सबसे पहला तरीका कच्चा खा लीजिए। हाँ, लेकिन आंवले की एक दूसरी बात है, आप करके देखिए कल, थोड़ा आंवला काटिए दांत से, तुरंत इतनी लार निकलती है, इतनी लार निकलती है कि आप हैरान हो जाएंगे। और वो लार ज्यादा इसलिए निकलती है कि आंवले की एसिडिटी को कंट्रोल करे, क्योंकि लार छाड़े। तो आंवले को चबा चबा के कच्चा खा सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका। दूसरा अच्छा तरीका आंवले की चटनी बना के खाना। तीसरा अच्छा तरीका आंवले का मुरब्बा बना के खाना। चौथा अच्छा तरीका आंवले की कैंडी बना के खाना। पांचवा अच्छा तरीका है आंवले का कुछ भी बना के खाना, चाहे च्यवनप्राश चाहे उसको अमृतप्राश जो कहना, लेकिन खाइए जरूर आंवला। अचार खाइए, बहुत अच्छा। आज के सूत्रों पे प्रश्न, पराठे में अगर सेंधा नमक है या काला नमक है तो जरूर दही के साथ खा लीजिए, अगर उसमें ये समुद्र के पानी वाला नमक है तो मत खाइए। जी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जी सेंधा नमक से? सेंधा नमक से ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल अगर लो है तो बढ़ेगा, हाई है तो घटेगा, ये दोनों काम ऑटोमेटिक करता है। मैं आपको पूरे एक साल का शेड्यूल बताता हूँ। जब गर्मियों का सीजन शुरू होता है होली के बाद से और बारिश के पहले दिन तक मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी को ही पीना अच्छा है, रात्रि को दिन को हमेशा। जब बारिश शुरू हो जाती है उस दिन से लेकर और बारिश के अंतिम दिन तक तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना हमेशा अच्छा होता है। जब बारिश खत्म होती है और सर्दियां शुरू होती हैं उस दिन से लेकर और फिर होली के दिन तक सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी अच्छा होता है। दोबारा बताओ, दोबारा। गर्मी से बरसात, गर्मी के दिनों में होली से लेकर बारिश के पहले दिन तक मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी बहुत अच्छा होता है। मैं बता रहा हूँ बैठिए। बारिश के पहले दिन से और होली के पहले दिन तक का जो समय है गर्मियों का, ये मिट्टी का है। फिर बारिश शुरू होके और बारिश का खत्म होने तक ये तांबे का है, और बारिश खत्म होके सर्दियां शुरू हो और फिर गर्मियां शुरू हो तो ये सोने का है। अब प्रश्न उठता है कि भाई सोने के बर्तन कहाँ से आएंगे इतनी महंगाई के जमाने में? तो आप ऐसा करिए, बर्तन कोई भी रख लीजिए, मिट्टी का ही रख लीजिए, सोने की उसमें एक अंगूठी डाल के छोड़ दीजिए, सोने की एक चेन डाल के छोड़, तो कुछ फायदा तो होगा ही, नुकसान तो नहीं होगा, फायदा तो थोड़ा होना ही है। सोना जो है ना, सोना बहुत गर्म है और चांदी बहुत ठंडी है। तो गर्मियां हैं तो सोने का पानी जहर है, लेकिन वही पानी अमृत है जब ठंड का समय है। तो ठंड के समय में सोने के अंगूठी का पड़ा हुआ पानी, सोने के रिंग का पड़ा हुआ पानी, कुछ भी सोने का सिक्का एक छोटा सा हो, कुछ भी हो, किसी भी बर्तन में डाल के रखिए। और इस पानी को मैं मेडिसिन के रूप में यूज करता हूँ मेंटल डिसीज में, एपिलेप्सी के डिसीज है ना, जिनको चक्कर आते हैं, बेहोश होके गिर जाते हैं, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, एपिलेप्टिक अटैक की बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको डिप्रेशन बहुत होता है, मेंटल डिप्रेशन बहुत होता है, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको हमेशा बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव, अभी मैं मर जाऊंगा, अभी वो मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है जिनके लाइफ में, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको कभी भी अच्छी नींद नहीं आती, रात को हमेशा शिकायत करते हैं मैं सोया नहीं, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनका माइंड कभी डेवलप नहीं हो पाया, बहुत बार ऐसा होता है ना, शरीर बढ़ गया लेकिन माइंड बच्चे का ही है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपके जीवन में आ सकते हैं, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। और आखिरी बात कह दूं, कफ की, हर बीमारी की बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम, माइग्रेन, लेफ्ट में, राइट में, ये सब कफ की बीमारियां हैं, इनकी सबकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। इसलिए आप पूरी बात सुन लीजिए,
कफ का रेंज मैंने बताया ना, कफ का एरिया क्या है, छाती से लेके सिर तक, इसलिए छाती से शुरू करके सिर तक के सारे गहने सोने के ही पहने जाते हैं, क्योंकि वो कफ को कंट्रोल करते हैं। ये जो है ना सोने का होगा, ये सोने का होगा, ये सोने का होगा, सब सोने का है, और इसके नीचे जो भी कुछ है वो सब चांदी का है। तो सोना जो है छाती के ऊपर के सारे अंगों में पहना जाता है, क्योंकि कफ को कंट्रोल करता है। तो मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि हमारे जो गहने हैं वो सब हमारे हेल्थ से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं जी। ये अंगूठी सोने की डालते हैं वो ग्रहों के चक्कर वाले, वरना हमेशा हाथ में जो अंगूठियां पहनी जाती है नॉर्मल केसेस में वो चांदी की होती है, लेकिन ग्रहों के चक्कर है, किसी को मंगल का चक्कर है, किसी को शनि का चक्कर है, पंडित जी बताते हैं तो हम पहनते हैं। तो मैं जो कहना चाहता था वो शायद आप समझ पाए हैं कि चार महीने जब सर्दियां हैं तो सोने के बर्तन का पानी पीना है, चार महीने जब गर्मियां हैं तो मिट्टी के घड़े का पीना है, चार महीने जब बारिश है तो तांबे के बर्तन का पानी पीना है जी। पानी को हमेशा पीने का तरीका है कि सबसे पहले गर्म कर लीजिए, सबसे पहले सवेरे सवेरे खूब उबाल दीजिए, फिर उसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा हो जाने दीजिए, फिर बर्तन में डाल दीजिए, चाहे वो मिट्टी के घड़े में डाल दीजिए, चाहे तांबे के बर्तन में डाल दीजिए, चाहे सोने वाले उसमें डाल दीजिए, फिर उसी को दिन भर पीते रहिए। हर समय गर्म करके पीने की जरूरत नहीं है, एक बार बॉइल करके रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर दीजिए, फिर उसको किसी भी बर्तन में डाल के सवेरे से शाम तक यूज करते जी। अभी आरओ का सवाल आया तो मैं इसको जरा बता देता हूँ, वैसे मैं कल बताने वाला था, ये आरओ का पानी अच्छा कि नहीं, मैं आपको पानी के बारे में जानकारी दे दूं मोटी सी दो तीन मिनट में। वो ये कि आयुर्वेद जो कहता है सबसे अच्छा पानी है बारिश का पीने के लिए, जिसको अमृत कहा गया। तो आप कुछ अगर ऐसी व्यवस्था कर सकें कि बारिश का पानी इकट्ठा करें और उसको साल भर पिए, तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं दुनिया में। आप बोलेंगे कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है, आपकी जो छत है ना उस छत को तो आपने सबने सीमेंटेड कराया ही हुआ है, छत में से जो पानी गिर रहा है किसी पाइप में होते हुए, इस पाइप को आप आपके बोर में लगा दीजिए, अगर बोर है तो, बोर नहीं है तो वो पाइप को किसी टैंक बना के उसमें डाल दीजिए, अंडरग्राउंड टैंक बना दीजिए आपके घर में और उसमें पूरा पानी डाल दीजिए। बारिश के पानी में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसको ध्यान रखें, बारिश के पानी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अगर अंडरग्राउंड टैंक में आपने कलेक्ट कर लिया तो साल भर, दो साल, तीन साल आप पी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं आएगी। राजस्थान में गांव गांव के हर घर में टैंक रहता है और 5 इंच बारिश होती है, वो एक एक बूंद पानी इकट्ठा करते हैं, उसी को साल भर पीते हैं, जॉन्डिस की बीमारी उस एरिया में कभी नहीं होती क्योंकि बारिश का पानी पीते हैं। तो बारिश का पानी आपके लिए सबसे अच्छा, जैसे भी हो आप इकट्ठा करिए। दूसरा पानी जो सबसे अच्छा माना जाता है वो नदियों से आने वाला, जो नदियां ग्लेशियर्स के साथ जुड़ी हुई, जैसे गंगा नदी है, ये सीधे ग्लेशियर से आती है, ग्लेशियर की बर्फ है वो पिघलती है, मेल्ट होती है, फिर उसका पानी नदी में आता है। तो दूसरा सबसे अच्छा पानी है उन नदियों का जो ग्लेशियर से आती है, पहाड़ों से आती है। तीसरा सबसे अच्छा पानी होता है तालाबों का, जो बारिश के पानी के रूप में ही इकट्ठा होता है। और चौथा सबसे अच्छा पानी होता है वो बोर का, जो बारिश के पानी को रिचार्ज करके ही बोरिंग में आता है। और पांचवा सबसे अच्छा पानी होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो आप पीते हैं। अब आप सोच लीजिए कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी लास्ट में है तो माने सबसे खराब है, सबसे अच्छा बारिश का, तो अब आपको तो कॉर्पोरेशन का पानी है, ये आपकी मजबूरी है। मैं चाहता हूं आप मजबूरी को थोड़ा बदलिए, 2-4 हजार रुपए खर्च करिए या ज्यादा से ज्यादा 10 हजार रुपए खर्च करिए, आपकी छत में स्लोप बना दीजिए और एक पाइप में पूरा पानी उतारिए, फिर उस पाइप को आपका एक टैंक बना के अंडरग्राउंड उसमें उतार। मैंने मेरे घर में ये व्यवस्था की है, मुश्किल से 22 हजार रुपए का खर्चा आया और उस खर्चे में मैं हर साल 1 लाख लीटर पानी कलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे टैंक में उतना आ जाता है। साल भर हम पीते हैं, हमारे पड़ोसी भी पीते हैं। मेरा एड्रेस बहुत छोटा सा है, राजीव दीक्षित सेवाग्राम वर्धा, सेवाग्राम गांव में मैं रहता हूँ।
तो हमने छोटा सा अपने घर में ऑल्टरेशन किया, छत को थोड़ा स्लोप दे दिया और उसके बाद सारा पानी एक पाइप में दे दिया, नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक बना दिया, उसमें पूरा पानी इकट्ठा होता है, साल भर हम उसी को पीते हैं। आप चाहें तो पंजाब में भी ये हो सकता है, हमारे यहाँ तो बारिश कम है, पंजाब में तो ज्यादा, हमारे यहाँ साल में 25 इंच बारिश है और पंजाब में साल में 50 इंच से ज्यादा बारिश है, आप तो और भी ज्यादा पानी इकट्ठा कर सकते हैं। और ये पानी इकट्ठा करना पड़ेगा आज नहीं तो 10 साल के बाद, क्योंकि जमीन के अंदर का सारा पानी सूख रहा है, कितने दिन आप उसको निकालेंगे? हाँ, मिट्टी डल जाती है तो उसको साफ कर लीजिए, या उसमें कोई आपको कंफ्यूजन है तो मिट्टी के ऊपर चूना फेंक दीजिए, बस वो पानी को अपने आप साफ करके नीचे भेजेगा। चूने से अच्छा पानी को साफ करने वाला दुनिया में कोई केमिकल नहीं। छत पे चूना डाल दीजिए, बारिश जैसे ही शुरू हुई चूने के पत्थर डाल दीजिए दो चार, जितना भी पानी कांटेक्ट में आएगा सब फिल्टर होके आएगा, तो मिट्टी का उसमें दुष्प्रभाव खत्म हो जाए। तो छत का पानी कोशिश करिए इकट्ठा करने का, नहीं कर सकते हैं तो आपके पास कॉर्पोरेशन का पानी है, इसको बिना उबाले मत पीजिए। अब आप कहेंगे इस पानी को हम एरो में डालें और फिल्टर करें या उबाले और पिए, दोनों में क्या बेहतर है? उबालना बेहतर है, क्योंकि जब एरो में आप पानी को फिल्टर करते हैं तो उसमें पानी को फिल्टर करते समय कुछ ऐसे केमिकल खत्म हो जाते हैं जो आपके शरीर को जरूरी है। तो एरो का पानी तो मजबूरी का पानी है, जब कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे तो कई बार मैंने एक, आप इसको मजाक मत कहिएगा, मैं आपको सीरियसली कहता हूं, मैंने एरो के जितने भी ब्रांड है मार्केट में, एरो तो एक ब्रांड है, बहुत सारी वाटर प्यूरिफायर मशीन है, सबका पानी निकाल निकाल के लेबोरेटरी भेजा टेस्टिंग के लिए, सभी टेस्टिंग की एक ही रिपोर्ट है कि किसी में फास्फोरस कम हो गया, किसी में कैल्शियम कम हो गया, किसी में आयरन कम हो गया, किसी में कुछ कम हो गया, किसी में कुछ कम हो गया। फिर मैंने इन कंपनियों को चिट्ठियां लिखी कि आप बोलते हैं कि आपकी मशीन बहुत अच्छी है, पानी को प्यूरिफाई करती है, तो उसने कहा हम कब बोलते हैं? वो कहते हैं हम पानी को प्यूरिफाई करने की मशीन बनाते हैं, पानी को क्वांटिफाई करना क्वालिटीफाई करना इसके लिए मशीन नहीं बनाते हैं। माने पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की मशीन नहीं है हमारी, हमारी पानी को प्योर करने की मशीन है। अब प्योरिटी क्या है? कुछ हैवी मेटल्स हैं पानी के, उनको निकाल दिया हमने, पानी का टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि इसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर दिया हमने। तो आपको थोड़े से भ्रम जाल में फंसा के वो अपना धंधा करते। पानी की क्वालिटी मेंटेन रहती है जब पानी बॉइल करके आप पीते। आपके शरीर में भगवान ने पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए दो किडनी दे रखी, दो मशीनें हैं, उनका कब इस्तेमाल करेंगे आप? तो आप ये तो भूल जाइए, भगवान ने हमको दो किडनी दी है, एक छोड़ के दो दी है, मुंह तो एक ही दिया है खाने को, किडनी तो दो दी है, वो इसी काम के लिए है कि जितना भी आप पेस्टिसाइड खा रहे हैं उसको खत्म करें या फ्लश आउट करें। तो आप उसकी चिंता मत करिए, किडनी अगर फंक्शनल है तो आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं, किडनी अगर फंक्शनल नहीं है तो जरूर ये सोचने की बात। बिल्कुल नहीं, बारिश के पानी को बॉइल करने की जरूरत नहीं, वो तो भगवान का पानी है, उससे ज्यादा शुद्ध तो होता नहीं है। नहीं, कभी मत रखिए, बारिश के पानी को मिट्टी के टैंक में रखना सबसे अच्छा है, कांच की बोतल में चले, कांच जो है ना मिट्टी का ही दूसरा स्वरूप है, सिलिका को थोड़ा प्यूरिफाई करते हैं तो कांच बन जाता है, सिलिका माने मिट्टी। गुनगुना, गरम नहीं गुनगुना। नहीं, तांबे और सोने का कॉम्बिनेशन नहीं है, आप सोने का सिक्का अलग रखिए, तांबे का अलग रखिए, सोने का सिक्का अभी डालिए इन दिनों में जब सर्दियां हैं, और तांबे का तब डालिए जब बारिश आ जाए। नहीं नहीं, रात को बॉईल किया हुआ पानी आप रख लीजिए, सुबह उठ के इसको पी लीजिए, कोई जरूरत नहीं दोबारा गर्म करने की, रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए है सुबह का पानी गर्म गर्म पीना, जिनको दमा है, जिनको अस्थमा है, जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है, जिनको ट्यूबरकुलोसिस है, उनको हर समय पानी गर्म ही पीना चाहिए। जी जी, नहीं नुकसान कुछ नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं है, आप पीजिए, कोई नुकसान नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जरूरत क्या है, जरूरत है अस्थमा,
ब्रोंकियल अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को हर समय गर्म पानी पीने की उनकी जरूरत है। डाल दीजिए मिट्टी के घड़े में सोने की अंगूठी डाल दीजिए, स्टील के बर्तन में डाल दीजिए, हाँ प्लास्टिक छोड़ दीजिए जी। तांबे के बर्तन में सोना नहीं डाला जाता, तांबे के बर्तन में तांबा ही पर्याप्त है। सोना डालने के लिए मिट्टी का बर्तन, स्टील का बर्तन, लोहे का बर्तन, कांच का बर्तन वो यूज करें। हाँ एक बार गर्म करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फिर तांबे के बर्तन में भरी, गरम गरम पानी मत भरी, ठीक है। अभी इसको थोड़ा मैं कंक्लूड करता हूँ, एक ही मिनट में मैं कंक्लूड करता हूँ, कल फिर हम मिलेंगे। कल मैं आपको एक छोटी सी माफी चाहता हूँ, 30 को शाम को भी हमने सेशन करने का बोला था लेकिन मुझे 30 को दोपहर का टिकट मिला है ट्रेन का, रात का ट्रेन का टिकट नहीं मिला, इसलिए मुझे 30 को दोपहर में जाना है तो शाम का सेशन नहीं होगा। तो मैं परसों का जो लेक्चर है वो ओपन है, टॉपिक्स ने तो दस ही दिते ने, उधर तुम जिन्हों भी इनवाइट करना चाहते हो तुम अपने वालों उन्होंने इनवाइट करके इतने बुला सकते हो, इतने लिया सकते हो, क्योंकि 25,000 रुपये तकरीबन इस रेट पर पहुँच गई है। बट परम पूज्य स्वामी रामदेव जी जिन्होंने कि आप जुड़े हुए हैं, रजीव दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने हले भी सोने की पसम का रेट उ रखा हुआ जो कि सोना 5,000 रुपये तोला से जो रेट उदो रेट हले भी चल रहा है, नहीं किया जाता वह चार्ज नहीं किया जाता जिमें कि बाकी कंपनियां मुनाफे के लिए आयुर्वेद यूज कर रही हैं। तो असं बहुत ही धनवादी हाँ श्री हॉबी धालीवाल जी जो कि अच्छे टाइम कट गए, म्यूनसिपल काउंसलर सरदार इंद्रजीत सिंह जी खरौल, श्री हरविंदर सिंह जी प्रेजिडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जिन्होंने कि अपने नाल के 1400 मुंडिया की सपोर्ट अनकंडीशनल स्वामी रामदेव जी ने दी है कि जितने भी स्वामी रामदेव की जरूरत पड़ेगी तो वह जाना भी मार देंगे। तो हरविंदर सिंह जी एक बार खड़े हो जाएंगे सारे अपने जो कि नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग तो जो कि सारी कोऑर्डिनेशन जी तुम कॉल्स होंगे ने कौन कदों आ रहा है कदों नहीं आ रहा। तो नाटक जी मैंने पहला भी तुम्हें दसिया कि साढ़े को एक्चुअली कल तो बस उन्होंने दो लैक्चर हूँ साढ़े फ्री हो गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट करके, तो उन्होंने तो कोई भी इन्हें कितने भी लैक्चर करवाना चाहे मैं 140 70 111 9 8 1 4 0 7 0 1 2 1.5 घंटे तो जो कोई भी इन्हों का लैक्चर साढ़े को